ऑन है माइक, ओके मैं लाइव हूँ, ओके गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सबका स्वागत है टाइम्स कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। और YouTube के साथ साथ एप्लीकेशन पे भी क्लास लगी हुई है, इसको थोड़ा सा हटा दो, सर इधर आइएगा, इसको हटा दो, ओके हाँ इनको, यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जल्दी से बताएं आप लोग कैसे हैं, पहले सबसे पहले बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं इधर से इधर, ओके थोड़ा सा स्टूडियो, स्टूडियो में कम क्लास लेती मैं, तो मुझे आइडिया नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो बायोलॉजी स्पेशल 1 और 2 के स्टूडेंट हैं, बच्चों तुम लोग एक ध्यान से एक बात सुनना मेरी, बायोलॉजी स्पेशल 1 और 2 वालों, आज आपकी क्लास यहाँ पर आपकी साथ में चलेगी, चाहे आप YouTube से देख सकते हैं, चाहे आपने जो बैच परचेज कर रखा है बायो स्पेशल 1 या बायो स्पेशल 2 के स्टूडेंट हैं वहाँ से देख रहे होंगे। जो बायोलॉजी स्पेशल 1 और 2 वाले हैं उनका एंजाइम्स रहा हुआ है 10-15 मिनट का, तो एंजाइम्स मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, हार्डली मुझे लगता है आधा तो मैंने पढ़ा दिया था प्रीवियस क्लास में, 10 या 15 मिनट का बचा होगा तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। मैंने कहा था इसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और यूट्यूब पर भी बच्चे कह रहे थे मैम स्केलेटल सिस्टम पढ़ाओ। सबसे पहले तो ये देखो क्या लगाया है, ये एक तुषार है यहाँ पर, तुषार नाम का लड़का है हमारे टाइम्स में, वो ऐसी हरकतें करता है, उसने अपनी फोटो लगा दी यहाँ पे, कह रहा मैम भूत लगा देता हूँ आधे बच्चे भाग जाएंगे, तो उसने, मैंने कहा चल लगा दे भूत, तो ये भूत नहीं है। सबसे पहले तो ये बच्चों आपका कंकाल है, मरने के बाद इंसान का यही दिखता, अगर आपकी स्किन हटा दी जाए ना तो उसके बाद यही दिखना है आपका, और कुछ नहीं है, कहाँ गया। चलो ये सब हम बाद में बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, हाँ जी ये बताओ कि आप लोग कैसे हो, हाँ कैसे हो, और फिर आज की क्लास का मालूम था आपको कि आज क्लास थी आपकी, और हाँ कुछ बातें बतानी है मुझे आप लोगों से। चलो मैम साइंस स्पेशल 9 कब से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन पर। चलो अब कुछ बातें करूँ मैं आप लोगों से, 3 बातें बोलूँगी। सबसे पहली बात तो ये क्लास जो यूट्यूब पे मैंने आज लगाई है, उसका क्लास का यूट्यूब पे लगाने का रीज़न ये था कि आप लोगों ने ही मुझे कल की क्लास में कहा था कि मैम आप एक क्लास स्केलेटल सिस्टम और एक आई थिंक ग्लैंड्स वाले चैप्टर पर आप पढ़ा दो, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं स्केलेटल सिस्टम करवा देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्लैंड्स करवा दूँगी। तो जिन लोगों ने मेरे को बोला था उसके बाद तभी मैंने इसको आपका YouTube पर भी स्ट्रीम करवाया है क्लास को। तो सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर क्लास लेने आया है आज की क्लास, तो तुम लोग कसम खाओ जब तक मैं नहीं छोड़ूंगी तब तक तुम क्लास से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ आज हम स्केलेटल सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी लगाएं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं बनके, मैंने हालांकि चेक नहीं किए हैं लेकिन साथ में ही कर लेंगे क्लास में, ठीक है। चलो तो सबसे पहले कसम खाओ, विद्या माता की कसम खाओ कि क्लास तुम छोड़ोगे नहीं, चाहे 4 घंटे पढ़ाऊं, चाहे मैं 3 घंटे पढ़ाऊं, चाहे मैं 5 घंटे पढ़ाऊं, बस चैप्टर फिनिश करेंगे आज, स्केलेटल सिस्टम ये खत्म करके ही मानेंगे आज। अब दूसरे बात, मैम पिंकी बोल रहे हैं मैम फोन में चार्जिंग कम है, तो बच्चा चार्ज लगा लो फोन, क्या हो गया, चार्ज लगा लो, तुम जब चैटिंग करते हो, फेसबुक चलाते हो, तब भी तो आप फोन चार्ज करते हो ना, तो चार्ज कर लो, क्या हो गया, ठीक है। तो क्लास जब तक स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, इसके क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे, चलो क्वेश्चंस देखेंगे हम लगने हैं कि नहीं लगने, लेकिन चैप्टर हम आज पूरा फिनिश करेंगे, उसके बाद ही आप लोग जाओगे और उसके बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना जाओगे, चाहे आप बिहार SI का, चाहे आप UPSI का एग्जाम दो, चाहे आप CGL CPO कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, पक्का आना है। हाँ वो बात अलग है, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है, इनफैक्ट मैं जो आपको यहां पर लेवल करवाऊंगी वो नीट लेवल का कराऊंगी। अगर कोई बच्चा यहां पर एज ए फाउंडेशन बैच, अगर आपने मेरा बायोलॉजी ज्वाइन कर रखा है 1 या 2, तो उसमें मैं पूरा नीट फाउंडेशन का ही लेवल करवा रही हूं यहां पर, तो पूरा का पूरा मैं ऐसा आपको लेवल करवाऊंगी, ठीक है।
चलो ओके, मैं एप्लीकेशन पर रचना आ चुकी हैं, रचिया ओके रचिया, और बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, तो एप्लीकेशन वाले बच्चों आपका भी कमेंट देख रही हूँ, आपको भी आज बने रहना है, और इसलिए आज आपके 4 से 5 घंटे की क्लास है ना बायोलॉजी 1 एंड 2, इसलिए मैंने कल की क्लास आपकी ऑफ करवा दी है कि कल नहीं फिर परसों पढ़ेंगे हम, कल आप इसको रिविजन कर लेना, या फिर किसी बच्चे ने 2 घंटे आज देख रहा है तो 3 घंटे कल देख लेना इसको, ठीक है, एप्लीकेशन वालों के लिए ये है, बाकी यूट्यूब वालों को भी बने रहना है यहाँ पर। चलो तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसको भी आता है छोटी मोटी चीजें, जैसे किसी को पता है तो वो ज्यादा ज्ञानी ना बने, जिसको आ रही है वो अपने तक रखें, फालतू का कमेंट ना करें, और भाई कंप्यूटर जी कोई भी फालतू कमेंट आए मेरे तक नहीं आए उसे वहीं पर डिलीट कर देना, ठीक है। चलो ओके, सब लोगों को जय श्री राम, राधे राधे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे तो जो लेट जुड़ेगा उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बेसिक से लेकर मैं एकदम आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस चैप्टर से आया और आपसे नहीं बना, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, ठीक है। चलो तो आज का जो चैप्टर है बच्चों वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आपका एक सिस्टम है, और जिस सिस्टम को हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो जल्दी से चैप्टर का नाम लिखो। अच्छा मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाना, जितने सारे डायग्राम मैं जैसे बनवाऊँ वैसे आप भी बनाना, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, और हिंदी में लिखेंगे आप कंकाल तंत्र, हिंदी में लिखोगे आप कंकाल तंत्र। देखो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में। देखो स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। आप जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और उन ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है, और उन ऑर्गन्स का जब ग्रुप आपस में, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें एक जैसे फंक्शंस होते हैं, जिनमें एक जैसे कार्य होते हैं, उन सारे ऑर्गन के ग्रुप को हम सिस्टम नाम दे देते हैं, हम तंत्र बोल देते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम के नाम सुने होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मानव कार्यकी में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। अब यहां पर स्केलेटल का मतलब होता है हमें यहां पर उस सिस्टम को, उस सिस्टम के बारे में पढ़ना है जो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, हमारे शरीर का प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना हुआ, एक ढांचा बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा हाथ हवा में उड़ रहा है, ऐसा है ना, सारा प्रॉपर आपके बॉडी का एक ढांचा बना हुआ, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, और हमारे बॉडी को यह ढांचा किसने दे रखा है तो आप बताओगे बोन्स ने। तो यहां पर हमें बेसिकली स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो आप लिखोगे अरेंजमेंट्स ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम, इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। कहने का मतलब क्या हो गया, आप बताओगे कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में जो बोन्स का, बोन्स का मतलब होता है अस्थियां लिखो हिंदी में, या आप लिख सकते हो हड्डियां, हड्डियां बोलते हैं ना, मैं तेरी हड्डियां पसलियां एक कर दूंगा, तो वैसे अस्थियां लिखो या हड्डियां लिखो, तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो अरेंजमेंट्स है, और अरेंजमेंट्स किसका, बोन्स का, तो उन बोन्स का जो प्रॉपर एक ढांचा, जिस इन बोन्स की वजह से हमारे बॉडी का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक ढांचा बना हुआ है, तो उन्हीं बोन्स का जो अरेंजमेंट है हमारे बॉडी में उसके बारे में पढ़ना ही स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। क्या समझे आप स्केलेटल सिस्टम से, कि हमारे बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं और बहुत सारी हड्डियाँ हैं, उन हड्डियों ने प्रॉपर हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखा है, एक संरचना प्रदान कर रखी है, और कैसे कर रखी है उन्हीं बोन्स के बारे में पढ़ना हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो स्केलेटल सिस्टम में हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, बोन्स के बारे में। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैं मसल्स भी पढ़ाओगे क्या, तो बच्चों स्केलेटल सिस्टम में मसल्स नहीं आती हैं, जो आपकी पेशियां होती हैं उनको हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, तो वो एक अलग सिस्टम है बच्चा, और ये आपका एक अलग सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आज की क्लास सिर्फ बोन्स पे, जॉइंट्स किसी अदर क्लास में कराएंगे। तो आज का जो चैप्टर
चैप्टर है हमारा वो है बोन्स. तो जरा लिखें हम सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, बोन्स. और हिंदी में बोलेंगे हम बच्चों हड्डियाँ या अस्थियाँ. बोलते हैं ना अस्थियाँ विसर्जन करने गया था मैं उसकी. कहने का मतलब जो भी कुछ आपके आपके शरीर को जलाने के बाद जो भी छोटा मोटा नाखून या फिर आपकी हड्डियाँ वड्डियाँ बची हैं उनका ही विसर्जन करने जाते हैं लोग गंगा वंगा में. ठीक है, तो बोन्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, मसल्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. अब बच्चों क्या पढ़ना है, हमारे बॉडी में बहुत सारी हड्डियाँ हैं. अब कितनी सारी हड्डियाँ हैं, अगर मैं बात करूँ अडल्ट मेल या फीमेल की तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206. बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि ये 206 हड्डियाँ कैसे होती हैं, कहाँ पर होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे लगी हुई होती हैं, कौन से जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, कौन सी पतली होती है, कौन सी लंबी होती है, फिर इन हड्डियों के नाम होते हैं और आपको वो नाम भी याद करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहला बोन्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, आप लिखोगे टू स्टडी अबाउट बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी. साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं. जब भी आप ऑस्टियो टर्म देखते हो तो वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम, लेकिन हम कौन सी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, ऑस्टियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं. जो हड्डियां हैं उनके बारे में डिटेल में आपको जब आप स्टडी करते हो उनके बारे में अध्ययन करते हो तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं. एक और आपके सामने ऐसा सही कुछ टर्म आता है ऑर्थोलॉजी. अगर हड्डियों के बारे में स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी होता है तो ऑर्थोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है ऑर्थोलॉजी, कोई बता सकता है मुझे क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे कि ऑर्थोलॉजी क्या होता है. देखो जब आप हड्डियों के बारे में स्टडी कर रहे हो, बोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसको आप ऑस्टियोलॉजी बोलते हो. लेकिन जब आपकी इन हड्डियों में कोई डिजीज हो जाए, जब आपकी इन हड्डियों में कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, जैसे बहुत सारी हड्डियों की बीमारी होती हैं, आज पढ़ाऊंगी मैं आपको रैकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, अगर ये बीमारियों के नाम सुने हैं, नहीं सुने तो मैं आपको पढ़ाऊंगी. तो जब आप इन हड्डियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ऑस्टियोलॉजी, लेकिन इन हड्डियों के अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, देन आप क्या बोलोगे, ऑर्थोलॉजी. तो आप यहां क्या लिखोगे, टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन्स, अबाउट डिजीज ऑफ बोन्स. जब हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम ऑस्टियोलॉजी, लेकिन इन हड्डियों के अंदर अगर कोई रोग है उस रोग के बारे में पढ़ते हैं तो हम कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं, हम ऑर्थोलॉजी पढ़ते हैं. दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए. अब जैसे हड्डियों के डॉक्टर को, जॉइंट्स के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं. तो डॉक्टर को हम ऑर्थोलॉजिस्ट बोल देते हैं. अब हम बात करते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, बोन्स क्या होती है, बोन्स क्या ऑर्गन है, जल्दी से मुझे यहाँ पर रिप्लाई करें. बोन्स क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं या ऑर्गन्स होती हैं, जल्दी मुझे रिप्लाई करें. बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हड्डियाँ आपकी क्या होती हैं, कि ऑर्गन होती हैं. तो याद रखिएगा बोन्स ऑर्गन नहीं होती हैं, बोन्स टिश्यूज होती हैं. बोन्स क्या होती हैं, टिश्यू, और टिश्यू का मतलब होता है उत्तक. देखो बोन्स क्या होती है, टिश्यूज. अब टिश्यू क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे टिश्यू क्या होता है. भाई जब हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, और फिर ये कोशिकाओं को जब, हाँ ओके मैं समझ गई, बोन्स क्या है, टिश्यू है. ओके बहुत इंटेलिजेंट हो तुम सब लोग, बहुत ही अच्छा आंसर दिया. अब सुनो, देखो हमने बोन को टिश्यू क्यों बोला, भाई ये तो पता लग गया बोन टिश्यू है, लेकिन क्यों है टिश्यू. टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल. जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू, उसको हम उत्तक नाम देते हैं. तो क्या मैं ये बता दूं आपको कि बोन्स टिश्यू हैं, और टिश्यू हैं तो बोन्स के अंदर भी क्या होने चाहिए, सेल्स होने चाहिए. भाई जब बहुत सारी सेल्स जुड़ेंगी तभी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा,
उत्तक फॉर्म होते हैं, तो क्या आपकी हड्डियों के अंदर सेल्स होती हैं? आप बताओगे यस। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो हड्डियों के अंदर सेल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है, जो हड्डियों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम क्या होता है। तो आप लिखेंगे हमारी बोन्स में दो टाइप की सेल्स होती हैं, यहाँ पर कौन कौन सी, तो पहली लिखिए ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, और दूसरी लिखो ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियो क्लास्ट लिख लो आप, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोसाइट। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि मैम आप हिंदी में नहीं पढ़ा रही हैं। बच्चों इनकी हिंदी नहीं है, एज इट इज आपको इंग्लिश टर्म ही याद रखने हैं, जैसे आपके इंग्लिश टर्म हैं यही आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या याद रखेंगे कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चा, वो एक टाइप के टिश्यू हैं, और कौन से टिश्यू हैं, तो टिश्यू क्यों बोला आपने, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि बोन्स के अंदर सेल्स होती हैं, और बोन्स के अंदर कितने टाइप की सेल्स होती हैं, दो टाइप की, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब इन दोनों सेल में डिफरेंस क्या होता है, देखो ऐसी सेल्स जो हमारी हड्डियों का निर्माण करती हैं, जो हड्डियों का फॉर्मेशन करती हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, और जो हमारी हड्डियों की रिपेयरिंग करती हैं, मान लो कोई आपकी हड्डी के अंदर अंदर से कोई टूट फूट गई, कभी हड्डी कैल्शियम या वाइटामिन डी की कमी से टूट फूट गई, तो वापिस उसकी जो रिपेयरिंग करने का काम करते हैं ना, जो हड्डियों की मरम्मत का काम होता है, वो कौन सी सेल्स करती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। समझ में आ गया आपको पॉइंट, क्या समझाया मैंने, मैंने समझाया कि हमारे हमारी जो हड्डियां हैं वो एक टाइप की टिश्यूज होती हैं, ऑर्गन्स नहीं होती हैं, और टिश्यू किसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हो, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर क्या होनी चाहिए, सेल्स, तो हमारी हड्डियों के अंदर भी सेल्स होती हैं, दो टाइप की होंगी, ऐसी सेल्स जो हड्डियों का निर्माण करती हैं उनको ऑस्टियोसाइट बोलेंगे, जो हड्डियों को रिपेयर करने में काम आती हैं, जो हड्डियों की मरम्मत करने में काम आती हैं उनको ऑस्टियोक्लास्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, एक पॉइंट लिख रही हूं मैं, मैंने लिखा हार्डेस्ट, अब इस हार्डेस्ट के आगे मैंने लिखा टिश्यू, इसके आगे एक टर्म जोड़ दो आप हार्डेस्ट, कहने का मतलब है जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर की हार्डेस्ट टिश्यू हैं, सबसे कठोर उत्तक हैं। कभी मैं आपको टिश्यूज पढ़ाऊंगी, या बायोलॉजी वन वालों को तो पढ़ा चुकी हूं कि टिश्यूज बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उन सारे टिश्यूज में अगर हम देखें सबसे हार्ड टिश्यू कौन से होते हैं हमारे बॉडी के, तो कौन से निकलेंगे आप बताओगे, टिश्यूज जो सबसे हार्ड है वो कौन होंगी, बोन्स। यही सीपीयू के एग्जाम का क्वेश्चन है कि हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज बोन्स, हमारे बॉडी में सबसे कठोर ऊतक कौन हो गई, हड्डियां हो गई। तो हड्डियां, हड्डियों के बारे में स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की बीमारियों के बारे में अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी, बोन्स क्या है, टिश्यू है। हाँ अभी आऊंगी इसकी स्ट्रक्चर पे आऊंगी, पढ़ाऊंगी, टिश्यू है क्यों, क्योंकि इसके अंदर सेल्स होती हैं, कितने टाइप की सेल्स, दो टाइप की, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, और देन बोन्स आर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई यहां तक की? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बोन्स के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि जो हड्डियां होती हैं हमारी वो किसकी बनी हुई होती हैं। भाई हड्डियां हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स तो हैं, लेकिन उन हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे हमारी जो बोन्स हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं, कैल्शियम के मिनरल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4, ठीक है। तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, लेकिन इनके साथ साथ एक प्रोटीन भी होता है, और कौन सा प्रोटीन, तो आप लिखेंगे ऑसिन प्रोटीन। तो हमारी हड्डियों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल एंड ऑसिन प्रोटीन। ऑसिन प्रोटीन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में ऑसिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ है, हमारी बोन्स में, हमारी हड्डियों में। या दूसरी लैंग्वेज में क्या क्वेश्चन आएगा कि हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप क्या बताओगे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, आप बता दोगे यहां पर हमारी हड्डियों में ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है, ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलो चले हम अगले पॉइंट पे। हाँ
बिल्कुल सही बोला आपने, हड्डियाँ प्रोटेक्शन देती हैं। आएंगे हम, अभी तो फंक्शन बताएंगे आपके स्केलेटल सिस्टम के, सब पढ़ाएंगे, थोड़ा रुक जाइए आप। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट के क्या होते हैं बच्चा, यहाँ पर आप बता दोगे, यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हड्डियाँ होती कितनी हैं। अगर हड्डियाँ होती कितनी हैं, तो अगर न्यू बोर्न बेबी की बात करें, क्योंकि एक बच्चा है जिसका अभी जन्म हुआ है, ठीक है, अगर आपसे पूछे शिशु में कितनी होती हैं, तो आप क्या बताओगे, मोर देन 300, या तो 300 का ऑप्शन होगा या 300 से अधिक वाला, तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। अगर मोर देन नहीं लिखा हुआ है तो 300 आप सही कर सकते हैं। मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकती रामचंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो आप में कितनी हड्डियां बचती हैं, तो आप बताओगे 206। जब आपका जन्म हुआ था तो आप में बहुत सारी हड्डियां थी, लेकिन वो बात अलग है कि आप में बहुत सॉफ्ट हड्डियां थी, जिनको हम कार्टिलेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, वैसे वैसे ये जो 300 से अधिक या जो 300 थी, वो आपस में फ्यूज होने लग जाती हैं, आपस में जुड़ने लग जाती हैं, और जुड़कर वो टोटल कितनी बचती हैं, 206। तो बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि ये 206 हड्डी कैसे अरेंज्ड रहती हैं हमारे बॉडी में, 206 कहाँ पर कैसे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कि एक बच्चा इन्फेंट जिसके अंदर कितनी होती हैं, 300 या मोर देन 300, कभी कभी किसी बच्चे में 301 302 भी मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो सारी छोटी छोटी हड्डियाँ फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, और जुड़कर कितनी बचती हैं, 206 बचती हैं, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट। अब बच्चों, अब बात आती है कि हड्डियों के काम क्या होते हैं। भाई मैम, हमने समझ लिया कि स्केलेटल सिस्टम में हमें बोन्स के बारे में पढ़ना है, बोन्स टिश्यूज होती हैं, उनके अंदर सेल्स होती हैं, और बोन्स के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, ये सब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब बात ये आती है कि मैम, इन हड्डियों के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या काम करती हैं हड्डियाँ। अगर हड्डियों के आपको फंक्शंस पढ़ना है, तो आपको हड्डी की स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि भाई एक हड्डी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो जब मैं आपको इस हड्डी का स्ट्रक्चर आपको बना के डायग्राम पढ़ा दूंगी, आप सारे चार फंक्शन मेन होते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के। कंकाल तंत्र मुख्य तौर पर चार कार्य करता है, चारों आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। चलो तो आप देखिए, कुछ हड्डियों की मैं अगर बताऊँ तो हड्डी आपकी क्या काम करती हैं। अगर हम बोन्स के बारे में अगर पढ़े हम कि भाई इन हड्डियों के क्या काम होते हैं, ऐसे देखी होगी ना, कुत्ते वुत्ते को हड्डी डालते हैं हम, तो ऐसी सी बनी हुई आती है ना हड्डी, देखिए कभी, ठीक है। ये आपकी मान लो एक हड्डी है, ये आपकी एक बोन है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जाना, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगी आपको, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सही कर दोगे यहाँ से, ठीक है। चलो देखो, ये हड्डियाँ होती हैं हमारी अंदर से खोखली, जानते हो ना हड्डी क्या होती है, अंदर से खोखली होती हैं, ये बात तो आप सब जानते होंगे कि हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं, खोखली होती हैं। ऐसे आपकी हड्डी खोखली होती है अंदर से, ठीक है बच्चों। ये लो, अब देखो ध्यान से, यहाँ से चार क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये जो आपका हड्डी का ये वाला पार्ट है, ऐसे ये वाला पार्ट, यहाँ से इस वाले पार्ट में क्या होती हैं, इनको कहा जाता है बोन टिश्यू। बोन के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ये हैं आपके हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले उत्तक या बोन टिश्यू। और टिश्यूज़ किससे बने हुए हैं, सेल से, तो इनके अंदर यहाँ पर आपकी ऐसे सेल्स होती हैं। तो हड्डी का ये जो खोखला पार्ट है, उसके नीचे वाली और ये जो ऊपर वाली साइड होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बोन टिश्यूज़ होते हैं, हड्डियों के उत्तक होते हैं। और इन्हीं हड्डियों के उत्तक के अंदर क्या बनी क्या होती हैं, तो आप बताएंगे सेल्स होती हैं। और कौन सी सेल्स, तो आप लिख सकते हो हड्डियों के अंदर कौन सी सेल्स होंगी, ऑस्टियोसाइट। मैं हिंदी में इसलिए नोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेम टर्म हिंदी में है, तो अलग लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो तो इसके अंदर क्या होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं या ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, आप लिख सकते हो, यहाँ पर ही ऑस्टियोक्लास्ट भी होंगी, आप वो भी लिख सकते हो। रिपेयर करने वाली भी यहीं होती हैं बोन टिश्यू के अंदर,
ये सेल्स है, ये टिश्यू है, और इसी वाले पार्ट में आप यहाँ पर दिखाओगे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, वैसे बताऊँ तो कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो मैं ग्रीन पेन से आपको दिखा रही हूँ, इसको आप दिखा सकते हैं कि ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट के मिनरल है। तो जब हम एक हड्डी के बारे में पढ़ते हैं तो हड्डी अंदर से खोखली होती है, अभी बताएंगे हम इस खोखले वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, ठीक है। और ये इस आपका बोन्स टिश्यू हो गए, इस टिश्यू के अंदर आपकी सेल्स होती हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, यहाँ पर ऐसे पोर, यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। आपकी हड्डियों का ये वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, इसमें पोर होते हैं। इस पार्ट में जहाँ पर टिश्यू होते हैं वहाँ पर पोर नहीं पाए जाते हैं, इसको पोरस बोन का नाम भी दिया जाता है, छिद्रित हड्डी का नाम भी दिया जाता है। और इन पोर के अंदर क्या होता है, तो इन पोर के अंदर पाई जाती है रेड बोन मैरो, यहाँ पर क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है। और इसी रेड बोन मैरो से आगे चलकर आपकी आरबीसीज बनती हैं, ब्लड सेल्स बनती हैं। तो इस पार्ट को आप दिखाओगे रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, तो इस पार्ट को दिखा दीजिए आप क्या, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। और इसी से आगे चलकर क्या बनती हैं, तो आप लिख सकते हो ब्लड सेल्स बनती हैं। वो सेल्स जो किसके अंदर होती हैं, ब्लड के अंदर, वो कोशिकाएं जो रुधिर के अंदर पाई जाती हैं। देखो मैंने स्पेशली यहाँ पर लिखा है, सेम स्ट्रक्चर इधर की साइड होगी, ठीक है। आप बना सकते हो कि ये वाला जो पार्ट होता है बोन का, यहाँ पर इस वाले पार्ट में पोरस, मतलब छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिनको हम पोरस बोन का भी नाम देते हैं। और इसी इन पोर के अंदर रेड बोन मैरो होता है, लाल अस्थि मज्जा होता है, और इसी अस्थि मज्जा से आगे चलकर ब्लड सेल्स या रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो मैम, ये जो खोखली स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है, जब हम इसके अंदर बनाएंगे तो इसके अंदर आपका होता है येलो बोन मैरो, इस पार्ट को बोलते हैं हम पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये आपके नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, ये जो है ना आपका येलो बोन मैरो, इसको लिखेंगे हम पीला अस्थि मज्जा, लिख दीजिए इसको येलो बोन मैरो। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसके अंदर पाया जाता है बच्चा फैट, इसके अंदर पाया जाता है फैट, या फिर आप लिख सकते हो इसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज को, उन उत्तकों को हम क्या बोलते हैं, उन उत्तकों को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। लिखो क्या, आपको कितनी बार मैंने आपको क्वेश्चन की क्लास करवाई है तो बताए हैं कि हमारे बॉडी में एक अलग ही टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनको हम एडिपोज टिश्यू या वसीय उत्तक बोलते हैं। और वो किसको स्टोर करते हैं, वो फैट को स्टोर करते हैं, वो वसा का संग्रह करते हैं। अब बच्चों अगर आपको ये हड्डी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आप चार काम बता दोगे स्केलेटल सिस्टम के, या चार काम बता दोगे आप बोन के, ठीक है। वही चारों काम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, यस बिल्कुल आपने सही बोला, एडिपोज टिश्यू। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, आप बायोलॉजी स्पेशल के स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो आप ध्यान से सुनना मेरा एक एक क्वेश्चन ना। देखो ये हमारी एक ओहो ये रफ CaCO3 CaPO4। अब ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे, मैंने बोला कि स्केलेटल सिस्टम या बोन्स के फंक्शन क्या हैं, तो साइड में फंक्शन लिख लें, हम यहाँ पर कार्य लिख लें, क्या कार्य हो सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखना क्या क्या कार्य हो सकते हैं। सबसे पहला हड्डियों के अंदर होता है रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो से क्या बनता है, ब्लड सेल्स, या हम ये बोल सकते हैं ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया स्केलेटल सिस्टम का, कि किसको प्रोड्यूस करना, इट
bone can produce blood cells. जो हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं, वो blood cells को produce करती हैं, या आप लिख सकते हो blood के formation में काम आती हैं. हमारे body में जो हमारा खून होता है, जो blood होता है, उसके निर्माण में सहायक होती हैं. तो सबसे पहला function skeletal system का या कंकाल तंत्र का क्या हो गया कि ये किस में सहायक होती हैं? रुधिर के निर्माण में सहायक होती हैं. ठीक है, blood formation में या blood cells के निर्माण में सहायक होती हैं. Point number two, ये देखो बच्चों, मैंने बोला कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं खोखला पार्ट, और इसको बोलते हैं हम येलो बोन मैरो. और येलो बोन मैरो में क्या क्या स्टोर होता है? फैट. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हड्डियों का दूसरा काम क्या होता है? किसको स्टोर करना? फैट को स्टोर करना. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या हमारी बोन्स में फैट स्टोर हो सकता है? बच्चे सोचेंगे हड्डियां तो खोखली होती हैं, अंदर से पता नहीं फैट स्टोर होता है कि नहीं होता है. तो आप बताएंगे यस, फैट स्टोर होता है. ठीक है, और फैट जिन टिश्यूज में स्टोर होता है उन टिश्यूज को हम क्या नाम देते हैं? एडिपोज टिश्यू. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया. याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जब भी फैट की मात्रा अधिक होने लग जाती है तो एक टिश्यूज है एडिपोज टिश्यू, वो अपने पास उस फैट को स्टोर करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं. बाद में उस फैट को हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसे एनर्जी भी रिलीज कर लेते हैं. वो सब बात की बात है. ठीक है, तो दूसरा काम क्या हो गया स्केलेटल सिस्टम का? पहला काम क्या था? किसको बनाना? ब्लड को बनाना या ब्लड सेल्स को बनाना. दूसरा काम क्या हुआ? फैट को स्टोर करना. और फैट कौन से टिश्यूज में स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है. दो काम हो गया. तीसरा, ये देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये हड्डियां क्या करती हैं बच्चों? हमारे बॉडी में मिनरल्स को स्टोर करती हैं, खनिज तत्वों को स्टोर करती हैं. दिख रहा होगा आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस, है ना? तो हमारी हड्डियों का एक तीसरा काम क्या हो गया? किसको स्टोर करना? मिनरल्स को स्टोर करना, खनिज तत्वों को स्टोर करना. तो ये तीन काम हो गए. और चौथा, जो हड्डियां होती हैं वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती हैं, सुरक्षा देती हैं. कैसे? आप सब जानते हैं कि हमारे चेस्ट वाले पार्ट में यहाँ पर रिब्स का केज होता है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, पसलियों का एक पिंजरा बना हुआ होता है. और उस पसलियों के पिंजरे के अंदर की साइड, नीचे की साइड आपके लंग्स होते हैं, आपका हार्ट होता है. तो बहुत सारे ऑर्गन्स को हड्डियां प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, क्योंकि हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट होता है. इसलिए फोर्थ नंबर पर आपने क्या फंक्शन लिखा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. और किसको? हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को. जैसे पसलियों के पिंजरे के नीचे हमारे फेफड़े और हमारा दिल दोनों सेफ होते हैं. ठीक है, और चौथा आप लिख सकते हो, जो सबको पता है कि हमारे बॉडी को एक प्रॉपर ढांचा बना के रखती हैं, एक फ्रेमवर्क दे रखा है हमारे बॉडी में. ठीक है, अगर आपका ये हड्डियां ऐसे प्रॉपर आपके अरेंज नहीं होती तो पता नहीं कैसे दिखते हम, दिखने में कैसे होते, है ना? तो हमारे शरीर का एक ढांचा प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को. तो ये चार मेन काम होते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के. कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इन चारों चार ऑप्शन दे आपको और पूछे इनमें से कौन सा एक फंक्शन स्केलेटल सिस्टम का है या कौन सा नहीं है, तो इन चारों को नोट कर लेना कि ब्लड फॉर्मेशन में काम आती हैं. देखो कितना बड़ा काम कर रही हैं भाई, खून बना रही हैं, और खून के बिना तो कुछ होता ही नहीं है हमारी बॉडी में, तो कितना बड़ा काम है. दूसरा, फैट को स्टोर कर रही. तीसरा, मिनरल्स को स्टोर कर रही, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे रही, और हमारे बॉडी को एक प्रॉपर ढांचा प्रोवाइड कर रही है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है. अगर हड्डियाँ ढंग से नहीं लगी हुई होती तो पता नहीं कैसे दिखते हैं अपन दिखने में. ठीक है, ये सब इसमें आ गया. कितने सारे क्वेश्चन बताऊँ क्या क्या क्वेश्चन आएगा. बोन्स क्या है? टिश्यू. बोन्स के अंदर खोखला पार्ट, बोन मैरो. कितने टाइप का? दो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. रेड बोन मैरो से क्या बनती हैं? आरबीसीज. येलो बोन मैरो में क्या होता है? फैट स्टोर. जिन टिश्यूज में स्टोर होता है उनको क्या बोलेंगे? एडिपोज टिश्यू. कौन कौन से मिनरल होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट. हड्डियों के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं? ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट. साइट क्या करती हैं? हड्डियों को, हड्डियों के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. एंड लेकिन क्लास्ट क्या करती हैं? हड्डियों की रिपेयरिंग करने में काम आती हैं. ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक पढ़ाए हैं मैंने, समझ में आ गया? ये बोन की स्ट्रक्चर, ये स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस हो गए या बोन्स के फंक्शंस हो गए. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. ठीक है,
समझ में आ रहा है मैम? क्लास का टाइमिंग क्या है? पता नहीं आज 3 या 4 घंटे तक क्लास चलने वाली है। मुझे चैप्टर पूरा फिनिश करवाना है, चाहे रात के 12 बज जाए कोई बात नहीं, आप लोग साथ में रहना, बीच में चाय पानी पी लूँगी 5-7 मिनट, ठीक है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। वैसे आजकल मैंने चाय पीनी छोड़ दी है, आजकल वजन ज़्यादा हो रहा था तो मैं ग्रीन टी पे आ गई, लेकिन कुछ नहीं होता यार, ये बोलने की बातें होती हैं, ग्रीन टी ग्रीन टी, है ना? हमारा तो नहीं हो रहा वजन कम। चलो अब हम देखते हैं बच्चों कैसे ये हड्डियाँ आपकी 206 है ना, ये कैसे रहती हैं। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये अभी तक तो एक डैमो वीडियो था, है ना? अभी तक तो एक डैमो चल रहा था। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, कितनी हड्डियाँ? 206। अब आपको एक एक गिनवाऊंगी मैं आपको कि 206 होती कैसे हैं। जब आप क्लास में लास्ट में अगर आप बने रहेंगे एंड तक, तो उसके बाद आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं खड़ा करके कि भाई तेरी ये हड्डी कौन सी है, इसका नाम क्या 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 है, इसके कान के अंदर होती है उनका नाम क्या है, इन उंगली वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। जो जो याद करने हैं वही आपको लिखने हैं, ठीक है? तो कितने हैं हमारे, कितनी बोन्स है? 206, क्योंकि हमें एडल्ट की पढ़नी है। अब बच्चों ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है 206 बोन का, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक साइड लिखेंगे आप एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, मैंने SS लिखा स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में लिखेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। बस आपको नोट्स बनाते जाना है साथ में और लिखते जाना है, बस धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है? क्या हो गया? एक साइड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरी साइड लिखो अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में लिखेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। आप सबसे पहले, सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, जो आपका अक्षीय कंकाल तंत्र है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो बच्चों इसके नीचे लिख दो 80 बोन्स, यहाँ पर 80 हड्डियाँ आती हैं, और जब 206 माइनस 80 करोगे तो कितना बचेगा? 126। तो यहाँ पर 126 बची और यहाँ पर 80। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स एंड अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम में 126। अब मैम एक्सियल का मीनिंग क्या है एंड अपेंडिक्यूलर का मीनिंग क्या है? सबसे पहले जानते हैं हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का मीनिंग क्या है। देखो बच्चों एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर वो बोन्स आती हैं जो जो हड्डियाँ आपकी मेन एक्सिस से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर मैं ऐसे सीधी खड़ी हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा मेन है ये एक्सिस है, तो इस मेन एक्सिस के अंदर जो मेरा शरीर है उसमें जो मेन एक्सिस में जो हड्डियाँ आ रही हैं उनको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और ये जो अपेंडिक्यूलर है, अपेंडिक्यूलर का मतलब होता है यहाँ पर अपेंडिजिस, और अपेंडिजिस का मतलब होता है कोई भी एक प्रोजेक्शन जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ निकली हुई है। जैसे कान की हड्डी है वो तो कान में ही है, लेकिन हाथ देखो ऐसे बाहर निकला हुआ है। नहीं समझ में आ रहा? रुको आपको हम एक डायग्राम बना के समझाते हैं, सारी चीज़ें आपको पूरी समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर अब देखना एक एक चीज सारी समझ में आएगी। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, ये क्या है आपका, इस पार्ट को यहां तक गले तक के पार्ट को हम स्कल बोलते हैं, यहां तक का। तो सबसे पहले आप यहां पर बनाएंगे स्कल, आप यहां पर जब स्कल बनाएंगे तो ये लो आपका स्कल वाला पार्ट। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? ये आप यहां पर बना दो कान, ठीक है? अपने एक ही कान दिखाएंगे क्योंकि ऐसे दिखाया है आपने इसका फेस, तो ऐसे देखो, ठीक है? अब इस वाले पार्ट को, ये आपका कान हो गया, ये आपके गले वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को आप नाम दोगे यहां से स्कल, ठीक है? और हिंदी में बोलेंगे हम खोपड़ी। ये है इस पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम जब हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं तो इस पूरे पार्ट को हम स्कल नाम दे देते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये आपका गले वाला पार्ट आ गया। अब जब आप इस चेस्ट में आगे की साइड देखोगे तो चेस्ट में आगे की साइड आपकी होती हैं क्या? पसलियां होती हैं। और पसलियां कैसे होती हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर पसलियां कैसे होती हैं तो आगे की साइड आपका यहाँ से लेकर एक यहाँ पर ऐसे एक हड्डी होता है,
और इसी हड्डी से आपकी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं दोनों साइड, ऐसे आपकी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं दोनों साइड, आपके रिब्स का एक केज बना हुआ होता है, एक पिंजरा बना हुआ होता है, जो आगे चलकर मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्कल वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ये जो है आपकी, ये है आपकी रिब्स जिनको हम पसलियां बोलेंगे, रिब्स जिनको हम पसलियां बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में मैंने बनाई है ना आपकी एक, ये क्या है आपकी एक हड्डी है, और इस हड्डी को बोलते हैं हम स्टर्नम। एक एक करके सब वापस पढ़ाऊंगे आपको। ये आगे वाले पार्ट में है, ऐसे ही पीछे से आपका जो ये सेरेबेलम है ना, ये पीछे वाला आपका दिमाग, इससे पीछे मोटी जो आपके नीचे न्यूरॉन्स की पूरी नस जा रही है, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो पीछे की साइड से आपकी ऐसे स्पाइनल कॉर्ड आपकी जाती है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है बच्चों, आपकी ऐसे वर्टिब्री जुड़ी हुई होती है, ऐसे आपकी वर्टिब्री जुड़ी हुई होती है। तो ये हम अगर पीछे की साइड से हम इसको दिखाना चाहेंगे, तो ये क्या है बच्चा, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये क्या है आपकी रीढ़ की हड्डी, इसको आप दिखाओगे बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, सब बताएंगे आपको बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन एक्सिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो बाद में जो आपके हाथ और पैर है ना वो अलग आएंगे, वो अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट होगा। कैसे समझना आपको इस चीज़ को, ऐसे समझो अगर मैं अपने हाथ और पैरों को रिमूव कर दूं, तो ये जो बाकी का जो मेरा धड़ बचा है उसी को हम बोलते हैं मेन एक्सिस। अपना मेन एक्सिस क्या है, धड़, जिसमें हाथ और पैरों को आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो इस मेन धड़ से जुड़ी हुई जो हड्डियाँ होती है ना, उन्हीं सबको हम कहां काउंट करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। ये रहा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अगर आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का मीनिंग पता लग गया, तो इसका मतलब है ऐसी हड्डियां जो हमारे बॉडी की मेन एक्सिस से जुड़ी हुई हैं, जो हमारा धड़ है उस धड़ में जुड़ी हुई हड्डियां होती हैं। कैसे, कौन कौन आएंगी, वो हम अभी बात करने वाले हैं। तो एक नंबर पर आप लिखेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, वो बाद में, ये बाद में पढ़ाएंगे हम अपेंडिकुलर वाला, अपेंडिकुलर वाला जो चीज़ है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, कि भाई इसके अंदर जो 80 बोन्स हैं वो कैसे आती हैं। तो लिखेंगे आप एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और हिंदी में लिखेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, वो बोन्स, या आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि इसमें फ्लैट बोन्स आती हैं, जो सीधी चपटी हड्डियाँ होती हैं, और कितनी हैं 80। यही आपको देखनी है कि 80 बोन्स कौन कौन सी हैं, कैसे हैं, ठीक है, कौन कौन सी रहेंगी और कैसे रहेंगी। देखो जब सबसे पहले हम यहां देखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्रैनियम वाला पार्ट आएगा, या फिर आप बोल सकते हो यहां तक के पार्ट को स्कल खोपड़ी। जब हम इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में एक नंबर पर देखेंगे कौन सी बोन्स आएंगी, तो आप बताओगे वो हड्डियां जो आपके स्कल का निर्माण करती हैं, जो आपकी खोपड़ी बनाती हैं। तो खोपड़ी यहां तक है, अब इस खोपड़ी को बनाने में कौन कौन सी हड्डियां काम आई, तो सबसे पहले आप इसको टच करो, कितना हार्ड है, इसको टच कर रहे हो आप, इसको क्रैनियम बोलते हैं, इसको टच करो अपने, ये कितना हार्ड है, इसके अंदर भी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस स्कल के अंदर टोटल बोन्स होती हैं 29। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे स्कल खोपड़ी से स्टार्ट होता है, और खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, आप बताओगे 29। अब ये 29 कैसे रहती हैं उसको भी समझो आप। इस 29 में जब सबसे पहले हम बात करेंगे क्रैनियम की, और क्रैनियम को बोलते हैं कपाल, वो हड्डियां जो हमारे इस कपाल के अंदर पाई जाती हैं उनको क्रैनियम बोन्स कहते हैं। ये आपका कपाल है, और ये किसको प्रोटेक्शन देती हैं, तो यहाँ क्या है हमारा ब्रेन है, दिमाग, तो वो हड्डियाँ जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं उन बोन्स को हम बोलते हैं क्रैनियम बोन्स। और कितनी होती हैं इस क्रैनियम में, तो लिख लो नंबर में 8 होती हैं, 8 नंबर में कितनी होती हैं, 8।
कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर सुनो। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल 80 बोन्स पढ़नी है हमें, और ये 80 बोन्स कैसे रहती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक के पार्ट को हम स्कल बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? खोपड़ी बोल रहे हैं। और खोपड़ी में भी सबसे पहले सबसे ऊपर वाली हड्डियाँ, वो हड्डियाँ जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं, हमारे दिमाग को सुरक्षित रखती हैं, कितनी होती हैं? 8। पढ़ाऊंगी आगे एक 8 का एक एक नाम डायग्राम बना के सब आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद कौन सी आती है बच्चों? ये हो गई आपकी क्रैनियम वाला पार्ट हो गया। अब आओ अपने फेस पे, फेस वाला पार्ट कान को हटा दो। ये जो आपका पूरा फेस है, देखो ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, नाक के अंदर की साइड, ये भी आपका वैमर बोन होता है, या ऐसे बहुत सारी हड्डियां हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आपके फेस पर कितनी हड्डियां हैं, तो आप बताओगे फेसियल बोन कितनी होती हैं। फेसियल बोन्स होती हैं 14। कितनी? 14। कान को हटा के, कान की हटा देनी है भाई। क्रैनियम में 8, फिर आपके फेस पे जिसमें नाक वाली आ गई, ये आपकी चिक्स बोन आ गई, ये आपका नीचे वाला जबड़ा आ गया, ये ऊपर वाला जबड़ा आ गया, इन सारी की हड्डियां कितनी होती हैं? 14। अब बात करते हैं तीसरा कौन सी, 3 नंबर पे। ये अभी सारा मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी, थोड़ा सा वेट रखो। 3 नंबर पे आती है आपकी कान की हड्डियां। अब कान में देखेंगे आप ईयर बोन्स, एक कान में 3 होती है, तो दोनों में टोटल कितनी होगी? 6। कितनी हो गई टोटल? 6 हो गई। अब जब आप इनको काउंट करोगे तो कितनी होगी? 28 होगी, जबकि हमने क्या लिखा है? 29। तो एक हड्डी कौन सी रह गई? एक हड्डी है आपके गले में, ये रही, इसको टच करो, ऐसे यू शेप में होती है, घूमी हुई, ऐसे ऐसे एक गले में हड्डी है, और इसको बोलते हैं हायोट, या आप इसको बोलते हैं थ्रोट बोन। तो एक यहां पर लिखेंगे आप थ्रोट बोन, गले की हड्डी, बोलते हैं ना तू मेरे गले की हड्डी बना हुआ है भाई, है ना, कि अगर टूट गई तो मर जाओगे आप, ठीक है, थ्रोट बोन, गले की हड्डी, और इसका नाम अभी लिखना है तो अभी लिख लो, या आगे हम पढ़ाएंगे आपको, हायोड हड्डी, हायोड हड्डी, ये लो आपका हायोड बोन या हायोड हड्डी, कितनी? 1। अब आप इन सबको काउंट करो, जब सबको काउंट करोगे तो 14 और 6 20, 20 और 28 और 29, तो बताओ जरा स्कल में कितनी हड्डी होगी? 29। तो अगर आपकी किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्कल में 28 होती हैं, तो इसका मतलब इतना इतना पार्ट, ये गले वाली हड्डी है, इतनी काउंट हो गई। और क्रैनियम लिखा हुआ है, कभी कभी हिंदी में इसको भी खोपड़ी और इसको भी खोपड़ी लिखा हुआ है, तो क्रैनियम का मतलब है फेस को हटा दो, कान को हटा दो, गले को हटा दो, कि जो सिर्फ आपके आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए जो हड्डियां हैं वो क्रैनियम बोन्स के नाम से जानी जाती हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, क्रैनियम में कितनी बोन्स हैं? 8। चेहरे पे आपके कितनी हड्डियां हैं? 14। बताएंगे कि करके सब बताएंगे। कान में कितनी हड्डी है? 1 में 3, तो 2 कान है तो 6 हो गई। गले में कितनी हड्डी है? 1, जिसको हम हायोड बोलते हैं। टोटल मिलाओगे तो स्कल की कितनी बन गई? 29। और ये मेन एक्सेस ही तो है, मेन एक्सेस में तो है ये सारी हड्डियां, तो ये कौन से सिस्टम का पार्ट होगी? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो अभी तक आपने सिर्फ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की कितनी देखी है बच्चा? कितनी देखी है? 29 तो देखिए। अभी आप देखते हैं इस 29 के बाद कौन सी आती है। अब आ जाओ अपने चेस्ट वाले पार्ट पर। जब आप चेस्ट वाले पार्ट पे आओगे तो चेस्ट में होती हैं आपकी रिब्स। तो अब लिखोगे आप चेस्ट वाले पार्ट में, यहाँ पर स्कल 1 नंबर दे दो, तो यहाँ पर आप 2 नंबर में लिख लो कि आपका जो चेस्ट में होता है वो कैसे होती है, इस पार्ट को कैसे देखोगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, रिब्स होती हैं और एक हड्डी होती है, रिब्स प्लस 1 बोन। आपके चेस्ट वाले पार्ट में देखोगे तो पसलियां भी होंगी और पसलियों के साथ साथ में एक हड्डी भी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 24 पेयर्स रिब्स होती हैं। 24 पेयर्स का मतलब है 22 जोड़े, और जब 24 तो टोटल हैं, और पेयर्स में कितनी है? 12 पेयर्स। कितनी पेयर्स? 12 पेयर्स। नंबर में कितनी होगी? 24। तो 24 ये और एक आपकी हड्डी यहाँ वाली, तो ये हो गई आपकी 25। तो कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए
कि जो पसलियों का पिंजरा है हमारे चेस्ट वाले पार्ट में, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप बताओगे, या तो अगर सिर्फ रिब्स दिया हुआ है तो आपके पास ऑप्शन होगा 12 पेयर्स या 24, लेकिन टोटल पूछिए तो कभी कभी 25 भी ऑप्शन में होता है। वो इसलिए होता है, अभी बताऊंगी मैं आपको एक एक करके कि कहाँ कैसे होती हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो क्लियर कर रही हूँ, बाद में एक एक का लोकेशन, एक एक का नाम लिखवा के सब कुछ नोट करवाऊंगी। अब देखो बच्चों, क्या अब आपने क्या समझा, देखो क्या समझा कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के पार्ट समझ रहे हैं हम कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कितनी हो गई खोपड़ी में 29, यहाँ लिखती जाऊँ साइड में। ये कितनी हो गई, पसलियाँ कितनी हो गई 24। एक क्या हो गया आपका, ये बोन, अभी बताएंगे आपको कहाँ होता है। एक बोन ये हो गया, लिख दिया दो नंबर पर, हो गया मैम। अब चलो तीन नंबर पर, 1, 2, 3। अब जब हम 3 नंबर पे चलेंगे तो इसको यहाँ कर देंगे और यहाँ आओ। 3 नंबर पर आप लिखोगे, आप किसके बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। अब वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, आप इसको बोलेंगे बैकबोन। गाना सुना है आपने, वो है ना एक पंजाबी सिंगर हार्डी सांधू का सॉन्ग, तू मेरी बैकबोन, सुना है कभी आपने, है नहीं सुना। चलो देखो, बैकबोन हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं रीढ़ की हड्डी। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि रीढ़ की हड्डी क्या होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। आज हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे, है ना। चलो, तो बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं, आप सिर्फ यहां पर लिखकर छोड़ दो अभी 26, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हम सब आपको क्लियर कर देंगे सारी बातें। कितनी होगी 26। अब बच्चों एक बार आप काउंट करो, किसको काउंट करो, ये आप 26 यहां भी जोड़ दो, ये 26, जरा ध्यान से जोड़ना सारे, ठीक है। देखो 29, 24, 26, 1, जरा करना प्लस, कितनी हो गई, जल्दी बताओ कितनी हो गई। मेरी थोड़ी सी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मैथ्स, तो बताओ ये 80 हो गई क्या। 33 नहीं होती हैं गुड्डू कुमार, हम आपको बताएंगे 33 किन में होती हैं। जब आप बच्चे थे तब आप में वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री 33 थी, लेकिन अभी आप एडल्ट हैं, हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, तुम बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है। चलो काउंट करोगे तो ये सब हो गई, 80 आ गई, मान लू आपकी बात, ओके आ गई 80 बोन्स। तो ये सारी वो हड्डियां हैं बच्चों जो आपकी मेन एक्सिस में पाई जाती हैं। मेन एक्सिस का मतलब है जो आपके धड़ का निर्माण करती हैं, बोलते हैं ना सर को धड़ से अलग कर दो, सुना है ना। तो ये वो सारी 80 हड्डियां जो आपके मेन एक्सिस में पाई जाती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ये सारी हड्डियां कौन से सिस्टम का पार्ट होती हैं। ये सारी हड्डियां हैं बच्चा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स। कौन कौन सी इसमें काउंट करते हैं मैम, क्रैनियम की, फेस की, कान की, गले की, उसके बाद पसलियां, पसलियों के बीच में एक हड्डी होती है वो भी काउंट करते हैं, और रीढ़ की हड्डी की भी काउंट करते हैं, और जब सब काउंट करते हैं तो 80 बोन्स बनती हैं। सारी काउंट करते हैं तो कितनी बनती हैं, 80 हड्डियां बनती हैं। अब मैं आपको इस चीज़ को एक डायग्राम के साथ दिखाना चाहूँगी कि कैसे, अरे भाई थोड़ा सा हमें तो ना ये नहीं समझ में आते हैं आपके, ओ माही, रुकिए एक बार, एक मिनट रुकिएगा, हम हमारी पीपीटीज निकलवाते हैं। बेटा सर कहाँ गया वो, मेरा पीपीटी कहाँ लगा हुआ है, अरे बाबा वो जहाँ पर जो हमने डायग्राम सेट करवाए थे। ओके चलो चलो भाई, थैंक यू। चलिए आओ यहाँ पर, ये आपका, अच्छा यहाँ से भी तो निकल सकता था ये आपका बच्चा पूरा का पूरा स्केलेट। डर नहीं जाना, डरना नहीं है ना, ये डायग्राम देख के डर नहीं जाना। देखो अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक्सियल का मतलब क्या था एंड अपेंडिक्यूलर का मतलब क्या था। दिख रहा है,
क्या नाम दें इसको? आज हम पूरी क्लास में इसको नाम देंगे. बताओ नाम क्या दें इसको, जल्दी बोलो इसको नाम क्या दें. किसका फोटो है ये? हाँ जी, किसका फोटो है ये? सब छोड़ो, पहले उसी को लाओ. भैया तुम यार, क्या नाम दें इसको, जल्दी बताओ. जुड़ जा भाई, जुड़ जा मेरे, बस अब यहीं रुक जा, चल. हाँ जी, आप बताओ क्या नाम दें इसको, कोई नाम है इसका? विनोद. हाँ, आजकल बहुत चल रहा है विनोद, हैशटैग विनोद चल रहा है, तो विनोद नाम दे दें इसको. ठीक है, ये विनोद है आपके. अच्छा, एक कह रहा काजल नाम दे दो. मतलब तुम भी यार है, मजे लेने वाले खूब है यहाँ पे, क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो है? चलो पढ़े आप. ओके चलो, बच्चा ऐसे दिखते हो, ये आपकी सच्चाई है. पता नहीं लोग बोलते हैं मैं इतना, वो इतने सुंदर है, वो इतना सुंदर है, अंदर से सारे एक जैसे हैं. ऐसे ही दिखने आप, कोई सुंदर नहीं है, कोई गंदा नहीं है दिखने में, बस वो बाहरी बनावट है, बाहरी सुंदरता है, जिस सुंदरता के पीछे आप लोग पागल हो जाते हो, है ना. बाकी सच्चाई यही है आपकी, ऐसे ही दिखने हो. आप भी, मैं भी, कोई तीसरा भी, कोई चौथा भी, सारे ऐसे ही दिखने हैं. अब देखो बच्चा कि इसमें हमने जो आपको पढ़ाया अभी तक, वो कैसे आपको याद रखना है. ये एक इंसान का पूरा स्केलेटल है. इसमें पूरी की पूरी हड्डियां हैं, वो 206 हड्डियां हैं इसमें दिखा रखी हैं. अब मैंने आपको क्या कहा कि हमने इन 206 हड्डियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. अब एक्सियल का मतलब था जो आपका मेन धड़ बना रहा है. ये देखो मेन धड़ वाला, ये आपका आ गया क्रैनियम वाला पार्ट. ये क्या है आपका? क्रैनियम वाला पार्ट. अब इस क्रैनियम से आगे की साइड देखेंगे, मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि आगे की साइड एक हड्डी होती है, ये आपकी वो हड्डी रही. ठीक है, वो एक हड्डी रही, ये रही यहाँ पर एक. और इस हड्डी से क्या लगी हुई है? ये देखो बच्चों आपकी पसली. ये बोलते ना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, बस ये वही पसलियां हैं, ये आपकी पसलियां हैं. ठीक है, ये आपका पीछे की साइड दिखा रखा है आपका बैकबोन. ये आगे की साइड देखेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर आ गया, पीछे की साइड यहां से निकला हुआ आपका क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, आपका बैकबोन है. ठीक है, तो ये आपका क्रैनियम वाला पार्ट, ये रिब्स वाला पार्ट, गले की हड्डी भी हो जाएगी, सब हम आपको पढ़ाएंगे. ये आपका क्या हो गया? बैकबोन वाला पार्ट. तो ये आपका मेन एक्सेस है. ये हाथ पैर एक्सेस में काउंट नहीं होते, ये अपेंडिजेस होते हैं. और अपेंडिजेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोजेक्शन जो हमारे शरीर से बाहर की साइड निकलता है. देखो ये पैर भी बाहर की साइड निकल रहे हैं और ये हाथ भी बाहर की साइड निकल रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे. हम सिर्फ पहले पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, हम अपेंडिकुलर नहीं पढ़ रहे हैं. चलो अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को एक एक करके बताऊंगी कि क्रैनियम वाले को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे. चलो सबसे पहला लिखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, एक नंबर डाल के लिखो क्रैनियम बोन्स. अब एक एक करके पढ़ना है, सारी 206 काउंट करवाती हूँ आपको कि कैसे 206 होती हैं. ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? कपाल. अच्छा, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि क्रैनियम बोन कौन से ऑर्गन का प्रोटेक्शन देती हैं, तो क्रैनियम ये है और या इसी में अंदर की साइड हमारा क्या है? ब्रेन है, दिमाग है. ठीक है, चलो क्रैनियम बोन्स कितनी होती हैं? आगे नंबर में लिखो 8. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये 8 होती कैसे हैं. इनके नाम भी हैं और इनकी लोकेशन भी आपको पता करनी है. इनके नाम भी याद करने हैं और इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, देखो बच्चों, ये हमने बना दी एक इस विनोद की खोपड़ी. आजकल विनोद ही चल रहा है भाई, हर जगह विनोद ही विनोद है, तो हम विनोद की बात कर लेते हैं. ये विनोद की खोपड़ी है. ठीक है, और इस विनोद की ये जो क्रैनियम है, कपाल है, इसमें 8 हड्डी हैं. अब हमें देखनी है ये 8 हड्डी कैसे होती हैं. ठीक है, एक तो ऐसे बनाओ और एक डायग्राम ऐसे बनाओ आप. ये हम ऊपर वाली हड्डियों को दिखाएंगे. ठीक है, ऊपर से यहाँ पर आपका जो स्कल्प वाला पार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है,
सबसे पहले ये टच करो आपको, ये आपकी एक हड्डी है, ये आपकी कपाल की एक हड्डी है ऐसे होती हुई यहाँ पर अंदर की साइड। तो क्रैनियम की जो एक नंबर पर हड्डी है ये सबसे आगे वाली, इसको यहाँ पर आपका ये जो फोरहेड है, जो फोरहेड को बना रही है माथे की अंदर की साइड, इस हड्डी को हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये जो विनोद की सबसे आगे वाली हड्डी है इस क्रैनियम की, इसको हम फ्रंटल का नाम देते हैं। ये जो हड्डी है इसको टच कर लेना, फ्रंटल ए की होती है, ये आपकी फ्रंटल है यहां से, ये वाली फ्रंटल, ठीक है। कितनी है नंबर में? एक लिख दो, नंबर में कितनी है? एक, हो गया। अब आओ इस वाले पार्ट को, यहां पर आपके मम्मी पापा आपको आशीर्वाद कहां देते हैं? यहां देते ना, तो पेरेंट्स आशीर्वाद कहां देते? यहां पर। यहां पर आपकी दो हड्डियां हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ये क्रैनियम को बना रही है, एक तो ये होगी। अब दो हड्डियां हैं ऐसे, जब हम इसको ऊपर से ऐसे दिखाएंगे तो देखो एक इधर हो जाएगी और एक आपकी ये इधर हो जाएगी, एक इधर, ये ऐसे वाली, ठीक है। तो एक आपकी ये है, एक आपकी ये है, और इन बोन्स को बोलते हैं, आप ऐसे दिखा सकते हो, एक ये हो गई, और अगर ऐसे दिखा रहे हो तो आप इसमें बस एक ही दिखाओ, बट एक अलग से ऐसे यहाँ पर दिखा देना, ठीक है। ये आप जब ऊपर से देखोगे खोपड़ी पे तो ये बोन्स होती हैं, इनको बोलते हैं पेराइटल बोन्स, इनको बोलते हैं हम पेराइटल बोन्स। कितनी है टोटल? दो है। कितनी? दो, एक ऐसे एक ऐसे, दो। ऊपर से ऐसे देखो, ऊपर से ऐसे, तो मैंने इस खोपड़ी को ऐसे बना दिया, तो एक आपका पेराइटल इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा, ऐसे ऐसे याद कर लो कि पेराइटल जहां पर हमारे पेरेंट्स हमें आशीर्वाद देते हैं वहां पर पेरेंट्स पेराइटल बोन होती हैं। अब बच्चों आओ यहां पर इस वाले पार्ट को टच करो, इस वाले पार्ट को जब इसको टच करोगे, कभी कभी सुना है आपने मूवीज में या हॉलीवुड मूवीज में या फिर कभी कभी मूवीज में बोलते हैं ऐसे, डॉक्टर की लैंग्वेज में बोला जाता है, ओहो मेरे टेम्पोरल में आज बहुत प्रेशर पड़ रहा है ना, कि मेरे सर में बहुत दर्द सा हो रहा है। यहां पर दो हड्डी होती है, इनको बोलते हैं टेम्पोरल बोन्स। तो ये आपकी यहां से दिखाओगे ना ऐसे इस हड्डी के अंदर, तो ये आपकी आगे वाले पार्ट में हम दिखा सकते हैं टेम्पोरल बोन्स होती हैं, टेम्पोरल। अब एक यहाँ है टेम्पोरल, एक यहाँ पर है, कितनी हो गई टेम्पोरल? आप बताओगे नंबर में? दो हो गई, नंबर में दो हो गई भाई। एक ये फ्रंटल हो गया, फ्रंटल का मतलब फ्रंट आगे वाला, ये दो पेरियटल हो गई, एक ये वाली एक ये वाली, यहां से आपका ये वाला जो पार्ट बन रहा है क्रैनियम का, इनको बोलते हैं टेम्पोरल। अब आओ पीछे वाला पार्ट, ये जो आपका ये वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ओसीपिटल। ये जो आपकी हड्डी है ना, इसको कहा जाता है क्या? ओसीपिटल, ओसीपिटल बोन। और ये कितनी है? ओसीपिटल, ओसीपिटल, ये एक ही है आपके पीछे की साइड। ऐसे टच कर लो ना, फील कर करके बनाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा, एग्जाम में याद हो जाएंगे आपकी। ये ओसीपिटल एक है, जरा काउंट करना टोटल कितनी होगी। मैंने बोला आगे वाली फ्रंटल एक है, टेम्पोरल साइड वाली दो है, पेरियटल ऊपर से दिखने वाली दो है, और ये पीछे वाला ओसिपिटल यहां पर ओसिपिटल है। एक दो चार और आपकी कितनी हो गई? छह। टोटल कितनी है? आठ। अभी आपकी दो हड्डी बची हैं। अब दो हड्डी डायग्राम में नहीं बनेंगी, वो बच्चा कैसे होती है हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको उनके नाम याद करने हैं। एक होती है स्फेनोइड, एक होती है बच्चा स्फेनोइड, हिंदी में सेम नाम है इसीलिए हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं। एक होती है इथमोइड, इथमोइड, स्फेनोइड एंड इथमोइड। स्फेनोइड के आगे भी नंबर में वन लिखो, यहां पर भी वन लिखो। अब ये स्फेनोइड जो होती है ना, थोड़ी सी अंदर की साइड अगर हम इसको दिखाएं तो यहां से आपकी पेरियटल आ रही है, एक ये पेरियटल एक इधर वाली पेरियटल, ये पीछे से आपका ओसिपिटल आ रहा है। यहां पर बीच में ऐसे आपका, अगर मैं दिखाना चाहूं कुछ डायग्राम में, तो ऐसे हल्की सी ऐसे बटरफ्लाई जैसी होती है, इसका जो शेप है ना वो बटरफ्लाई के जैसा होता है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं आपको, कौन सी हड्डी के बारे में? स्फेनोइड। ये हड्डी जो है ना, इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई है अंदर की साइड कि सारी बोन से टच होती है। कौन सी हड्डी? स्फेनोइड। स्फेनोइड किस तरीके से लगी हुई है? हमारे क्रैनियम में अंदर की साइड इस तरीके से लगी हुई है कि ये ओसिपिटल को भी टच करेगी। देखो ये पूरा वाला पार्ट है, चलो इसको मैं
बना देती हूँ आपके ब्लू कलर से। ये आपकी पूरी है, ये ऑसिपिटल है, इससे भी टच करेगी। इधर से जो आपकी पेराइटल आ रही है उससे भी टच करेगी। यहाँ से हम जो ब्लैक से बना रहे थे इससे भी टच करेगी। पूरा यहाँ पर आपका फ्रंटल है ऐसे, ये इससे भी टच करेगी। यहाँ से आपकी जो पेराइटल आ रही थी इससे भी टच करेगी ऐसे। तो ये जो आपकी स्फेनॉइड बोन होती है ना, ये बटरफ्लाई के आकार जैसी होती है पहले पॉइंट तो, और ये हमारे जो क्रैनियम के अंदर बाकी की 7 हड्डियाँ होती हैं सबसे टच करती हैं। इसलिए ये जो हड्डी है इसको कहा जाता है कीस्टोन ऑफ क्रैनियम, इसको कहा जाता है कीस्टोन ऑफ क्रैनियम। अब इसका हिंदी कुछ भी नहीं है, हाँ आप इसको ऐसे नोट कर लेना, इट टचेस ऑल अदर 7 बोन्स क्रैनियम। ठीक है, जो आपकी स्फेनॉइड होती है वो बाकी की 7 की 7 हड्डियों को टच करती है। और कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि हमारे क्रैनियम में तितली के आकार की कौन सी हड्डी होती है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप बोन कौन सी होती है, तो स्फेनॉइड। और की स्टोन ऑफ क्रैनियम, हमारे जो कपाल है उसका मेन जो की स्टोन हम जिसको बोलते हैं वो कौन सी हड्डी होती है, स्फेनॉइड हड्डी होती है। अब ये इथमोइड कैसी होती है, ऐसे प्लेट की जैसी होती है। इस इथमोइड को देखो, बना नहीं सकते हम डायग्राम में, ऐसे इथमोइड होती है और ऐसे नीचे की साइड ऐसे परपेंडिकुलर ऐसी लगी हुई होती है, ये आपकी इथमोइड होती है। कहाँ से बनाऊं, तो इस स्फेनॉइड को टच करते हुए यहाँ से आप जब बनाना स्टार्ट करोगे तो ऐसे आपकी यहाँ से निकली हुई होती है कौन, इथमोइड। कौन सी हड्डी, इथमोइड। तो अब जरा काउंट करना कितनी होगी, ध्यान से सुनना। हम साइड में सारे के नाम लिखते हैं इधर, फिर हम आपको नेट से जो डायग्राम उठाया उससे भी हम पढ़ाते हैं। देखो अब क्रैनियम बोन में कौन कौन सी होगी, आप बोलते जाना, मैं लिखती जा रही हूँ। सबसे पहले कौन सी आ गई, फ्रंटल। अब बताती हूँ फ्रंटल कौन सी, ये वाली, ये कौन सी है, फ्रंटल। कितनी है, 1। 2 नंबर पर कौन सी आएगी, पेराइटल। 2 नंबर पे कौन सी आएगी बच्चा, पेराइटल। पेराइटल कौन सी है, जहां पर हमें पेरेंट्स ब्लेसिंग्स देते हैं, ये वाली। कितनी है, 2। 3 नंबर पे कौन सी लिखूं, टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी है बच्चा, 2 होंगी। टेम्पोरल कितनी होंगी, 2। कौन सी, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये आपकी टेम्पोरल। ये पीछे की साइड, ये कौन सी है, ऑसिपिटल। तो 4 नंबर पे कौन सी लिख दूं, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल क्या बना रही है, आपके क्रैनियम का बेस बना रही है, पीछे का बेस आधार बना रही है। कितनी है, 1। 5 नंबर पे कौन से लिख दूं, स्फेनॉइड। कौन से लिख दूं, स्फेनॉइड। कितनी है, 1। और याद रखिएगा इसको कीस्टोन ऑफ क्रैनियम कहा जाता है। एंड 6 नंबर पे कौन से लिखूंगी आपकी, 6 नंबर पे कौन से लिखूं आपकी बच्चा, इथमोइड। इथमोइड और इथमोइड तो ऐसे परपेंडिकुलर नीचे की साइड लगी हुई सी हड्डी होती है। ठीक है, ये कितनी है, 1। 2, 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे आपकी क्रैनियम में कितनी हड्डी होती हैं, 8। और ये स्कल में ही काउंट होती हैं। और ये सारी किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर अंदर की साइड आपका दिमाग होता है उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं। क्या आपको समझ में आई मेरी बात यहाँ तक की, तो क्रैनियम में कितनी बोन है, 8। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, भैया हमें तो एग्जाम देना ना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फ्रंटल बोन कितनी होती हैं, पेराइटल कितनी होती हैं, टेम्पोरल कितनी होती हैं, ऑसिपिटल कितनी होती हैं, स्फेनॉइड कितनी होती हैं, इथमोइड कितनी होती हैं, तितली के आकार की कौन सी है, स्फेनॉइड। फिर आपसे पूछे की स्टोन ऑफ क्रैनियम किसको बोलते हैं, स्फेनॉइड। ये आपके क्वेश्चन बने यहाँ से, ये आपके क्वेश्चंस बने। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। आ गया समझ में, आगे चलूं, चलूं आगे। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका डायग्राम के साथ आपको बनाऊं। ये रहा खोपड़ी ऐसे, है ना, ये आपका विनोद का खोपड़ी। अब हम अगले डायग्राम में आपको समझाते हैं। चलो ये वाला नहीं है, ये तो फेस की हड्डियां हो गई, ये आपका रिब्स हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो डायग्राम तो हमने बनाकर भी तो आपका पढ़ा दिया। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको, इतनी बात हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। ये आपकी खोपड़ी से ऐसे बता दोगे, फ्रंटल पेराइटल कुछ नहीं, इनके नाम याद करने हैं बच्चा, और इनकी नंबर याद कर लो कि कितना नंबर में कौन सी होती है। ये आपकी हो गई यहाँ पर, किसके बारे में, आपका स्कल के बारे में हो गई सारी। अब हम इस, जब इस क्रैनियम को हटा दो,
कान को अभी काउंट नहीं करेंगे, पहले कान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम फेस पे आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे फेस पे, मैंने बताया था आपको कि फेस पे कितनी हड्डी होती है, तो जरा लिखो दो नंबर पे। दो नंबर क्यों दिया है? क्योंकि एक नंबर हमने किसको दे दिया? क्रैनियम को। तो दो नंबर पे लिखेंगे आप फेसियल बोन, चेहरे वाली हड्डियां। आपका जो चेहरा है उसके ऊपर कितनी हड्डियां होती हैं? आज के बाद ऐसे बोलना, तेरा ये जो 14 हड्डियों से बना हुआ थोबड़ा है ना, इसको तोड़ दूंगा मैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगली बार ये बोलना कि जो तेरा 14 हड्डियों से बना हुआ थोबड़ा है ना, मतलब मुंह, मैं तोड़ दूंगा तेरा। कितनी हड्डियां? 14। अब हम आपको बताएंगे कि 14 बोन कैसे होती हैं, ये आपकी कहाँ कहाँ होती हैं 14, क्या क्या नाम होते हैं, सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे। अगेन हम आपके विनोद, नहीं इस बार बबलू नाम देते हैं हम, ठीक है, ये आपके बबलू जी हैं। अब चलो ऐसे नहीं, विनोद को नहीं, इस बार हम विनोद के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं, फिर और ज़्यादा फेमस हो जाएगा विनोद। बबलू का नाम देंगे हम, आप बबलू की ऐसे खोपड़ी बनाइए ज़रा, ठीक है। ये बना रही है आपने खोपड़ी, ये आपका यहाँ पर, एक सेकेंड रुको मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है। चलो आओ यहाँ पर बच्चों, देखो चीज़ें आपको सारी समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा आपको मेरे साथ आराम आराम से पेश आना है। जैसे मुझे याद हैं, जब मुझे याद हो सकती हैं तो आपको भी तो याद हो सकती हैं, ठीक है। ये आपका क्रैनियम वाला पार्ट मान लो, ठीक है। अब क्रैनियम तो पढ़ लिया, अब बार बार थोड़ना पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, एक एक करके पॉइंट। जब फेस की हड्डियां पड़ेंगे ना, यहां से स्टार्ट करना, यहां से स्टार्ट करना। सबसे पहले इस हड्डी को टच करो आप। ये जो हड्डी है जो आपको निचला जबड़े का निर्माण कर रही है, जिसको हम लोअर जो बोल रहे हैं, इस हड्डी को हम ना कैसे चलेंगे, देखो ऐसे जाकर ऐसे हम काउंट करेंगे, फिर हम यहाँ से नाक से वापस नीचे आएंगे। ऐसे हम हड्डियाँ पढ़ेंगे, ऐसे जाकर ऐसे ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और फिर हम नाक से ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, ये इसकी आँखें बना दो, है ना, ये इसका नाक वाला पार्ट बना दो। अभी हम इसके नाक में हड्डियाँ सारी बताएंगे आपको। चलो सबसे पहला, ये जो आपकी हड्डी है जिसको बोलते हैं ना यार तेरी जो लाइन बहुत सुंदर है, है ना, जो आपकी लोअर जो वाली आपकी जो हड्डी है, इसको बनाएंगे आप लोअर जो, निचले जबड़े की हड्डी, या इसको लोअर जो बोलते हैं। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मैंडिबल। ये जो हड्डी है नीचे वाली, यहां वाली, इसको इसको आप साथ साथ में नाम याद करते रहो, आपको सारे याद हो जाएंगे। ये आपका मैंडिबल है। ये क्या है? आपका मैंडिबल एक ही है बच्चों, एक ही है। मैंडिबल कितना है? एक ही है आपका, ठीक है। ये होगी आपकी एक जो लाइन बनाने वाली हड्डी, जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं। अब आओ इस वाले पार्ट पे, ऊपर वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े में दो हड्डी होती है, एक यहां ये रही, एक यहां ये रही। तो एक हड्डी आप ये यहां से बनाओ और दूसरी हड्डी आप यहां से बनाओ। ये आपके ऊपर वाले जबड़े की हड्डी है बच्चों। कौन सी? ये वाली, ठीक है, ये वाली। ऐसे आप इसको ऐसे कर दो, ये आपकी ऊपर वाले जबड़े की है। और इन हड्डी को बोलते हैं हम मैक्सिला। ये आपके ऊपर वाले जबड़े की दो हड्डियां। कैसे? आप साथ में नाम याद कर लो। ये मैंडिबल, ये दो जबड़े हैं, ऐसे दोनों आकर जुड़ रहे हैं। एक मतलब जबड़ा तो एक ही है, उसके पार्ट दो। तो एक हड्डी ऐसे आ रही है यहां से, एक यहां। तो इनको बोलेंगे हम मैक्सिला। और मैक्सिला कितनी होती हैं आप बताओगे? दो होती हैं। मैक्सिला कितनी होती हैं? दो होती हैं, ठीक है। हो गया एक, दो, तीन। अब आओ अपने गाल वाली, ये देखो आपकी सुंदर सुंदर हड्डी, चिक्स वाली। ये आपकी गाल की हड्डी, इसको टच करो, फील हो रहा है? टच करो जरा, फोन साइड में रख के। ये हड्डी, ये हड्डी, इसको बोलते हैं चिक्स बोन। आपकी गाल की हड्डियां जो सुंदर होती है ना, लोग इन पे बड़ा काम करते हैं आपका ना, इनको बोलते हैं आप
अरे अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, इनको बोलते हैं जाइगोमेटिक, बाद में पियेंगे चाय। ये आपकी कहीं ना कहीं यहाँ बना दूँ मैं, एक इधर से एक इधर से दो। ये जो आपकी गाल की हड्डियाँ होती हैं इनको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन? जाइगोमेटिक बोन्स। दो हैं तो आगे नंबरिंग में दो लगा दो। कितनी है? दो। अभी हम आपको बताएंगे सारा। दो, ये वाली, इनको जाइगोमेटिक बोलते हैं। मैंडिबल, मैक्सिला या मैक्सिबल, दो ये आपकी गाल वाली दोनों टच करो, जाइगोमेटिक बोन है। अब मैंने कहा था यहां से ऐसे आओ, ये नाक, भाई नाक को टच करो, कोई शर्म नहीं है, दिन में सारे दिन आप टच करती रहते हो ना। अब इस नाक को टच करो, ये वाला पार्ट जब आप टच करोगे तो आपको बहुत स्ट्रांग लगेगा, लेकिन आगे वाला पार्ट बड़ा सॉफ्ट है, ये जो टिप है वो बड़ी सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर हड्डी नहीं होती है, ये सिर्फ आपकी उपास्थि की बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। लेकिन इसको टच करो, इसको तो बहुत आपके हार्ड है ना, तो इस नाक में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपकी दो हड्डियाँ होती हैं बच्चा, ऐसे दो, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, देखो ऐसे मैं कैमरे में, एक ये वाली दोनों, इनको बोलते हैं नेजल बोन्स, इनको बोलते हैं हम नेजल बोन्स। हिंदी में कोई नाम नहीं है, आपको यही याद करने पड़ेंगे, नेजल बोन्स, ठीक है। ये रही नाक वाली, ये दो, ये दोनों। अब बच्चों इस नाक से होती हुई यहां की साइड, इसको टच करो, यहां पर आपको एक हड्डी और फील होगी, ध्यान से यहां से टच करना, जो हमारे नाक से जाती हुई थोड़ी सी यहां पर जो ये आपका आईबॉल है इसके अंदर की साइड यहां पर होती है, और इन हड्डियों को यहां पर ऐसे जो होती है जो आंख की साइड नाक से होती हुई छोटी सी है, नाक से, इस नाक की नेजल से जुड़ी हुई आंख में अंदर की साइड यहां पर होती है, और इनको बोलते हैं लैक्रिमल बोन्स। अब लैक्रिमल बोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बोन्स जो होती हैं इन्हीं के सहारे जुड़ी हुई होती है आपकी एक ग्लैंड, जिस ग्लैंड को बोलते हैं हम, जिस ग्लैंड को बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, और वो ग्लैंड जो आंसू बनाती है, और यहीं पर होती है आपकी आंखों के अंदर जो आपकी आंसू बनाती है, ठीक है। तो ये हमारी थी नेजल बोन्स, और इस नेजल बोन से जुड़ी हुई यहाँ पर आंख में अंदर की साइड लैक्रिमल बोन्स हो गई, या लैक्रिमल बोन, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करो, लैक्रिमल या लैक्रिमल, ठीक है, हो गई। दो होती हैं, दो आंखें दोनों होंगी ना, तो इसके आगे नंबरिंग में लिख दो, दो, हो गया। अब आओ वापस अपनी नाक पे, जब वापस अपनी नाक पे आओगे तो नाक में अंदर की साइड, नाक में उंगली डालो, तुम इतना क्यों फील कर रहे हो, सारा दिन डालते नहीं रहते हो, है ना। नाक में जब उंगली डालोगे तो आपको फील होगा नाक के जो दोनों पोर्स हैं उसके बीचों बीच आपको एक हड्डी फील होगी, और इस हड्डी को बोलते हैं हम वोमर। एग्जाम में बहुत बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वोमर की लोकेशन क्या होती है? नाक के अंदर उंगली डालो, जो उंगली डालोगे बीचों बीच आपको फील नहीं होगी, उसको बोलते हैं वोमर, ठीक है, वोमर बोलते हैं। कितनी? सिर्फ एक ही होगी, आपके नाक के जो ये दोनों पोर्स है ना, इनको अलग करने वाली वोमर होती है। अब बच्चों आप इनको काउंट करोगे तो कितनी हुई, काउंट करना है जरा, एक, भाई ये देखो ऐसे काउंट कर लो, बोर्ड पे मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आपको याद कराती हूँ। एक, क्या कौन सी होगी? मैंडिबल। दो तीन, ये मैक्सिला, ये मैक्सिला, दो तीन, फिर ऐसे आओ, ये आपकी यहाँ वाली, इनको क्या बोलेंगे? जाइगोमेटिक। चार पांच, फिर आओ ऐसे नाक पर, ये नाक की आपके जो डंडी, जिसको आप डंडी बोलते हैं, नाक की डंडी बना रही है, नेजल बोन्स। सात, एक बीच में क्या है आपका? वोमर। आठ, इस नेजल बोन से होती हुई अंदर की साइड आंख में लैक्रिमल। कितनी हो गई आपकी? बारह। कितनी हो गई? सही है, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, कितनी हो गई आपकी? कितनी हो गई आपकी? दस। बारह कहाँ से हो जाएंगी? दस हो गई, ठीक है। टोटल कितनी है? 14। अभी कितनी बची? चार। आप चार सुनने के लिए ध्यान से देखो, ये आपकी जो नाक है ना, नाक से क्या जाती है आपकी? एयर जाती है। अब ये नाक का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना आप, इजी नहीं होता है, नाक का अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ऐसे कैविटीज बनी हुई होती हैं, ऐसे गुहा बनी हुई होती है, और वो कैविटी क्या करती है, जो एयर लेते हो उस एयर का टेम्परेचर सेट करती हैं, और आपका जो एयर है उसको फिल्टर करती हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं वो अपने पास रख लेती है। तो इस नाक में अंदर की साइड, मैं आपको दिखा नहीं सकती, नाक में अंदर की साइड कुछ समवेयर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अंदर की साइड वाले पार्ट पर दो हड्डियाँ और
होती हैं बच्चा, जिनको हम इन्फीरियर नेजल कॉन्कर बोलते हैं। कुछ अंदर से यहाँ से बना लो कि एक यहाँ पर अंदर की साइड नाक पर, और इनका आप नाम दे दो। इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे वाली, और इन्फीरियर नेजल कॉन्कर, इन्फीरियर नेजल कॉन्कर कितनी होती हैं? दो। नाक के अंदर की साइड होगी यहां से इस वाले पार्ट में, अंदर की साइड होती हैं कितनी? दो। जब आप इनको काउंट करोगे, 10 पहले हो गई थी, 2 हो गई आपकी इन्फीरियर नेजल कॉन्कर, हो गया 12 हो गई। अब 2 कहां होती है? आ करो, बगल कैविटी ऑन करो, ये ऊपर वाला इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को टच करो, जिसको आप तलवा बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हैं? तलवा। और वैसे इसको क्या कहा जाता है? पैलेट कहा जाता है। एक पीछे वाला पैलेट है, वो बहुत सॉफ्ट है। अपनी टंग को टच करो ऐसे, पीछे वाले पार्ट पे, यहाँ वाले पार्ट पे टच करोगे बहुत सॉफ्ट फील होगा। इसी टंग को यहाँ पर ऐसे वाले, इस वाले पार्ट को, इस पैलेट पे टच करो, जिसको आप हार्ड पैलेट बोलते हैं। आगे वाला जो हिस्सा है ऊपर वाले तलवे का, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और पीछे वाला है वो सॉफ्ट वाला होता है। ये जो हार्ड पैलेट है ना, यहाँ पर आपकी 2 हड्डियाँ होती हैं, और इनको बोलते हैं पैलेट बोन्स, जो आपकी प्लेट या आपका जो ऊपर वाला तलवा है इसको बना रही है, ठीक है? तो इनको बोलेंगे हम, ये आपका कहीं ना कहीं आप माउथ दिखा दो, और इस माउथ में ऊपर की साइड आपकी यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन, जिनको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। कहाँ पर होती हैं? आप लिख सकते हैं बकल कैविटी। और बकल कैविटी क्या होती है? माउथ कैविटी। आ करो, आ करोगे जो ऊपर वाला तलवा है वहाँ पर। और ये किसको बनाती हैं? ये हार्ड पैलेट को, जो कठोर तलवा है आपका, उसको बनाती हैं। और कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। अब इन सबको जब हम काउंट करेंगे तो देखो बच्चा, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 9, और यहाँ पर आपकी ये भी 2 हैं, 10 11 1 12, और 2 ये हो गई आपकी 14। जब सबको काउंट करोगे तो कितनी हो जाएंगी बच्चा? 14 हो जाएंगी। ओके, समझ में आ गया आपको? अब अगर नहीं समझ में आया किसी को तो एक बार फिर सुन लो। एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 5 6 7, फिर यहाँ पर लैक्रिमल 8 9, फिर ये बीच वाला वैमर 10, और फिर 2 यहाँ पर होती है अंदर की साइड नोजल कैविटी के अंदर, 2 होती हैं, और फिर 2 आपकी माउथ कैविटी में तलवा, आगे वाला जो आपका तलवा बनाती है, और ऐसे करके टोटल कितनी हो गई? 14। अब इसको और अच्छे से समझना है ना, अब आओ यहाँ पर, ये देखो डायग्राम। अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये देखो पूरी वैसी की वैसी पूरी लिखी हुई होंगी। ये नीचे वाला जबड़ा था, देखो बच्चा, ये नीचे वाला जबड़ा नाम क्या है? मैंडिबल। यही नाम तो मैंने पीछे लिखा। फेस की हड्डियां पढ़ लो, ध्यान से सुन लो एक एक बात। ये कौन सी हड्डी बताई थी? मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ पाई जाती है? लोकेशन पूछ सकता है आपसे। और ये जो मैंडिबल होती है ना, ये बच्चा बिगेस्ट फेशियल बोन होती है। आप इसके बारे में एक फैक्ट लिख लो, ये हमारे फेस पर सबसे बड़ी हड्डी होती है, बिगेस्ट फेशियल बोन होती है। इससे बड़ी कोई भी हमारे फेस पे हड्डी नहीं होती है, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपके लोअर जो में कौन सी बोन होती है, आप बताओगे मैंडिबल। और आपके फेस पर कितनी हड्डियां होती हैं? 14। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी फेस वाली? तो आप क्या बताएंगे बच्चा? मैंडिबल होती है, ठीक है? तो ये आपका मैंडिबल हो गया। आप देखो ये ऊपर वाला जबड़ा, देखो साफ साफ इसने दिखा रखी है मैक्सिला। ये रही एक मैक्सिला, ये दूसरी मैक्सिला रही। बताया था ना ऐसे चलने के बाद कैसे आना है, ऐसे। ये लो बच्चा दोनों, ये मैक्सिला होगी। अब आओ आप अपनी जाइगोमैटिक, ये रही बच्चा जाइगोमैटिक, ये आपकी दोनों क्या है? जाइगोमैटिक, जिनको हम क्या बोलेंगे? गाल की हड्डी, चीक्स बोन, जो आपकी गाल के ऊपर, जो आपको सुंदर बनाने के लिए लड़कियां यहाँ पर वो लगाती रहती है ना, रेड रेड दिखती है ना एक्ट्रेसेस की। ओके, होगी दोनों समझ में आ गई जाइगोमैटिक। अब आओ बच्चा आप कहाँ पर? अपनी नाक में। जब नाक में मैंने कहा था कि जब नाक में अब ऐसे आएंगे तो ये वाली जो पार्ट है यहाँ पर कौन सी होंगी? नेजल बोन्स। ये रही आपकी नेजल बोन्स, ये दोनों दिखा रखी हैं आपकी नेजल बोन्स, ठीक है? अब नाक के बीचों बीच में जो कौन सी होती है?
वॉर्मर. ये कौन सी है आपकी बच्चा? वॉर्मर. ये रही आपकी वॉर्मर, नाक के बीचों बीच में. अब नाक में समवेयर मैंने कहा था अंदर की साइड जो नाक है, जहां पर आपकी नेजल कैविटी होती है, उसके अंदर जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर भी दो बोन होती हैं. और कौन सी? इंफीरियर नेजल कॉनका. इंफीरियर नेजल कॉनका नाक में अंदर की साइड हो गई. अब आपकी पैलेटाइन बोन जो आपका तलवा बना रही है, और कहां पर आ करो? ये वाला तलवा टच करो, पैलेटाइन बोन. ये आपकी दो पैलेटाइन है. अब इन सबको काउंट करोगे तो कितनी हो जाएंगी? 14. तो आपको क्या समझ में आया कि आपके फेस पे कितनी हड्डियां हो गई? 14 हो गई. और इस क्रैनियम में कितनी थी बच्चा? 8. कितनी थी इस क्रैनियम में? 8. समझ में आया? इस क्रैनियम में कितनी थी? 8. इस फेस पे कितनी थी? 14. अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? हमें तो एग्जाम देना ना मैम, वो बताओ. सबसे पहला क्वेश्चन, फेस पे कितनी होगी? 14. अब आपसे पूछे नाक को दो पोर में डिवाइड करने वाली हड्डी वॉर्मर. ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है. जाइगोमेटिक बोन्स कौन सी होती हैं? ये वाली गाल वाली. फिर आपसे पूछे पैलेटाइन बोन्स कहाँ होती हैं? आप क्या बताओगे? माउथ कैविटी में. तो इसके आगे लिख लेना, इट इज प्रेजेंट इन मुख गुहा. माउथ कैविटी में है, तलवा बना रही है आपका आगे वाला, ठीक है. जाइगोमेटिक गाल वाली. वॉर्मर कहां होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, नोज में होती है. लैक्रिमल आंख के नीचे वाले हिस्से में, यहां पर होंगी बच्चा आई. और ये आगे चलकर किस ग्लैंड से जुड़ी हुई होती हैं? एक आपके आंख के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड होता है, और जो ग्लैंड, जो ग्रंथि क्या बनाता है? टीयर्स, आंसू बनाता है, उसी के साइड लगी हुई होती हैं, ठीक है. फिर पूछे कि नेजल बोन्स कौन सी होती हैं? ये नाक की नेजल. आप पूछे कि इंफीरियर नेजल कॉनका कहाँ होती हैं? आप लिख लेना, नेजल कैविटी में होती हैं, नाक की गुहा में. नाक जो अंदर से आपकी गुहा है, नाक के अंदर, नाक की गुहा में होती हैं. ये लो बच्चों, ये आपकी आपकी ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, जो सबसे बड़ी हड्डी होगी हमारे फेस की, और ये ऊपर वाले जबड़े की दोनों हड्डी. ये आपके जबड़े जो बन रहे हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे. तो फेस पे कितनी होगी? 14. और क्रैनियम में कितनी थी? 8. और 14 और 8 अभी तक कितने हो चुके हैं? 22. लेकिन हमें कितनी पढ़नी थी पूरी स्कल में? 29. तो अभी तो हम आगे चलेंगे. ये पार्ट हो गया क्रैनियम, हो गया, समझ में आ गया. ये पार्ट हो गया, आप चलो यहां पर. ये क्या है? आपके कान. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर बोन्स. तो नेक्स्ट लिखो क्या? ईयर बोन्स. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एक बार कमेंट करना जरा, समझ में आ रहा है? कान की हड्डियां. अब हम आपको बताएंगे कान की हड्डियां कैसे होती हैं, कहां लगी हुई होती है, क्या सीक्वेंस होती है इनकी. चलो एक बार मुझे कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है. मैं पानी पीती हूं इतने में. दीनू प्रजापति प्रजापति यूट्यूब पे लिख रहे हैं 9. तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं समझ में आ रहा तो क्यों देख रहे हो यहाँ पे? क्यों देख रहे हो? नहीं समझ में आ रहा तो भाग जाओ. जिनको समझ में आ रहा है वही तो क्लास देखेगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो क्लास. ओके, समझ में आ रहा है? अभी नहीं, इसके जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है. ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं कान की हड्डी के पास. एक बार YouTube वाले बच्चों लाइक कर दो मेरे सेशन को, और प्लीज शेयर भी कर दो यहाँ पर उन ग्रुप्स में जहां जहां पर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है. प्लीज जो बच्चे नहीं आए हैं उनको यहाँ पर जोड़िए. चले अब आगे कान की हड्डियों पे. चलो बच्चों देखो, एक कान में कितनी होती है? एक कान में बच्चा 3 है, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 6. तो एक कान की बढ़ा दूंगी दोनों कान की, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा, है ना. हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना. लाइक करने का मतलब होता है कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा. चलो अभी तो सिर्फ आपको 1.5 घंटा हुआ पढ़ते हुए. चलो अब हम स्टार्ट करें बच्चा कान की हड्डियों के बारे में. अब कान का हल्का सा, आपको ज्यादा कुछ डायग्राम नहीं समझना है, बस आपको ये बताना चाहिए कान में कहाँ होती हैं ये हड्डियाँ.
ये आपका बाहरी कान है, इसको एक्सटीरियर ईयर बोलते हैं। ये अगर मैं कान की बात करूं बच्चों, तो देखना यहाँ पर जब हम कान को दिखाएंगे तो कान वाली हड्डियों को कैसे दिखाएंगे। ये आप मान लो यहाँ पर, थोड़ा सा रुको, ये आप मान लो आपका ये बाहर वाला कान है, इसको बोलते हैं हम पिन्ना। इसको हम लिखते हैं बच्चा पिन्ना, इसको बोलेंगे हम पिन्ना। हिंदी में भी सेम नाम पिन्ना है। अब ये जो पिन्ना है, ये बच्चा अंदर की साइड जहाँ पर आप ईयरबड डालते हो, खुजलाते हो ना, जो बहुत खुजलाने में मज़ा आता है आपको, जहाँ पर आपकी गंदगी से वैक्स सा निकलता है, ये वाला पार्ट होता है। ये अंदर की साइड ऐसे खोखला है, ऐसे कैविटी बना हुआ है। ये बाहर का कान, ये देखो यहाँ से ये वाला पार्ट है, वो मैंने यहाँ वाला बनाया, ये वाला, और ये अंदर से ऐसे थोड़ा सा खोखला होता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं हम एक्सटीरियर पार्ट। और किसका पार्ट? कान का, कान का बाहरी भाग। ये आप लिखो, हिंदी में भी सेम नाम है, कान का बाहरी भाग। तीन पार्ट में बंटा हुआ होता है आपका कान, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड मिडल पार्ट। हो गया बच्चा, ये एक्सटीरियर हमने इस कलर से दिखा दिया। ये बाहर वाला है पिन्ना, ये अंदर की साइड जहाँ पर आप ईयरबड, या कोई लोग तो माचिस की तिल्ली दे देता है, फिर वो टूट भी जाती है ना, ये माचिस की तिल्ली विल्ली से रिस्क नहीं लिया करो, ओके। चलो, तो ये आपका अंदर वाला कान का पार्ट, और ये आपकी कान का यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं, सबसे बाहरी भाग बोलते हैं। अब बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है आपके कान का इंटीरियर पार्ट। ये आपका कान का इंटीरियर नहीं, सॉरी, ये आपके कान का मिडल पार्ट, इसको बोलते हैं ईयर का मिडल भाग, बीच वाला भाग। ये आपका मिडल पार्ट है, बीच का भाग, ये कान का बीच का भाग। अब बच्चों, जहाँ पर मिडल वाला पार्ट खत्म होता है, जहाँ से आपका कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, इंटीरियर। अब इंटीरियर तो बहुत ही ऐसे एलियन का बच्चा, एलियन होते से ना उनका ऐसे बच्चे जैसा लगता है, ऐसे कुछ अजीब टाइप की स्ट्रक्चर होती है, समझ में नहीं आता है। अंदर वाले में तो ऐसे कुछ ऐसे अंदर से, ये इंटीरियर पार्ट होता है आपके कान का, इसको बना दो इंटीरियर पार्ट ऑफ ईयर, इंटीरियर पार्ट। मैं ये बता रही हूँ आपको कि कान की हड्डियाँ होती कहाँ हैं। आप सुनना ध्यान से, ये सबसे बाहरी जिसको हम पिन्ना बोल रहे हैं, अंदर की साइड ये कैविटी आपके कान की, ये बीच वाला पार्ट, और यहाँ पर ही आपकी हड्डी होती है कान की, और ये सबसे इनर वाला पार्ट जिसको ऐसे एलियन का बच्चा जैसा दिखता है दिखने में, जिसको हम इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ईयर। हमारा कान तीन भागों में बंटा हुआ होता है, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया एक नंबर पर, ये इंटीरियर पार्ट हो गया बीच का भाग, और ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। बाकी स्ट्रक्चर आप कान की बाद में पढ़ लेना। अब हमें देखनी है हड्डियाँ। बच्चों, एक कान की, एक दोनों कान में कितनी हड्डियाँ हैं? छः। तो एक में कितनी होंगी? तीन। और ये जो पार्ट है ना, मिडल वाला पार्ट, यहाँ पर होती हैं आपकी हड्डियाँ। बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत सारे टीचर्स बस ये पढ़ा देते हैं कि कान में तीन हड्डियां होती हैं, स्टेप्स इनकस मैलियस, लेकिन वो ये नहीं पढ़ाते हैं कि किस पार्ट में होती हैं, क्योंकि पार्ट भी पूछ लिया जाता है कि कान के कौन से भाग में। जब हम यहाँ पर इस मिडल वाले पार्ट को बनाएंगे बच्चा, तो इस मिडल वाले पार्ट में ऐसे हैमर की जैसी, ऐसे हथौड़ी की जैसी आपको पहली हड्डी नजर आएगी। कौन सा पार्ट है ये? मिडल ईयर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कान की हड्डियां होती हैं वो कौन से भाग में होती हैं कान के, आप बताओगे मिडल ईयर में होती हैं। ये पहली हड्डी है कान की, और आप ऐसे ही इसी से एक दूसरी लगी हुई हड्डी सी होती है, ऐसी सी, ये आपकी दूसरी हड्डी है, ये दूसरी हड्डी, और यहीं पर आपकी एक तीसरी हड्डी होती है ऐसे, ये आपकी तीसरी हड्डी। तो मिडल ईयर में आपकी तीन हड्डियां होती हैं बच्चा, तीन हड्डियां पाई जाती हैं। अब ये जो हैमर जैसी होती है दिखने में, ये दिखने में कैसी लग रही है आपको? हथौड़ी जैसी। इसको बोलते हैं मैलियस, इसका नाम होता है मैलियस। क्या नाम होता है? मैलियस। किसके जैसी?
हथौड़े की जैसी। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मैलियस का आकार शेप कैसा है, हैमर जैसा, हथौड़े जैसा। हथौड़ा क्या करता है, हथौड़े से बीट करते हैं हम किसी भी चीज़ को, ठोकते हैं। अब ये जो मैंने दूसरी हड्डी बनाई है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप कभी मोची के पास गए हैं अपने जूते वूते ठीक करवाने, तो मोची जिसके ऊपर जूते वूते रख कर ठोकता है, उस चीज़ का स्ट्रक्चर देखा है ऐसे आपने, उसका आकार देखा है, कुछ ऐसा सही बना हुआ होता है, इसके ऊपर ऐसे ठोकता रहता है जो भी आपके चप्पलों वप्पलों में कील ठोकता है वो, तो ये उस आकार का होता है, ये उसके जैसा होता है। उसको एनविल कहा, एनविल कहा जाता है जिसके ऊपर वो ठोकता है, तो इसको एनविल बोन भी कभी कभी कहते हैं। देखा होगा ना कभी आपने, जैसे कभी मोची के पास जाना अपनी चप्पलें वप्पलें ठीक कराने, तो जो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर वो रख के आपकी चप्पल रखेगा और उसको बांध देगा, फिर उसके ऊपर कील लगाएगा, फिर हथौड़े से ठोकेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को एनविल बोलते हैं। तो ये जो एनविल के जैसे आकार की होती है ना बच्चा, इसको कहा जाता है आय, और आय फोर होता है इनकस, इस हड्डी का नाम होता है इनकस, और हिंदी में भी इनकस ही नाम है। लेकिन ये किसके आकार की जैसी होती है, एनविल के आकार की जैसी, एनविल के आकार की जैसे, इसलिए इसको एनविल बोन भी कहा जाता है। अब ये जो तीसरी हड्डी है, इसको इसको कहाँ बनाऊं बच्चा मैं, इसको यहां दिखा दूं, ये लो आपकी, ये होती है आपकी स्टैपीज, ये है आपकी स्टैपीज। ये स्टैपीज कैसी होती है, आप कभी घोड़े वोड़े के ऊपर बैठे होंगे, तो घोड़े के ऊपर जब बैठते हैं तो पैर जिसके अंदर हम डालते हैं, पैर रखवाते हैं ना ऐसे कि इसके अंदर अपना पैर डाल लो, उस घोड़े का जो घोड़े से लगी हुई जो जहाँ पर आप पैर रखते हैं अपने टांगों को इसके अंदर घुसाते हैं, उस वाले पार्ट के जैसी जैसी सी होती है ये दिखने में। ओके, आप इनका स्ट्रक्चर छोड़ दो, आप तो क्या याद रखोगे कि हमारा कान तीन भागों में बंटा हुआ होता है, एक्सटीरियर, मिडल एंड इंटीरियर या इनर पार्ट। एक कान में तीन हड्डी होती हैं और तीनों को तीनों कौन कान के कौन से भाग में होती हैं, मिडल पार्ट में होती हैं, मतलब बीच वाले हिस्से में होती हैं। कौन सा आप बताओगे, कौन कौन सी, मैलियस, उसके बाद कौन सी होती है इनकस, उसके बाद कौन सी होती है स्टैपीज। अब आप अगर कुछ फैक्ट्स लिखना चाहते हो, क्वेश्चंस लिखना चाहते हो, कैसे आएंगे, अब एक कान में ऐसे ही सारे कानों में दो, मतलब दोनों कानों में दो ही तो होते, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक कान में कितनी हड्डी, तीन हड्डी, तीनों के तीनों कौन से कान में होती हैं, मिडल एयर में, और हिंदी में क्या लिखेंगे, कान के बीच के हिस्से में। कौन कौन सी बच्चा, सबसे पहली कौन सी आएगी, तो आप क्या लिखेंगे, जब हम बाहर से अंदर की साइड आते हैं कान में, तो सबसे पहले कौन सी आती है, मैलियस आती है। फिर दो नंबर पर कौन सी आएगी बच्चों, दो नंबर पर आप क्या बताएंगे अपनी, इनकस आएगी, और तीन नंबर पे कौन सी आएगी, स्टैपीज। आप मुझे ये बताओ इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको, तीनों में सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, स्टैपीज। तो ये जो स्टैपीज होती है ये हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, कान में भी तीनों में सबसे छोटी है, और वैसे ऑल ओवर हमारे ह्यूमन बॉडी में भी देखें तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बता दोगे स्टैपीज। तो इसके आगे लिख लेना, यह है मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इट इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आप कौन सी बताओगे, स्टैपीज। और ये इनका ऐसे सीरीज में लगी हुई है, ऐसे आपको याद रखना है कि बाहर से अंदर की साइड जाएंगे तो कान में कौन कौन सी हड्डियां दिखेंगी, सबसे पहली आप बताएंगे मैलियस, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टैपीज। अब अगर पूछे अंदर से बाहर की साइड आते हैं तो हमें कौन सी हड्डी दिखेगी, सबसे पहले स्टैपीज, फिर इनकस, फिर मैलियस दिखेगी, ठीक है। और स्टैपीज कहाँ होती है, कान में। पूछे सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में, और कौन सी होती है, कान में तो तीन है ना, तो कौन सी, स्टैपीज। तो एक कान में तीन, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी बच्चा, छः। आप देखो यहाँ पर हमने कौन कौन सी काउंट की थी, इसमें आओ, यहाँ पर जरा आओ, स्कल वाले पार्ट में यहाँ आओ, कहाँ गया, ये रहा स्कल, इसको जूम करो, देखो यहाँ पर आओ, इस वाली चीज को आप सुनना ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि हमारे स्कल में यहाँ यहाँ तक के पार्ट में कितनी हड्डियाँ हैं, 29 बोन्स हैं। अब 29 में क्रैनियम की कंप्लीट करवा दी, बता दी आठ की आठ,
फेसियल बोन पढ़ा दी बच्चों, सारी की सारी पढ़ा दी, कान की हड्डियां बता दी 6, टोटल काउंट करोगे कितनी होगी 28, कितनी बची सिर्फ एक। अब देखेंगे हम कौन सी, ये हायोट। तो चलो जरा अब हम देखते हैं किसके बारे में। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे हायोड के बारे में। अब ये हायोड कहाँ होती है, तो इसके लिए देखो ये आपके अगेन विनोद, ठीक है, विनोद या आप कोई भी नाम ले लो, ये आपके विनोद, ये विनोद का माउथ और ये इसके माउथ में यहाँ से इसकी ये टंग है, ठीक है, ये इसकी जीभ आ रही है ऐसे, ठीक है, ये इसकी जीभ है ऐसे, जो जीभ लटकती रहती है ना, और इस गले में, इसके गले में यहाँ पर ऐसे एक हड्डी होती है ऐसे, यू जैसी होती है, यू ये वाले ऐसे, देखो ऐसे घूम के आएगी, ऐसे जीभ से लगेगी, ऐसे घूम के आएगी, ऐसे जीभ से लगेगी, ठीक है बच्चा। तो ये आपका ऐसा, ये आपकी यू शेप्ड बोन है, इसको लिखेंगे आप यू शेप्ड बोन, यू आकार की हड्डी। और कौन सी है यू आकार की हड्डी, तो आप बताएंगे इसको बोलते हैं थ्रोट बोन, इसको बोलते हैं थ्रोट बोन, गले की हड्डी। और नाम पूछ ले इसका, तो क्या नाम है बच्चा इसका, हायोड, क्या नाम है, हायोड। अब ये किससे लगी हुई है, ये इसकी जीभ से लगी हुई है, जीभ को पकड़ के रखती है, इसकी जीभ को पकड़ के रखती है, हमारी जीभ को स्ट्रेंथ देने वाली, जीभ को पकड़ के रखने वाली हड्डी कौन सी है, आप बताओगे हायोड। अगर आपने किसी का हायोड बोन तोड़ दिया, मान लो आपने किसी को यहां मारा, उसकी हड्डी टूट गई, तो ये यहां से टूटेगी, इसकी जीभ को जिसने पकड़ रखा था वो हड्डी टूट गई, तो इसकी जीभ पर कोई कंट्रोल नहीं, इसकी जीभ बाहर आके गिर जाएगी, बाहर आके गिर जाएगी। कुत्तों की हड्डियां देखिए, कुत्तों की जीभ देखिए आपने, कुत्तों की जीभ कितनी बाहर लटकी हुई होती है, क्यों लटकी हुई होती है, क्योंकि कुत्तों की जीभ में ये जो हायोड है और ये जो जीभ है उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं बना पाती है हायोड, इसलिए कुत्तों की जीभ बाहर की साइड लटकी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हड्डी होगी, हायोड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गले में कौन सी हड्डी होती है जिसको हम थ्रोट बोन बोलते हैं, हायोड हड्डी। फिर पूछे वो किस आकार की जैसी है, यू के आकार की जैसी है, या हमारी जीभ को पकड़ के रखने वाली हड्डी कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, हायोड बोन होती है। क्या समझ में आ गया? अब बच्चों अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई, तो देखो हमने क्या पढ़ा प्रीवियस स्लाइड्स में, आओ यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया। देखो हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी आती है, 80 बोन्स आती है। अब 80 में हमने कौन सी स्टार्ट करी थी, स्कल, और स्कल में कितनी है, 29। ये मैम ने पढ़ा दिया क्रैनियम, ये मैम ने पढ़ा दिया, ये मैम ने पढ़ा दिया, ये मैम ने पढ़ा दिया। कहने का मतलब 29 वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अरे यस और नो, 29 समझ में आ गया। अब हम चलेंगे किसकी साइड पर, पसलियों की तरफ चलेंगे। अब हम किस पर चलेंगे, ये 24 और 1+25। अब आप लिखोगे रिब्स केस। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो लेट जुड़े हैं, मैंने पहले ही कहा था लेट आओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे रिब्स केस, पसलियों का पिंजरा। जो आपको पसलियों का पिंजरा बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पसलियों का जो पिंजरा है इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चा, कि कितनी होती है रिब्स, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो कितनी, 12 पेयर, 12 जोड़ी पसली हैं, 12 जोड़ी पसली हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को सारी चीजें। अभी हम सारा एक्सेल का 80 का 80 आपको वापस करवाएंगे। मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये तो टाइप करके लिख भी रहे हैं। मैडम कोई आपका बैच है सेपरेट? हाँ बच्चा, कल से साइंस स्पेशल 9 का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपके सारे बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपको समझ में आ रहा है। और मैंने कल कहा था, आप लोगों ने ही बोला है इस क्लास को यहाँ पर रखने के लिए, तो मेरे से पहले तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है। मैं आज के बाद पढ़ाऊंगी नहीं, वरना मैं यूट्यूब पे
सिर्फ मैं एप्लीकेशन वालों को पढ़ाऊंगी, फिर बोलोगे मैम फ्री वालों पे ध्यान नहीं देती हैं, यूट्यूब वालों पे जाना नहीं है, अगर कोई गया तो फिर उसके बाद मैं क्लास नहीं करूँगी। जितने बच्चे यहाँ पर हैं 1777, अरे वाह 1717 है, इसको कम से कम आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, 3.7 के लाइक है, इसको 4000 पहुँचा दो जल्दी से, है ना। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 7 बजा है, अभी तो आप मेरे साथ बहुत जुड़ोगे, है ना, बीच में नहीं जाएंगे ना। ओके, मैंने कसम दी थी ना जाना नहीं है कहीं पर भी, और जितने बच्चे हो उतने बच्चों को जब तक मैं नहीं जाऊंगी आप कभी नहीं जाना है। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम अभी, भाई पढ़ा तो समझ में तो तब आएगा ना जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी। अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, अभी तो आप लोगों का टेस्ट बाकी होगा ना इसका, ठीक है चले आगे। बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम दो, दिल्ली पुलिस दे रहे हो, अगर आप UPSI, BSI, SSC, CGL, State PCS, इनफैक्ट आप नीट का एग्जाम भी क्यों ना दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था ना वैमर कहाँ होती है नाक में, तो वो नीट के एग्जाम का क्वेश्चन था कि वैमर कहाँ होती है। चले आगे आ जाए यहाँ पर, तो जाना नहीं है, और प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी आपके ग्रुप ग्रुप बने हुए हैं उनमें सब में शेयर कर दें। और एप्लीकेशन वाले बच्चों को मैं देख रही हूँ, बायोलॉजी स्पेशल 1, बायोलॉजी स्पेशल 2, प्रियंका मैसेज आया है यहाँ पर, रेहान का मैसेज आया है, कल आप लोगों की क्लास नहीं, क्योंकि आज मैंने 5 घंटे की क्लास ले रही हूँ, इसलिए कल लोग आप लोग भी आराम करना और मेरी क्लास में किसी अदर बैच में लगाऊंगी, ठीक है। बायोलॉजी स्पेशल 1 एंड 2 वालों, चलो अब देखेंगे हम पसलियों का पिंजरा कैसे होता है, ठीक है बच्चों, देखो कैसे होता है। आप अपने चेस्ट वाले पार्ट में जब देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा ये पसलियों का पिंजरा। नहीं अभी नहीं पीऊंगी मैं, चाय नहीं पीती, मैंने कहा ना मैंने चाय छोड़ दी, अभी मैं ग्रीन टी पीऊंगी और बाद में थोड़ी देर के बाद पीऊंगी। चलो देखो, आओ यहाँ पर आओ बच्चों, कैसे होता है ये पसलियों का पिंजरा समझाने के लिए, क्यों ना, ओहो चलो आप तो चाय बना लाए, कोई बात नहीं हम चाय पी लेंगे। ये आपका पसलियों का पिंजरा बच्चा, इसको आप डायग्राम से समझो, फिर हम आपको बनाकर भी समझाएंगे, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया था कि कितने पेयर, नीचे रख दो नीचे यहाँ पर, कितने पेयर पसली होती हैं, इस डायग्राम से ध्यान से समझना एक एक चीज, ठीक है। 12 पेयर रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, कहने का मतलब टोटल कितनी होगी, 24 पसलियाँ होंगी, लेकिन इन पसलियों के साथ एक हड्डी जुड़ी हुई होती है, तो टोटल हमें यहाँ पर 25 पढ़नी है। देखो इस डायग्राम में यहाँ पर देखो, अलग कलर के पेन से दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है बच्चा, ये वाली ऐसे टाई की जैसे, ऐसे ना किसी इंसान को टाई पहना रखी हो ऐसे, देखो इसको टाई शेप बोन कहा जाता है, ये दिख रही है आपको ये हड्डी, ये देखो ऐसे, इसको कहा जाता है चेस्ट बोन, इसको कहा जाता है चेस्ट बोन। ये टाई के आकार की है, ऐसे बना लो, अगर अलग से बनाना है तो ऐसे से कुछ ऐसे से बनेगी आपकी, ऐसे से, ठीक है बच्चों, ऐसे से बनेगी आपकी, इसको बना दो आप। इसको बोलेंगे हम स्टर्नम, इसका नाम होता है स्टर्नम, साफ साफ लिखा हुआ है, धुंधला दिख रहा है, हम आपको यहाँ पर लिख देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आप गले में टाई लगाते हैं उसके जैसी बोन कौन सी होती है, तो मैं इसका नाम यहाँ से लिख दूँ, देखो ये लो, मैं अलग से स्पेलिंग लिख देती हूँ, वो आपको नहीं दिख रहा होगा, स्टर्नम, ये आपकी स्टर्नम है। इस स्टर्नम को कहा जाता है चेस्ट बोन, छाती वाली हड्डी, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, ठीक है, चेस्ट बोन है आपकी, ये आपका स्टर्नम है। अब इस स्टर्नम से क्या लगी हुई होती है, आपकी पसलियां लगी हुई होती हैं। देखो ये पसलियां आगे की साइड स्टर्नम से लगी हुई हैं, लेकिन ऐसे घूम के जाके ऐसे, यहां पर आपका स्टर्नम है तो यहां से तो आपकी ये पसली ऐसे लगी हुई है, पीछे की साइड जाकर आपकी बैकबोन से जुड़ती है। ये देखो बच्चों, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो पीछे की साइड जाकर ऐसे, आगे से तो इससे स्टर्नम से जुड़ रही है, ऐसे पीछे जाकर ऐसे स्टर्नम, पीछे जाकर आपकी बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ रही है। तो कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सुनना यहाँ से, कि जो आपकी रिब्स होती हैं वो डोर्सल साइड्स पर किससे अटैच्ड होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए डोर्सल क्या होता है, डोर्सल का मतलब साइंस में होता है पीछे वाला हिस्सा, तो जो रिब्स है वो डोर्सल साइड पर किससे अटैच्ड होंगी, बैकबोन से, किससे, बैकबोन से, ऐसे घूम के जाके पीछे आपके किससे जुड़ी हुई है, बैकबोन से। और जो फ्रंट वाला पार्ट है, आगे वाला हिस्सा, तो वो किससे अटैच्ड है, स्टर्नम से, ये रहा आपका स्टर्नम। तो पसलियां
दो चीजों से जुड़ी हुई होती है, याद रखना, चेस्ट बोन से आगे की साइड और डोर्सल का मतलब होता है पीछे, पीछे जाकर बैकबोन से जुड़ी हुई होती है बच्चा। अब सुनो मेरा ध्यान से पॉइंट, पसलियां कितनी थी? 24। स्टर्नम कहां पर है? बीचों बीच। किसके आकार की है? टाई की जैसी। क्यों है ये? क्योंकि इससे क्या जुड़ी हुई होती है? पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना, इन पसलियों को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। इन पसलियों को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी? तो ये समझ में आ गया, इसको हटा दूं। चलो अब हम देखेंगे कि इस पसलियों को कैसे हम डिवाइड करते हैं। पहले से लेकर 7 पेयर्स तक इन पसलियों को, जो पहला जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है, तीसरा जोड़ा है, चौथा जोड़ा है, पांचवा जोड़ा है, छठा जोड़ा है और सातवां जोड़ा है, काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां पर लिख दो फर्स्ट और यहां पर तो लिख दो सेवंथ। ये जो फर्स्ट टू लेकर सेवंथ पेयर रिब्स हैं, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, सच्ची पसलियां, ट्रू रिब्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से रिब्स के पेयर को ट्रू रिब्स बोलते हैं, आप बताओगे कौन कौन सा पेयर हो गया। पहले से लेकर फर्स्ट पेयर से लेकर सेवंथ नंबर तक का पेयर है वो क्या कहलाता है? वो ट्रू रिब्स कहलाता है। क्यों कहलाता है? उसका रीजन सुनो, क्योंकि बच्चों ये जो सात जुड़ी पसलियां होती हैं वो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं एंड पीछे की तरफ आपकी वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। मैंने बोला कि पहली सात जोड़ी पसलियों को हम सच्ची पसलियां ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पसलियां आगे की तरफ स्टर्नम से और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए फर्स्ट टू सेवन पेयर क्या हो गया? ट्रू रिब्स हो गया। आप सुनना, सातवीं के बाद आठवां, नौवां, दसवां, ठीक है, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, इनको बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स, इनको बोलते हैं झूठी पसलियां। अब क्यों बोलते हैं झूठी पसलियां? ध्यान से देखना, पीछे की साइड से तो आ रही है, ये बैकबोन से तो आ रही है। देखो ये सातवां, आठवां, नौवां ना, ये देखो आठवां बैकबोन से तो आया, ये नौवां भी बैकबोन से आया, ये दसवां भी बैकबोन से आया, लेकिन ये स्टर्नम से अटैच नहीं है बच्चा, ये आकर सातवीं पसली से ही जुड़ जाते हैं। ये जो सेवंथ पेयर है ना, ये ऐसे आकर ऐसे एक साथ सेवंथ, जहां पर सातवीं पसली जुड़ी हुई होती है ना, वहीं पर आठवीं, नौवीं, दसवीं आकर जुड़ जाते हैं एक साथ, इसलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, झूठी पसलियां। तो याद रखेंगे कि पहले से लेकर सातवें तक तो ट्रू रिब्स, आठवां, नौवां, दसवां पेयर फॉल्स रिब, और अब ये जो ग्यारहवां और बारहवां पेयर है, देखो ये ग्यारहवां ऐसे और ये बारहवां, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग का मतलब होता है जिनके अंदर ऐसे फ्लोट है, घुमाव है, जो बहुत ज्यादा घूमी हुई है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, घुमावदार पसली, घुमावदार पसली। और कौन कौन सी होती हैं? ग्यारहवां एंड बारहवां पेयर, कौन कौन सा? ग्यारहवां एंड बारहवां, ठीक है। ये देखो ये वाली, ये घूमी हुई, एक ये आया घूम के और एक ये आया घूम के, तो ये घुमावदार पसलियां हैं। अब इस चीज को कैसे नोट करोगे? फर्स्ट टू सेवन हो गई मैम ट्रू रिब्स, क्योंकि दोनों साइड से, दोनों से अटैच्ड है। आठवां, नौवां, दसवां, ये कौन सी हो गई? फॉल्स रिब। क्यों हुई? क्योंकि पीछे की साइड से तो आ रही है बैकबोन से, लेकिन आकर स्टर्नम में उसी पार्ट पे जुड़ रही है जहां पर सातवीं पसली जुड़ी हुई है। और ग्यारहवां और बारहवें को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, घुमावदार पसलियां, जो ऐसे घूम के आती हैं, ऐसे फ्लोट होके आती हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बीचों बीच किससे जुड़े हुए होते हैं? ये क्या है आपका? स्टर्नम। ये लो आपकी पसलियां, तो 12 दूनी 24, 24 पसलियां हो गई और एक आपकी स्टर्नम हो गई, तो टोटल कितनी पढ़ ली हमने यहां पर? 25। अब क्या मैं इन 25 को वहां पर ले चलूं? किस में? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। देखो कैसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, सुनना ध्यान से, ये रहा, ये सारी पढ़ ली थी क्रैनियम वाली 29, ये सारी पढ़ ली,
अब मैंने उसके बाद बताया था बच्चा दो नंबर पे पॉइंट ऐड करके, जो स्टार्टिंग से क्लास कर रहा होगा उसे अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, कि ये देखो साफ साफ लिखा था मैम ने कि चेस्ट में रिब्स होती हैं जो 12 पेयर होती हैं, 24 एक साथ में एक बोन बताई, तो ये कौन सी बोन, नाम से लिख दूं ज़्यादा अच्छा होगा, स्टर्नम, स्टर्नम। अब ये रिब्स का केस क्यों होता है, ये रिब्स केस क्यों बना बच्चों, देखो इनके नीचे होते हैं आपका, देखो इसके नीचे समझना, ऊपर नहीं बना रही हूँ, एक यहाँ पर आपका फेफड़ा होता है ऐसे, एक यहाँ पर आपका फेफड़ा होता है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट वाला फेफड़ा है, और इसी लेफ्ट फेफड़े के यहाँ पर बीचों बीच आपका दिल होता है, यहाँ पर आपका हार्ट होता है। तो ये रिब्स का केस आपके लंग्स को, आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, जैसे ब्रेन को कौन दे रहा है, क्रैनियम, वैसे जो पसलियों का पिंजरा बना हुआ है वो किसका प्रोटेक्शन दे रहा है, एक तो आपके लंग्स, फेफड़े, और दूसरा आपका जो दिल है। तो अगर आपने किसी का पसलियों का पिंजरा तोड़ा तो किस पे खतरा मंडरा जाएगा, फेफड़ों पर और उसके दिल पे। तो ये हो गए हमारे फेफड़े और दिल की बातें कर ली हमने। तो देखो ये वाला पार्ट में हमने क्लियर करवा दिया, 29 क्लियर है, 24 + 1 = 25 क्लियर है, कौन सा बचा, 26, मतलब क्या बचा, वर्टिब्रल कॉलम। जैसे ही वर्टिब्रल कॉलम पढ़ोगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट आपका। तो नेक्स्ट लिखो वर्टिब्रल कॉलम, जाना नहीं है अभी, नहीं अभी तो सिर्फ एक्सियल खत्म होगा, फिर हम अपेंडिकुलर पे आएंगे। ऐसे ही मैम कब क्लास बंद करोगी, ऐसे कैसे कर दें गुलजार, गुलजार चन्ने वाला है, गुलजार तुम सच में वही हो क्या, जिसने जो गाने गाता है गुलजार चन्ने वाला, जो हरियाणा का सिंगर है, एक बहुत अच्छा उसने किसानों पे गाना निकाला अभी, बहुत सुंदर सा, चले आगे बैकबोन पे आए। चलो बच्चों अब लिखो, तीन नंबर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक नंबर स्कल, दो नंबर पे रिब्स केस, तीन नंबर पर है वर्टिब्रल कॉलम। और अच्छा सब कुछ मैं बना बना के समझा रही हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या, अभी भी नहीं आ रहा क्या, अभी तो 2 घंटे हो गए, अभी तो 2.5 घंटे और पढ़ेंगे हम, जाना नहीं है, जान कसम तोड़ दोगे तुम, ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, बैकबोन, तू मेरी बैकबोन, कैसे हो सकती है तू मेरी बैकबोन, है गाने बनाने वाले भी कुछ भी बनाते हैं ना आपके, तू मेरी बैकबोन और मैं तेरा, आगे कंप्लीट करना जरा ये गाने को, रीढ़ की हड्डी, तू मेरी रीढ़ की हड्डी है, तो फिर अगर वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनेगी तो वो किससे काम चलाएगी। चलो अब ये देखते हैं रीढ़ की हड्डी कैसे बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम कैसे, इसके अंदर होती है बच्चा 26 बोन। अब कुछ बच्चों को पता नहीं कौन सी किताब से कौन से टीचर ने पढ़ाया होता है कि 33 होती है बच्चे में, वो भी पढ़ा देंगे हम आपको कैसे 33 होती है। अब कैसे, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पे जाने के लिए आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम स्पाइनल कॉर्ड से देखेंगे। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने मुझसे ब्रेन पढ़ रखा है तो आपको चीजें यहां पर अगले 2 मिनट की समझ में आएंगी। देखो अगर हम दिमाग का छोटा सा डायग्राम बनाना चाहें तो दिमाग जो होता है कुछ आपका ऐसा सा, ये आपके दिमाग के आगे वाले पार्ट को बोलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है बस 1 मिनट रुक जाना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो बच्चों ये जो आपका फूल वाला भाग है दिमाग का, इसको कहा जाता है सेरेब्रम, ये आपका सेरेब्रम है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, ये पूरा सेरेब्रम है। आप जो यहाँ वाला पार्ट है बच्चों, ये जो यहाँ पर ब्रेन बनेगा ना, ये बनेगा आपका मिड ब्रेन। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, ये आपका यहाँ से मिड ब्रेन है, ठीक है बच्चों। ये मिड ब्रेन के बाद नीचे की साइड लगा हुआ होता है आपका यहाँ पर पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई, ये दिमाग के भाग है, ठीक है, ये आपका लगा हुआ होता है पॉन्स वेरोलाई, हिंदी में कोई नाम नहीं है इसका इसलिए लिख नहीं पा रहे हम, ठीक है, पॉन्स वेरोलाई।
और अब इस पोन्स वेरोलाई से यहाँ पर निकलता है मेडुला ओबलोंगाटा, मेडुला ओबलोंगाटा, ये आपका एम ओ मेडुला ओबलोंगाटा। अब बच्चों आप मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर के पॉइंट पे मैं बना देती हूँ, ये आपका होता है सेरेबेलम, जिसको आप अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग बोलते हैं, दिखने में छोटा, जिसको आप अनुमस्तिष्क बोलते हैं। देखो अब ये सारा आपका ब्रेन है, ये सारे ब्रेन के पार्ट है, और भाई ब्रेन किसके अंदर सेफ है? क्रैनियम में। तो ये सारे के सारे पार्ट, इन सब को प्रोटेक्शन कौन दे रहा होगा? आपका क्रैनियम दे रहा है। समझ में आ रहा है भाई? क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जो क्रैनियम है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? क्रैनियम हड्डियों का ढांचा है, और ये किसको प्रोटेक्शन देता है? हमारे ब्रेन को। कहने का मतलब ये ब्रेन के सारे पार्ट है, ये सब किसके अंदर कवर्ड है? ये सारे क्रैनियम के अंदर जुड़े हुए। तो ये क्रैनियम है पूरा, इस क्रैनियम में अगर ये वाला पार्ट देखेंगे, सेरेब्रम होगा, यहाँ से मिड ब्रेन होगा, यहाँ पर छोटा सा आपका पोन्स वेरोलाई होगा, फिर यहाँ पर मेडुला ओब्लोंगाटा होगा। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, आप इस मेडुला ओब्लोंगाटा से भी नीचे की साइड ऐसे आपके न्यूरॉन्स निकले हुए होते हैं, ऐसे नीचे की साइड बहुत सारे न्यूरॉन्स जा रहे हैं। अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्यों बनाया ये ब्रेन का डायग्राम, अब आपको क्लियर होगा कि मैम कहना क्या चाह रही हैं। आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाह रही हैं। तो सुनो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ उस बात को, ये आपका ब्रेन वाला पार्ट, इसको प्रोटेक्शन दे रहा है क्रैनियम, और इसी मेडुला ओब्लोंगाटा से नीचे की साइड जब जाते हैं तो आपकी ऐसे नसें जा रही हैं, आपके न्यूरॉन्स जा रहे हैं, और इन्हीं न्यूरॉन्स को एक साथ मिलाकर आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इनको नाम देते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों नर्वस सिस्टम में पड़ते हैं। भाई यहाँ पे न्यूरॉन्स और ब्रेन था, उसको प्रोटेक्शन दे दिया क्रैनियम ने, क्रैनियम हार्ड कवरिंग है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, इनको भी क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, इनको भी सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा कौन देगा? हड्डी। तो इसलिए बच्चों इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे बक्से जैसे, ऐसे बॉक्स जैसे आपकी बहुत सारी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, जो अंदर से खोखली होती हैं ऐसे, और इनको बोलते हैं हम वर्टीब्री, इनको बोलते हैं हम क्या? वर्टीब्री। और ये वर्टीब्री कितनी होंगी? तो आप बनाओगे 26, और इन सारी वर्टीब्री को एक साथ काउंट करोगे तो बनेगा आपका बैकबोन, आपका रीढ़ की हड्डी बनेगा। ये देखो ऐसे, ये आपकी क्या है? वर्टिब्री है, कशेरुकी है, कशेरुकी ऐसे। ऐसे कितनी बनाओगे आप टोटल? टोटल बनाओगे आप 26। अब मैं 26 तो बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों? टाइम लग जाएगा ना। तो ऐसे आप सारियों को कलरफुल बना लेना, मैं बस इनको लेबल कर देती हूं, एक और फिल कर देती हूं, बाकी आप देख लेना। ये है बच्चों वर्टीब्री, ऐसी कितनी होंगी टोटल? 26 होंगी टोटल, वो वाला बोर्ड लेना पड़ेगा हमें। इनको बोलेंगे हम क्या? किस कलर से? ब्लैक कलर के पेन से दिखाते हैं आपको। ये है बच्चा आपकी वर्टीब्री, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कशेरुकी, कशेरुकी। और कितनी है ऐसी? आपको 26 बनानी है। अभी हम इनको बताएंगे, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे आगे 26 को, 26 है। और इस पूरे को एक साथ बोलोगे, पूरी 26 से यहां से लेकर मान लो 26 यहां खत्म हो रही, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देंगे? स्पाइनल कॉर्ड के जो बाहर वर्टीब्री लगी हुई 26, तो इन सारी स्ट्रक्चर को जब एक साथ काउंट करेंगे तो क्या नाम मिलेगा उसको? वर्टीब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी का नाम देंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि बैकबोन में कितनी वर्टिब्री होती हैं? तो आप क्या बताओगे? बैकबोन कितनी वर्टिब्री का बना हुआ है? 26। लेकिन कब? जब आप एडल्ट हैं। लेकिन जब आप बच्चे थे तो यहां पर टोटल हड्डियां थी
33, अभी बताएंगे आपको, 33 थी। तो याद रखिएगा, जब आप बच्चे थे तो आप में बच्चा 33 वर्टिब्री थी, लेकिन अभी आप एडल्ट हैं तो आप में 26 है, वो आपस में जुड़ जाती हैं बाकी की और 26 बचती हैं। अब मेरा पॉइंट क्या समझ में आया आपको, कि ब्रेन को तो क्रैनियम वाली हड्डियां सेव कर लेती हैं, और कितनी होती हैं, 8। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा पीछे वाला ऐसे, जिसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, नर्व है, नर्व सेल्स हैं, उसको सेफ्टी कौन देती है, ये वर्टिब्री, ये कशेरुकी। और ये कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, 26। और इन्हीं 26 को एक साथ जोड़कर हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन का नाम देते हैं। क्या आपको मेरी बात यहाँ पर बैठ रही है? नहीं बैठ रही, चलो आओ हम आपको डायग्राम से बैठाते हैं आपके दिमाग में, शायद आपके दिमाग में बैठ जाए तो कुछ। ये लो, आओ यहाँ पर, ये रही देखो, ये पीछे की साइड से समझना इसको बच्चों, आगे की साइड से नहीं समझ लेना, पीछे की साइड से। ये देखो, ये अंदर जो काले काले रंग का, ग्रे कलर का दिखाया है ना, ये आपका अंदर ये ग्रे कलर वाला, ये है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। और ये जो ऊपर लगी हुई ना सारी, ये सारी क्या है आपकी, ये वर्टिब्री है, कशेरुकी है, ये कशेरुकी। और इन कितनी है ये टोटल, 26। और यहां से लेकर यहां तक के इस पूरे पार्ट को मैं क्या नाम दूंगी, बैकबोन, और हिंदी में क्या बोलूंगी, रीढ़ की हड्डी, या बच्चों कभी कभी हिंदी में लिखा होता है कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। ठीक है, ये लो, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सेफ्टी कौन देता है, बता दोगे? ओके, चला दूसरा आप क्या बता दोगे, स्पाइनल कॉर्ड के चारों, स्पाइनल कॉर्ड पे जो लगी हुई वर्टिब्री होती है वो कितनी होती है, 26। अब हमें इन 26 की भी कैटेगरी देखनी है बच्चा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखो तीन चार कलर से दिखा रखे हैं। ओके बच्चा, पहला कलर क्या है, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इस चीज को हटा देती हूँ, ये समझ में आ गई हो आपके। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ मैं आपको, किस कलर से, ब्लैक कलर के पेन से दिखाती हूँ आपको। देखो ये कौन सा कलर है, ये कलर है आपका ऑरेंज कलर। जो ऑरेंज कलर से पहली एक नंबर से लेकर, एक नंबर लिखो, एक नंबर से लेकर लिखो 7, जब आप इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ये जो आपकी वर्टिब्री लगी हुई है, ये जो आपकी जस्ट गर्दन के नीचे की साइड, इनको बोलते हैं हम, पहली से लेकर 7 नंबर तक की वर्टिब्री को बोलते हैं हम सर्वाइकल, सर्वाइकल कर्व बोलते हैं, या सर्वाइकल स्पाइन बोल दो, एक ही बात है। देखो कैसे, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको ये चीज बताऊं कैसे होता है। ऐसे आपके स्पाइनल कॉर्ड में ना कर्व होते हैं, ऐसे कर्व होगा, एक कर्व, फिर दूसरा ऐसे अंदर की साइड आएगा, 4 कर्व होते हैं, फिर तीसरा ऐसे जाएगा, फिर चौथा आएगा। ठीक है, कैसे कर्व होते हैं देखना, ध्यान से सुनना, पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, चौथा कर्व, ऐसे 4 कर्व में आपका रीढ़ की हड्डी बना हुआ होता है, 4 कर्व है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, जो पहले कर्व में वो आपकी वर्टिब्री होती है, कौन कौन सी, 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक की, तो पहले घुमाव में, पहले कर्व में जो होती हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल स्पाइन का नाम देते हैं, जो जस्ट नीचे गर्दन के साथ होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्दन के जस्ट नीचे वाली आपकी स्पाइन होती है, उनको क्या नाम देते हैं, सर्वाइकल स्पाइन नाम देते हैं। नंबर में कितनी होंगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही बच्चा सर्वाइकल स्पाइन, ये रही आपको सर्वाइकल स्पाइन। अब नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19, 7 minus 19 करोगे कितनी बचेंगी, 12। तो बच्चों अब अलग कलर के पेन से दिखाना पड़ेगा ना मुझे, किस कलर के पेन से दिखाऊं, इससे। देखो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वां 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 8
8 से लेकर जो 19 के बीच में, और कौन से कलर से दिखाई हुई है आपको? ग्रीन कलर से। ये देखो आपकी ग्रीन कलर से, कहां से लेकर कहां तक? 8वें से लेकर 19 तक। टोटल नंबर में कितनी हुई? 8 से 19 तक टोटल नंबर में कितनी होगी? 12। ये जो 12 ग्रीन कलर से दिखाई है ना, इनको बोलते हैं थोरैसिक स्पाइन। इनका नाम लिखो, कहाँ लिखूं? यहां लिखूंगे। इनको बोलते हैं थोरैसिक स्पाइन। थोरैसिक स्पाइन हिंदी में लिख लो वक्षीय कशेरुकी। वक्षीय कशेरुकी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बनेगा बच्चों, देख लो। गर्दन के जस्ट नीचे वाली सर्वाइकल कर्व कहां से कहां तक होती है? 7 होती है। कितनी होती है? ऐसे याद कर लो, 7। फिर पूछे थोरैसिक स्पाइन कितनी होती है? 12। 8वीं से लेकर 19वीं तक पूछे कहां से कहां तक, तो 8वीं से 19 तक हो जाएंगी। टोटल नंबर में कितनी होगी? 12 हो गई। अब आओ, ये कौन सा कलर है भाई? ये आपका येलो कलर मान लो, ठीक है? ये आपका येलो कलर है। इस येलो कलर वाले में को क्या बोलेंगे? कौन कौन सी बच्चा? नंबर में सिर्फ 5 होंगी, 20 नंबर वाली, 21 नंबर वाली, 22 नंबर वाली, 23 नंबर वाली, 24 नंबर वाली। नंबर में कितनी होगी टोटल? नंबर में 5। कितनी है ये? 5। इन 5 को बोलते हैं लमनार। इनको बोलते हैं लमनार सर्वाइकल। इसको यहां पर लिख लो LUMBNAR, लमनार स्पाइन। लमनार स्पाइन, ठीक है? नंबर में कितनी हो गई? 5। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगी आपको, अगला नेक्स्ट चल के, ठीक है? ऊपर की 7, नीचे की 5, देखो कैसे याद करो, हमारे टीचर ने हमें कैसे याद करवाई थी। ऊपर वाली 7, नीचे वाली ये 5। 7 और 5 को जोड़ोगे तो कितना? 12। तो बीच में कितनी आएंगी? 12। 7 कौन सी होगी? थोरेसिक। फिर आपकी 12 कौन सी होगी? 7 कौन सी होगी? सर्वाइकल। बोलते ना मेरा सर्वाइकल में दर्द हो रहा है, मतलब उसके इस हिस्से में दर्द हो रहा है, ये आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री है। उसके बाद 12 क्या होती है आपकी? थोरेसिक स्पाइन होती है। बाकी की 5 क्या होती है? लमनार स्पाइन होती है। आप सुनना, एंड में जाकर काले कलर के पेन से बनाती हूँ, ऐसे लीफ जैसा, ऐसे बड़ा सा एक वर्टिब्री, एक हड्डी और होता है। ये हड्डी है बच्चा, और कुछ नहीं है। ऐसे आपकी लीफ के आकार की, पत्ती के आकार की जैसी, जो आपके लीफ होता है ना, उसके जैसे आकार का रहता है, और इसको बोलते हैं सैक्रम। एक ही है नंबर में, और इसको बोलते हैं सैक्रम। हिंदी में सेम नाम है सैक्रम। सैक्रम नंबर में कितनी? 1। और वैसे कितने नंबर की होगी बच्चा? 24 तक तो काउंट कर ली थी, वैसे कितने नंबर की है ये? 25 नंबर पर। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? रीढ़ की हड्डी के 25वें नंबर पर कौन सी हड्डी होती है? सैक्रम होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब लास्ट में ऐसे जहां से आपकी पूंछ बनी थी, इसको बोलते हैं कॉकेक्स, ठीक है? कॉकेक्स, ये देखो, ये एक है, एक ही है एक, और इसको बोलते हैं COCCYX, कॉकेक्स। और इसी को बोला जाता है टेल बोन, पूंछ की हड्डी। जब आप बंदर थे, तो आपका क्या था बच्चा? पूंछ था, टेल था, और ये पूंछ आगे चलकर इसी हड्डी से ऐसे ऐसे आपका पूंछ बना हुआ था, ठीक है? दिख रहा है ना नीचे तक? हाँ। अब आप बंदर तो है नहीं, तो पूंछ तो है नहीं, लेकिन पूंछ जिस हड्डी से लगी हुई थी वो हड्डी आज भी है। वो हड्डी आज भी है कहां पर? तो बता देना, रीढ़ की हड्डी की आखिरी हड्डी है। रीढ़ की हड्डी की आखिरी जो आपका क्या है, ठीक है? हाँ, जो लुम्बेर के नीचे होता है, बच्चा, वो कौन सी होती है? सैक्रम। सैक्रम के नीचे कॉकेक्स, और कॉकेक्स से ही आपकी पूंछ की हड्डी नीचे लगी हुई थी। तो जब आप बंदर थे तो आप में क्या था? आप में पूंछ था, तो पूंछ इसी हड्डी से बाहर निकला हुआ था। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक बार फिर रिपीट कर लो, ध्यान से मेरे साथ सुन लो कि रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी वर्टिब्री होती है? 26 होती है, 26 होती है। जो 7 हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो 12 हैं उनको बोलेंगे थोरेसिक, ठीक है?
उसके बाद जो पांच आती हैं उनको बोलेंगे लुम्बर, उनको बोलेंगे लुम्बर स्पाइन। उसके बाद जो एक है जो बड़ी सी ऐसे लीफ जैसी, उसको सैक्रम, और जो एंड में होती है वो कोकेक्स होती है, और उसी से क्या निकलता है, आपका पूंछ पहले निकली हुई थी, इसी को टेल बोन बोलते हैं। इस हड्डी का ऐसा कोई काम नहीं है बच्चा, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट करने लग गए हैं अब हम। ये आपका बैक बोन, रीढ़ की हड्डी। कितनी हड्डी है? 26। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जब आप बच्चे थे, इस चीज को नोट कर लो, यहां पर ध्यान से सुनना क्या नोट करोगे, कि जब आप अडल्ट हैं, जब आप अडल्ट हैं तो रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं? 26। अगर आप लिखना चाहो तो सात क्या है बच्चा, तो लिख लो सर्वाइकल, है ना, जो गर्दन के जस्ट नीचे वाली है। 12 क्या है बच्चा? थोरेसिक, ठीक है। उसके बाद पांच क्या आएंगी बच्चा? लुम्बार। उसके बाद एक क्या आएगा? सैक्रम। उसके बाद एक क्या आएगा बच्चों आपका? कॉकेक्स। ये लो, कितनी है टोटल? 26। काउंट करोगे तो कितनी आएंगी? 26। लेकिन जब आप बच्चे थे तो इसी रीढ़ की हड्डी में टोटल बोन्स, टोटल वर्टिब्री थी कितनी? 33। तो ये 33 कैसे आई? देखना बच्चों, ये भी सेम रहेंगी सर्वाइकल एज इट इज थी आप जब बच्चे थे तब। 12 ये भी एज इट इज थी आपकी थोरेसिक। ये पांच भी एज इट इज थी। लेकिन देखो अभी आप में सैक्रम कितना है? 1। लेकिन जब आप बच्चे थे तो ये सैक्रम 5 थी बच्चा। जब आप बच्चे थे तो ये जो सैक्रम थी ना, ये 5 थी, और जब आप बच्चे थे तो ये जो कॉकिक्स है आपका अभी 1 है, और जब बच्चे थे तो 4 था। तो टोटल इनको काउंट करोगे तो कितनी बन जाएंगी? 33। तो ऐसे आप में जब आप बच्चे थे तो आप में इतनी इन दो बोन में डिफरेंस आया है। इसको नोट कर लेना कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सैक्रम कितनी है? 5, और आप में कितनी है? 1। और जो बच्चे थे उसमें कॉकेक्स कितनी थी? 4, और आप में कितनी है? 1। धीरे 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 ऐसे ये जुड़ जाती हैं, ऐसे फ्यूज हो जाती हैं, और जुड़कर ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो जिन बुक्स में ये लिखा हुआ है कि रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकी होती हैं, 33 वर्टिब्री होती हैं, तो इसका मतलब ये है, और 26 का मतलब ये है। पॉइंट क्लियर, समझ में आया इतनी बात मेरी? चलू आगे, जल्दी बता दो, इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी बताओ। अब बच्चों आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। एक्सियल, जल्दी बताओ यस और नो। मेरी तो चाय भी ठंडी होगी, चाय बनाकर लाया बच्चा, हमने पी भी नहीं। हाँ जी, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 4.7 के लाइक है लेकिन मेरे को 5000 चाहिए। जल्दी लाइक करो इसको, मैं चाय पी रही हूँ, इतने में थोड़ा जुकाम सा हो गया, पी लूँ। आ गया समझ में सारी बातें? मैम आप क्या खा के आई हैं? कुछ नहीं खाया, आजकल मैं डाइटिंग पे चल रही, मेरा वजन ज्यादा हो गया इसलिए, ठीक है। यस, किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है, यहां तक कोई भी डाउट है? अब बच्चों अब आओ हमारी प्रीवियस स्लाइड पे। आज मैम क्या खा के आई है? अच्छा बोल, ज्यादा पढ़ा दिया इसलिए बोल रहे हो क्या तुम? है इसलिए टांग खींच रहे हो मैम की तुम? है चलो देखो कहां पर गया, नेक्स्ट स्लाइड में है क्या? ये लो बच्चों, ये आपकी अगली स्लाइड, आ जाओ। क्या कहा था मैम ने कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कितने हड्डियों का बना हुआ है? 80 हड्डियां। अब आप मुझे लिखकर बताओ कि 80 बोन्स कैसे कैसे थी एक्सियल में। अब मैं देखूंगी, जल्दी से लिख के बताओ, मैं 2 मिनट का समय दे रही हूं आपको, कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डी थी तो सही, लेकिन कैसे कैसे थी वो बताओ। पढ़ा दिया है, पूरा एक्सियल करवा दिया है, उसके बाद अपेंडिकुलर पे चलेंगे। बताओ जल्दी 80 बोन्स कैसे थी, जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ प्लीज, एक एक लिख के बताओ। हाँ डाउट, गौरव गुप्ता अपना डाउट पूछिए प्लीज बच्चा, क्या डाउट है आपका?
पीछे मारने से दिल कैसे टूट जाएगा। चलो लिख रहे हैं आप लोग, समझ रही हूँ मैं। यहाँ पर देखो कैसे हुई, जाना नहीं है, कसम लगेगी। जा ये जो 50 स्टूडेंट गए ना, इनको कसम नहीं लग रही किसी की भी, इसलिए चले गए। चलो देखो अब हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? क्रैनियम से। क्रैनियम में कितनी बोन्स थी? जल्दी क्रैनियम से स्टार्ट करें? नहीं, आप सीधा स्कल, पूरे स्कल को ही काउंट कर लो। अब तो इतना क्या बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा अब, है ना। चलो देखो सबसे पहला किसकी? स्कल में। स्कल में टोटल कितनी होगी? 29। कैसे? 8, 14, 6, 1, 29। उसके बाद दो नंबर पर रिब्स प्लस स्टर्नम कितनी होगी टोटल? जल्दी बताओ 25। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी? बैकबोन। और बैकबोन में कितनी होगी? 26। तो जरा काउंट करना, 51 और 9 आपकी 80 बोन्स हो गई। ये लो, ऐसे आपका एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ये वो हड्डियां हैं जो आपके मेन एक्सिस का निर्माण कर रही है, जो पूरी आपकी धड़ का निर्माण कर रही है। ये आपका एक्सियल सिस्टम यहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो कैसे होगी? 29, 25, 26। अब आपको पता होना चाहिए ये 29 कौन सी हैं, ये 25 कौन सी हैं, ये 26 कौन सी हैं, और ये 80 बोन्स कैसे बनी, ये आप जाने और आपका काम जाने। अब मैं नहीं बताऊंगी ये कैसे बनी, मैं तो सिर्फ अब नेक्स्ट चलूंगी किस पर? अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। भूख भूख तो नहीं लगी? हाँ जी, चलो आगे। चलिए अब चलते हैं हम किस पर। चलूं तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? 7:30 ही तो हुआ है, अभी तो 2.5 घंटे पढ़ा है हमने। चलो अब हम चलते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम पर। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। आप सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितनी बोन्स आती हैं? 126। कितनी हड्डियां आती हैं? 126, ठीक है। अब आपको पढ़ना है कि 126 हड्डियां कैसे रहती हैं। अब अपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चा अपेंडिजिस, और अपेंडिजिस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बॉडी से बाहर निकली होती है, जैसे मेरे हाथ पैर, जैसे हाथ भी बाहर निकले हैं और पैर भी बाहर निकले हैं, ये देखो, ठीक है। अब अपेंडिकुलर सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, ध्यान से सुन लेना। पहला आता है लिम्स, और लिम्स में हम किसको काउंट करते हैं? आर्म। आर्म का मतलब ये आपका पूरा, ये आपका पूरा हैंड, पूरा हाथ। और दूसरी साइड हम काउंट करेंगे लेग्स को, पैरों को, ठीक है, लेग्स को। इनको अपर लिम्स बोलते हैं, इसको लोअर लिम्स भी बोल सकते हैं, वो बात अलग है। दूसरा एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर, गिर्डल। और गिर्डल को हम बोलते हैं मेखला। गिर्डल का मतलब होता है मेखला। अभी आपको बताएंगे कि गिर्डल का मतलब क्या होता है, ये कहाँ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी और गिर्डल्स के बारे में पढ़ेंगे। गिर्डल्स का मतलब होता है मेखला, मेखला। ये आपका हो गया यहाँ पर पूरा अपेंडिकुलर सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैसे। देखो एक डायग्राम दिखाएंगे हम आपको इसका, उस डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा, देखो इसमें आओ, यहां पर ध्यान से सुनना, इस चीजों को समझना यहां पर, ठीक है। समझ के ही समझना तो ही समझ में आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये रिप्स हो गई, ये यहां तक आपने सारा पढ़ लिया, ये आपका मेन एक्सिस था, ये सारा पढ़ लिया। अब ये अपेंडिजिस पढ़नी है, जो बाहर निकली हुई प्रोजेक्शन है ये पढ़नी है। देखो अब क्या क्या पढ़ना है, ये आपका हाथ है, ऊपर वाला हाथ आपका, ये अपर लिम्ब, ये वाला भी है यहाँ पर, ये आपके हाथ हो गए, ये आपके पैर हो गए। तो अब आपको हाथ और पैर की हड्डियाँ पढ़नी है। किसकी? हाथ और पैर की हड्डियाँ पढ़नी है। अब
हाथ और पैर की हड्डी पढ़ने के लिए आपको मैंने एक नया टर्म लिखा, गिर्डल। अब इस गिर्डल का मीनिंग पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम मेंखला, मेंखला। अब ये मेंखला क्या होता है वो ध्यान से सुनना। ये मेरा हाथ है, यहां से देखना, ये मेरा हाथ है। ये हाथ यहां आकर जुड़ रहा है, ऐसे आकर आगे स्टर्नम से ही हड्डी के थ्रू यहां पर जुड़ रहा है। तो इस हाथ को मेरे मेन एक्सिस से जोड़ने वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं गिर्डल। गिर्डल का मतलब होता है वो हड्डी जो मेरे मेन एक्सिस से मेरे हाथ को या पैर को जोड़ती है। अगर ये चीज नहीं होती, देखो अगर ये कंधे की हड्डी नहीं होती मेरी, तो ये मेरा हाथ हवा में होता, हाथ होता ही नहीं। तो ये जो हड्डी है इसको गिर्डल बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ को किससे जोड़ रही है? मेन एक्सिस से जोड़ रही है। तो गिर्डल क्या होती है? वो हड्डी जो इस हाथ को यहां से लेकर यहां तक का पूरा हाथ है उसको मेन एक्सिस से जोड़ रही है, उसको मैं गिर्डल बोलूंगी। ठीक है, अगर गिर्डल नहीं होता, ऐसा ऐसा पैर में भी होता है आपका, तो अगर गिर्डल नहीं होता तो हाथ पांव मेरे हवा में होते। ठीक है, अब सुनो, जो गिर्डल है वो दो होते हैं हमारे बॉडी में। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दो गिर्डल होते हैं, एक हो गया हाथों वाला, हैंड्स वाला, हैंड्स वाले को क्या बोलते हैं, दूसरा हो गया लेग्स वाला, पैरों वाला। ठीक है, हाथों वाले गिर्डल का नाम होता है पेक्टोरियल गिर्डल, इसको बोलते हैं हम पेक्टोरियल गिर्डल, पेक्टोरियल गिर्डल। और हिंदी में लिखना अंश, अंशमेखला, अंशमेखला। और जो पैरों वाला होता है उसको बोलते हैं हम पैल्विक गिर्डल, उसको बोलते हैं पैल्विक गिर्डल। और हिंदी में लिखना श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। अंशमेखला और श्रोणी मेखला, क्या बताया मैंने? मैंने बताया बच्चों कि गिर्डल्स क्या होते हैं, वो हड्डियां जो हमारे मेन एक्सिस से हाथ और पैर को जोड़ती हैं। जो हाथों को जोड़ेंगे उसको बोलेंगे हम पेक्टोरियल गिर्डल। पेक्टोरियल गिर्डल कौन से हैं? ये, इसको, इसको आप पेक्टोरियल गिर्डल बोलोगे। पेल्विक गिर्डल, जहां पर आपकी थाई वाली हड्डी आ रही है और मेन एक्सिस से जुड़ रही है। देखो इस डायग्राम में ये रहा, देखो ये आपका पेक्टोरियल है। अगर ये नहीं होता तो क्या आपकी ये पैरों वाली हड्डी जुड़ी हुई होती? नहीं, तो पैर आपके हवा में होते। तो ये रहा आपका, आपका कौन सा गिर्डल? पेल्विक। इसको दिखा दो, पेल्विक, जिससे आपकी पैरों की हड्डियां जुड़ी हुई है। और ये देखो बच्चा कंधे वाली, इससे देखो ये आपकी, आपके कंधे की हड्डी जुड़ी हुई है ये वाली। तो इसको क्या बोलूंगी मैं? पेल्विक की, क्या? पेक्टोरियल, पेक्टोरियल गिर्डल। तो पेक्टोरियल गिर्डल कहां होता है, हाथों में या पैरों में? हाथों में। और पेल्विक कहां होता है? लोअर लिम में, मतलब पैरों के निचले हिस्से में। ये लो बच्चा आपका, ये दिख गया आपका पेक्टोरियल और पेल्विक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कि ये जो पेक्टोरियल गिर्डल है उसमें चार हड्डियां होती है। दोनों हाथों की काउंट करिए, मैंने याद रखना दोनों हाथों की काउंट करिए। कैसे होती है ध्यान से सुनना, एक एक चीज, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो मेरे से पूछ लेना। सबसे पहला ये हड्डी जिसको आप कंधे की हड्डी बोलते हैं, इसको बनाओ आप। अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ ऐसी सी ट्रायंगुलर बनती है, ऐसे त्रिभुजाकार जैसी। ये आपके कंधे की हड्डी है, ऐसे ध्यान से सुनना, ये कंधे की हड्डी है। अब इसको टच करो, एक हड्डी ये रही जिसको आप ब्यूटी बोन बोलते हैं, और यही कंधे की हड्डी से आगे चलकर एक ऐसी हड्डी और आके जुड़ती है। ये रहा आपका हड्डी, ठीक है, ये देखो। तो ये हड्डी स्टर्नम से टच कर रही है हमें, ये हड्डी मेन एक्सिस से टच कर रही है। तो आप सुनना मेरा पॉइंट ध्यान से, कि ये जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं क्लेविकल, इसका नाम होता है क्लेविकल। और इसी को बोलते हैं आप ब्यूटी बोन, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, सुंदरता, सुंदर लगने वाली हड्डी। बोलते हैं ना, जिसकी ब्यूटी बोन बाहर दिखती है वो उतने ही सुंदर होते हैं दिखने में। अब हम लोगों की तो दिखती नहीं है, हम लोगों के ऊपर तो मांस चढ़ा हुआ है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनकी दिखती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेविकल एग्जाम में। या इसका एक नाम और भी होता है बच्चा, इसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन,
जो कॉलर से अटैच होती है, कॉलर है ना, जैसे मेरा कॉलर है ये इसका अटैच हो रहा है, ठीक है। तो आप बताओगे ये आपकी क्लेविकल है, ब्यूटी बोन का नाम क्या हो गया, क्लेविकल, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपकी कंधे की हड्डी, इसको बोलते हैं आपका स्कैप्यूला, इसको बोलते हैं स्कैप्यूला, और आप इसको लिख सकते हो ये शोल्डर बोन है, कंधे की हड्डी है, ठीक है, कंधे की हड्डी। अब मेरा पॉइंट क्या सुनना है आपको, क्लेविकल भी कितनी है, एक, ध्यान से सुनो, स्कैप्यूला भी कितनी है, एक, एक हाथ की बात है भाई, एक स्कैप्यूला, एक स्कैप्यूला, ऐसे ही दूसरी स्कैप्यूला, एक क्लेविकल, दूसरी क्लेविकल, और इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, पेक्टोरियल गिर्डल। और जब दोनों दो 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 दो, ये एक हाथ की बात है, ऐसे ही दूसरे हाथ में होंगी, तो पेक्टोरियल गिर्डल में कितनी हो गई बोन्स, चार, इसीलिए तो मैंने चार लिखी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, पेक्टोरियल गिर्डल की हड्डियों के नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे, पेक्टोरियल गिर्डल में एक तो स्कैपुला हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, क्लेविकल, एक स्कैपुला, एक क्लेविकल। अब आपसे पूछे क्लेविकल कहां होती है, आप बताएंगे कॉलर बोन, स्कैपुला कहां होती है, आप क्या बताएंगे, कंधे की हड्डी होती है। ये दोनों एक हाथ में है, ऐसे ही देखो, दो ऐसे नाम से याद कर लो, दो स्कैपुला, दो क्लेविकल, इन चारों को हम एक साथ लाते हैं तो पेक्टोरियल गिर्डल बोलते हैं, पेक्टोरियल गिर्डल। तो ये समझ में आ गया आपको, पेक्टोरियल गिर्डल। जैसे मैं आपको इस डायग्राम में बताऊं, इधर आओ, इधर आओ जरा, ये रहा आपका कंधे वाली हड्डी, ये रही आपकी कंधे हड्डी, ठीक है, और ये रही आपकी ब्यूटी बोन। तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो हम इसको पेक्टोरियल गिर्डल का नाम देते हैं। अब बात करते हैं हम किस पर, पेल्विक गिर्डल की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। पेल्विक गिर्डल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, आप बताओगे दो, जैसे यहां कितनी थी, चार, यहां कितनी है, दो, तो एक पैर में एक, जैसे एक हाथ में दो थी हड्डियां, यहां पर गिर्डल में, यहां पर एक पैर में एक, तो दोनों में दो। और इस पेल्विक गिर्डल के अंदर जो बोन होती है उसको कहते हैं कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन। देखो कहां पर होगी, ये डायग्राम देखो, यहां पर आओ, ये रही आपकी कॉक्सल बोन, ये रही बच्चा कॉक्सल बोन, एक और दूसरी, एक कॉक्सल, दूसरा कॉक्सल, तो इसी को बोलते हैं हम कॉक्सल बोन। और यही कौन से गिर्डल का निर्माण करती है, पेल्विक। और पेल्विक का मतलब क्या है, देखो कॉक्सल से आगे जुड़कर आपकी थाई वाली जांघ की हड्डी जुड़ी हुई है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बच्चा कि कॉक्सल बोन कहां होती है, आप क्या बताओगे, पेल्विक गिर्डल में होती है। और फिर पूछे स्कैपुला एंड आपका क्लेविकल कहां होता है, आप बताएंगे कौन से गिर्डल में, पेक्टोरियल में। बस यही आपको याद रखना है, नोट कर लेना अपने कॉपी में, दो गिर्डल होते हैं, हाथों वालों को पेक्टोरियल बोलेंगे और पैर वाले को क्या बोलेंगे, पेल्विक। हाथों वालों में चार हड्डी है क्योंकि एक दो तीन चार, पैरों वाले में सिर्फ दो हड्डी और हड्डी का नाम कॉक्सल बोन है। ये इतनी बात समझ में आ गई। टोटल हड्डियां कितनी थी अपेंडिकुलर सिस्टम में, 126। आप 126 में से चार ये माइनस कर दो, दो ये माइनस कर दो, तो 6 माइनस हो गया, कितनी हड्डियां बची हैं, 120। अब 120 कैसे होगी, 60 दोनों हाथों में होंगी और 60 ही दोनों हाथों में होंगी, ये लो 60 बोन्स आपके हाथ में है दोनों में, यहां से लेकर यहां 30, यहां से लेकर यहां 30, ऐसे ही दोनों पैरों में भी 60 है, दोनों हाथों में भी 60, दोनों पैरों में भी 60। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 60 बोन्स कैसे रहती है, ठीक है, कि ये 60 बोन्स कैसी रहती है। इस चीज को यहां से अगर मैं हटा दूं तो ध्यान से सुनो, यहीं से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे डायग्राम, यहीं से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे ये डायग्राम। चलो ये लो बच्चों, ये बन गया आपका क्या, क्लेविकल, ये स्कैपुला। अब इस क्लेविकल और स्कैपुला से यहां से ये देखो, ये हड्डी है आपकी, ये स्कैपुला था, इससे ऐसे नीचे जुड़ी हुई, तो इससे जोड़ दो बच्चों हड्डी को, यहां से जोड़ो ऐसे ऐसे, ये लो, और इसको बना दो, एक ही हड्डी है आपके, इसको हम बोलेंगे क्या,
ह्यूमेरिस अपर आर्म बोन हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी. आपका हाथ है, इस हाथ में ऊपर भुजा है, इसको अपर आर्म बोलेंगे और इस हड्डी का नाम होता है ह्यूमेरिस. ये लो, ये देखो, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग भी है ना, क्योंकि ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपके बॉडी की. चलो नाम दे दे इनको साथ में, नाम लिखते जाएं क्या. चलो इसको क्या नाम दूं, क्लेविकल, हिंदी में सेम नाम है. इसको क्या नाम दूं, स्कैप्यूला. चलो आप इनकी नंबरिंग भी कर दो आगे, नंबर में कितनी, एक. नंबर में कितनी, एक. इसका नाम लिखो जका, इसका नाम लिखेंगे बच्चा ह्यूमेरिस. ह्यूमेरिस, ह्यूमेरिस इजीली नहीं टूटता है. अभी मेरे ह्यूमेरिस में ही दर्द होने लग गया इसका नाम लेते ही. ठीक है, एक. हेलो, तीन हो गई. चले आगे, यहां तक का पार्ट हो गया. अब देखो ये है आपकी एल्बो, ये आपकी कोनी, ये आपका जॉइंट है. ये ह्यूमेरिस नीचे वाली हड्डियों के बीच में है आपका जॉइंट. जॉइंट अभी नहीं पढ़ रहे हम, जॉइंट छोड़ दो यहां पर. ठीक है, अब नीचे की साइड आओ. आपकी ये दो हड्डी, ये लोअर आर्म है आपका, हाथ का निचला भाग है और इसमें दो हड्डियां हैं. अब इन दोनों को बनाओ, अलग ब्लैक पेन है ना. चलो एक पहली हड्डी बनाओ यहां पर, ये लो, और एक दूसरी भी हड्डी बनाओ यहां पर, ये लो. दूसरी को मैंने थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि बताऊंगी अभी इसके पीछे रीजन क्या है छोटा बनाने के पीछे. ये दो हड्डियां हैं, ये मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे समझना इसको. ये जो हड्डी है ऊपर वाली, जो अंगूठे के साथ वाली, ऐसे मेजर करना. ये मेरा अंगूठा है, ऐसे हाथ है. इस अंगूठे से ये वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं रेडिस. ये वाली हो गई मेरी रेडिस, आर ए डी यू एस, रेडियस या रेडिस जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं. अब देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया. इसको बोलेंगे रेडिस. अंगूठे की ये वाली, ये याद रखना, ये अंगूठा है ना, ये ऊपर वाली, ये वाली, इसको टच कर लो ऐसे. और ये जो नीचे वाली है, इसको बोलते हैं अल्ना. अल्ना, अल्ना. नाम, नंबर में कितनी, एक. नंबर में कितनी, एक. अब ये हो गया पार्ट, ह्यूमेरिस, रेडिस, अल्ना. अब आओ अपनी कलाई, ये आपकी कलाई वाला पार्ट. और इस कलाई में छोटी छोटी बच्चा आठ हड्डियां होती हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच. ये जो आपकी अल्ना है ना, ऊपर की साइड तो ह्यूमेरिस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन नीचे की साइड ये रिस्ट बोन से नहीं जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस बना दिया. यहाँ पर जॉइंट होता है बच्चा, ठीक है. इसीलिए आपका देखो हाथ ऐसे मूव हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है. पांच, और ऐसे ही आप ऐसे बना देना, छ, सात, आठ. और इनको बोलते हैं हम कार्पल बोन्स. इनका नाम दो कार्पल्स, कार्पल्स. और इनको बोलते हैं हम रिस्ट बोन, कलाई की हड्डियां, जहां पर आप घड़ी या मोली जो भी बांधते हो आप, है ना, कलाई की हड्डियां. ये आपकी कलाई की हड्डी है. कितनी है नंबर में बच्चों, क्या लिखोगे, कितनी है नंबर में, आठ. पांच, तीन, ठीक है. ये हो गई आपकी कौन सी, कार्पल. ये कंप्लीट है ये आपका. फिर यहां पर जॉइंट्स आ जाएंगे. अब आओ आपकी हथेली, यहां तक हो गई. अब आपकी पाल्म बोन्स, हथेली वाली हड्डियां बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये लो बच्चों. अब आपकी हथेली में ऐसे पांच हड्डी बनानी पड़ेंगी आपको, थ्री, फोर, फाइव. ये आपकी पांच हड्डियां, और इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल. इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, या हम बोलेंगे इसको पाल्म बोन्स. हिंदी में बोलेंगे हथेली की हड्डियां, जो हथेली का निर्माण करती हैं हमारी. हो गया खत्म मामला. अब चलते हैं हम हथेली के बाद कहां जाएंगे, कौन सा कलर लो, सारे कलर तो ले लिए. हथेली होगी, अब क्या आई, उंगलियां, उंगली वाली हड्डी. तो बच्चों इधर अंगूठा बनाऊं, तो ये अंगूठा, अंगूठे में दो हड्डी होंगी, ये आपकी उंगलियां. पांच ऐसे अंगूठे, तो चार उंगलियां. उंगलियों में तीन तीन हड्डी होती हैं,
अंगूठे में दो होती हैं, तो देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 अंगूठे की दो, तो टोटल यहाँ पर 14 हो गई। और उंगली की जो हड्डियाँ होती हैं उनको हम नाम देते हैं फेलेंजस। क्या नाम देंगे? फेलेंजस, या हम इनको बोलते हैं डिजिट्स, डिजिट्स। ठीक है, टोटल नंबर में कितनी हो गई? हाँ जी, नंबर में कितनी लिखूं? जरा काउंट करना, अंगूठे में दो, उंगलियों में तीन तीन, तो कितनी हो गई? 14। ये लो बच्चों, ये आपके हाथ की हड्डियां। अब मैं अच्छे से समझा दूंगी, अगर नहीं समझ में आई किसी को तो। कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पता नहीं, पता नहीं तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। और अभी हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे आएंगे बच्चा, जो रविंद्र, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे आएंगे। बस तुम लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी कर दो, ठीक है। और 90% नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अभी तो 8 बजा है, पर मैं तो चैप्टर फिनिश करूंगी आज। फिर आप लोग बोल दोगे कि मैम आपने कहा था मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगी और आपने करवाया नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को। लाइक का मतलब है आपको समझ में। रिपीट मैं करूंगी अभी, स्वीटी, अभी स्वीट, क्या स्वीट, क्या जो भी आपका नाम था, मुझे इतनी दूर का दिखता नहीं है, कमेंट का साइज थोड़ा छोटा है। अभी करूंगी मैं, रिपीट करूंगी। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करो और जरा शेयर भी करो हर जगह। तुम लोग आते हो और ये बस पढ़ के चले जाते हो, कम से कम शेयर तो कर दो, ताकि हम मुझे ये लगे, लाइक करोगे तो ये लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसी नहीं सब मैं 5-5 घंटे की मैराथन क्लास तुम लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। सच बताऊँ तो आज बहुत वीकनेस भी थी, एकदम तबीयत भी खराब थी, फिर भी मैं आई आप लोगों के लिए, क्योंकि कमिटमेंट कर रखा था मैंने। बायोलॉजी स्पेशल 1-2 वालों, पल्ले पड़ रहा है? एंजाइम पढ़ा दूंगी यार, थोड़ा सा बचा है 10 मिनट का, वो एंजाइम आधा पढ़ा चुके हैं, आधा पढ़ा दूंगी तुम लोगों को। तुम्हारी गरारी वही अटकी पड़ी है एंजाइम्स पे ही, आज आज पढ़ लो बायोलॉजी स्पेशल 1 एंड 2 वालों, कल आपकी छुट्टी कर दूंगी, ठीक है, फिर परसों वापस मिलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, जिनको गुड नाइट बोलना है वो गुड नाइट करके जा सकता है। नहीं, हाँ मैम समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, इससे धीरे मैंने आज तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया है, ना एप्लीकेशन पर ना यूट्यूब पे। मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। रिवीजन भी करवाऊंगी, डोंट वरी, अभी करवाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में, महासंगम बैच में मेरी कल क्लास लगी है बच्चा, कल मेरी महासंगम में 6:30 से 8 क्लास लगी है, आप लोगों से मिलूंगी मैं, ठीक है। बैच साइंस स्पेशल 9 बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से, अभी बताऊंगी। और आज जितने भी सारे बैचेस हैं हमारे, उन सब पर कल दोपहर के 12 बजे तक, अगर आप कोई भी आप प्रोमो कोड लगाते हैं India30, 15 अगस्त के उपलक्ष में आपको एक प्रोमो कोड मिला था India30, अगर ये यूज़ करते हो तो सारे के सारे बैचेस पे डिस्काउंट मिलेगा आपको 30%। कल दोपहर के 12 बजे तक सिर्फ ये वैलिड है, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। हाँ, India30, देखो आपके कमेंट में आ रहा होगा, कोई भी बैच लो आप, साइंस का ले लो, जीएस का ले लो, महासंगम बैच ले लो, सब पे ले लो आप। India30 यूज़ करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट के साथ, जैसे कोई बैच आपको 600 का है तो उस पर 30% डिस्काउंट करके ऑलरेडी आपको वही पेमेंट पे करना है, ठीक है। India30 प्रोमो कोड को याद रखना। अब आ जाओ यहाँ पर, अब मैम बताएंगी आपको किसके बारे में, वापस रिपीट करेंगी सारा। देखो बच्चों, ये क्लेविकल और स्कैप्यूला, ये किस में आ गए? गिर्डल में। ये क्या है? गिर्डल। कौन सा गिर्डल जल्दी बताओ, कौन सा गिर्डल लिखूं इसको? इसको मैम पेक्टोरियल गिर्डल लिख दो आप, अंश मेखला चला गया ऊपर, ठीक है। कौन सी, नाम से याद करना बच्चों प्लीज, है ना, स्कैपुला, क्लेविकल। अब ये क्या है? ह्यूमेरिस, एक ही है ह्यूमेरिस। इससे नीचे दो हड्डी है लोअर आर्म में, ये अपर आर्म हो गया, हाथ की ऊपरी भुजा, ये हाथ की निचली भुजा। तो ये जो अंगूठा है ऐसे अंगूठा, इसको बोलेंगे रेडिस, इसको बोलेंगे अल्ना, ठीक है। ये लोअर आर्म में रेडिस हो गई, ये अल्ना हो गई। अब आओ कलाई वाला पार्ट, ये कलाई इतनी मूव हो रही है मेरी, ऐसे पूरी घुमा सकती मैं, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये आपकी कलाई वाली, कलाई में कलाई वाली हड्डियों को क्या बोलेंगे? कार्पल या रिस्ट बोन। कितनी है कलाई की हड्डियां? 8 हड्डी हैं, ये लो। उसके बाद हथेली वाली, हथेली में 5 होती हैं, जिनको मेटाकार्पल या पाल्म बोन्स होते हैं, इसके आगे नंबर लिख लो 5। फिर उंगलियां, एक उंगली में 3, 3, 3, 3, अंगूठे में 2, ठीक है।
तो कितनी होगी? अंगुली वाली हड्डियों को क्या बोलेंगे? उंगली वाली हड्डियों को हम क्या बोलेंगे? डिजिट्स या फेलेंजेस। हिंदी में लिख सकते हो उंगली की हड्डियां। कितनी होगी? 14। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, हमारे हाथ में कितनी हड्डी है यहां से लेकर यहां तक काउंट कर लो बच्चों, कितनी होगी? 14 5 8 1 1 1। टोटल काउंट करोगे तो कितनी होंगी? 30। और दो ये जोड़ दो, स्कैपुला क्लेविकल। तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में 32 भी हो सकता है। क्यों हुआ? क्योंकि आपने दो ये जोड़ा, तो या तो मिलेगा, देखो अगर 30 ऑप्शन है तो यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है, 32 है तो बच्चों उसने ये दोनों भी काउंट कर ली है। तो जब एक हाथ में 30 हड्डी है, है ना, 30 का मतलब क्या हो गया, हड्डी हड्डी काउंट करेंगे तो 30 हो गए, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 60। दोनों में 60 हो जाएंगे। गिर्डल छोड़ दो, गिर्डल अलग से काउंट कर लें, या अगर काउंट करने हैं तो दोनों के 4 गिर्डल काउंट कर लो, तो कितने हो गई टोटल दोनों हाथों में मिलाकर? 64। अब अगर फिर भी समझ में नहीं आया है, आ जाओ ये लो डायग्राम, सारा बनाकर समझा देती। ये क्या है बच्चों, जल्दी से नाम बोलना, आप तो आपको नाम याद होना चाहिए, क्लेविकल। ये क्या है? स्कैपुला। ये क्या है? ह्यूमरस। ये क्या है अंगूठे की साइड वाली? रेडिस। अंगूठा इधर ही है क्या इसका, देख लेना आप। ये क्या है? अल्ना। ये क्या है? कार्पल बोन्स। ये क्या है? ये वाली मेटाकार्पल्स। और ये लास्ट वाली उंगली वाली क्या होंगी? फेलेंजेस। सारी काउंट करेंगे तो या तो 30 यहां से लेकर यहां 30, लेकिन ये दो काउंट कर ली तो 32। तो जब एक हाथ में 32 है तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? 64। तो दोनों हाथों में कितनी है? 64। एक क्वेश्चन आता है कि हाथ के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा है? हमारी फिंगर्स में। कितनी? 14। तो हाथ के सब अपना जो अपर आर्म या अपर लिम है उसमें सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ होती हैं, तो आप बताएंगे हमारे उंगलियों में, ठीक है, डिजिट्स होती हैं। ये हाथ की बात होगी। अब कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हाथ में है वैसे वैसे पैर में होती हैं। कैसे होती हैं? देखो बच्चों कैसे होती हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो आप इस डायग्राम से समझो, फिर मैं बनाऊंगी तो बहुत ईजी बनेगा। ये कौन सा गिर्डल था यहां पर? देखो पैर में कौन सा गिर्डल था, जल्दी से बताओ। इसको क्या बना दूं मैं? पैल्विक, पैल्विक गिर्डल। और पैल्विक में ये एक पैर की बात करते हैं, ठीक है, दोनों पैरों की नहीं बात करते। ये क्या है आपका? ये है कॉक्सल बोन। कौन सी बोन? कॉक्सल। अब आ जाओ यहां पर, जैसे हाथ में यहां पर ये गिर्डल थे वैसे पैर में कॉक्सल है। हाथ में क्या था? ह्यूमेरिस। अब भाई पैर के अंदर ह्यूमेरिस तो नहीं आएगा ना, पैर में आ गई आपकी जांग की हड्डी जिसको आप थाई बोन बोलते हैं। ये क्या है आपका? थाई बोन, जांग की हड्डी। नाम क्या होता है? फीमर, FEMUR, सबसे लंबी हड्डी। इससे लंबी हड्डी मैंने अभी तक नहीं बनाई, फीमर हो गया। आप फीमर से नीचे चलो, देखो बच्चों ये आपका ह्यूमेरिस था, ऐसे पैर में क्या हो गया? फीमर। अब लोअर आर्म में दो हड्डियां थी, ऐसे ही पैर के अंदर भी दो हड्डियां होती हैं। देखो एक ये रही एक ये रही, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं समझती हूं तुम लोगों को। आ यहां पर आओ, देखो ये मैंने बना दिया आपका कॉक्सल, एक पैर का, ये दूसरे पैर का कॉक्सल। अब इस कॉक्सल से आप निकाल दो यहां पर क्या आपकी फीमर, ऐसे आपकी फीमर, ये आपका फीमर, ठीक है। जब हम पैर की बात करेंगे तो ये क्या हो गई हमारी? थाई बोन, जांग की हड्डी। और नाम क्या हो गया? फीमर, FEMUR, हो गया फीमर। अब बच्चों हाथ में ह्यूमेरिस था, पैर में क्या हो गया? फीमर। अब इस पैर से आपका यहां पर ये जो पार्ट है ये हो गया आपका घुटने वाला पार्ट, नी कैप। अभी बना देंगे हम, आपको पढ़ाएंगे, इसमें भी एक हड्डी होती है, इसको छोड़ो, इससे नीचे चलो। अब लोअर लेग में आपकी अगेन, जैसे हाथ में दो हड्डी थी वैसे ही एक तो बहुत थोड़ी मोटी सी होती है, दूसरी एकदम पतली सी होती है,
थिनेस्ट बोन होती है आपकी, ये दूसरी है, दूसरी बहुत पतली होती है। देखो इस डायग्राम में भी देखोगे ना, पतली दिखा रखी होगी पक्का, ये देखो पतली दिखा रखा ग्रीन कलर से, कितना पतला है। ये आपके शरीर की थिनेस्ट बोन है, सबसे पतली हड्डी है। लोअर लेग में दो है, ये जो आपकी है ना, इसको बोलते हैं टीबिया। टीबिया को कैसे, घुटने के नीचे वाला पैर, अब मैं दिखा नहीं सकती पैर ऊपर करके, पैर को टच करो, ऐसा टच करो जल्दी से, हाथ से पेन कॉपी छोड़कर, आपको कैसा फील होगा, ऐसा लगेगा हड्डी फील होगी आपको, हड्डी लगेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं टीबिया, लोअर लेग में होती है, पैर के निचले हिस्से में एक। और ये जो पतली सी हड्डी है ना, इसको बोलते हैं फीबुला, फीबुला, ठीक है, फीबुला। हो गया। अब बच्चों हाथ में क्या थी, कलाई वाला पार्ट था, ऐसे पैर में क्या होगा, एंकल वाला पार्ट, टखने वाला पार्ट। अब बच्चों एक चीज पहले सुन लो ध्यान से, कान खोलकर, ये जो बीच में आपका घुटना बनाया है ना, इसको हम बोलते हैं नी कैप, और इसके अंदर एक हड्डी है, ये हड्डी है घुटने वाली जो मूव भी कर सकती है, इसको बोलते हैं नी कैप, घुटने की हड्डी। और इसका जो नाम होता है ना, घुटने की हड्डी, और इसका नाम होता है पटेला, थोड़ा अजीब सा नाम है पटेला। कितनी होती है, एक पैर में एक, ये भी एक, फीमर भी एक, टीबिया भी एक, फिबुला भी एक। अब आ जाओ, हाथ में था कलाई वाला पार्ट, पैर में होगा एंकल वाला पार्ट। अब बताओ हाथ की कलाई में कितनी हड्डी थी, आठ, लेकिन यहां पर सात होती है बच्चा, चार ऊपर बना दो एंकल में, तीन नीचे बना दो, ऐसे सात क्यों होती हैं, क्योंकि एक घुटने में चली गई आपका नी कैप वाली। तो यहां पर जो एंकल में होती हैं, टखने में होती हैं, उनको हम बोलते हैं टार्सल, उनको बोलते हैं हम टार्सल, हिंदी में लिख सकते हो आपका टखने वाली हड्डियां, टखने वाली हड्डियां। कितनी है नंबर में टार्सल बोन्स, कितनी है, सात। अब यहां पर हाथ की हथेली बन रही थी, वहां पैर की हथेली बोलेंगे या पैर थली बोलेंगे, पैर थली बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लो, ये अगेन पांच ही होंगी बच्चा, वो क्या थी, मेटाकार्पल, ये होंगी मेटाटार्सल, ये होंगी मेटाटार्सल, और हिंदी में लिखोगे पैर थली की हड्डी या पैर की जो थली है उसकी हड्डी। कितनी है, पांच। फिर क्या बनेंगी, पैर की उंगलियां, तो जैसे जैसे उंगली वहां बनाई थी वैसे वैसे यहां बना दो, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, पांचवा अंगूठा, ठीक है। तो उंगली में कितनी कितनी, तीन तीन, तीन तीन, तीन तीन, और अंगूठे में कितनी, दो। अगेन इनका नाम क्या होगा, डिजिट्स, डिजिट्स बोन्स, ठीक है। कितनी होगी, 14। कुछ नहीं करना है, यहां पर था ये दो, तो यहां पर एक पैर में एक ही है, इसको हटा दो, इसको क्या बोलूंगी मैं, कॉक्सल। कॉक्सल क्या है, एक गिरडल जो मेन एक्सेस से जोड़ रहा है। अब सुनो बच्चों कैसे याद करोगे, कॉक्सल क्या हो गया, जो मेन इस पैर को देखो आपके मेन एक्सेस से जोड़ रहा है, एक। अब हाथ में क्या था, ह्यूमरिस, पैर में क्या है, थाई, जांग वाला पार्ट, जांग वाली हड्डी कितनी है, एक। नाम क्या है, फीमर। अब जांग की हड्डी के जस्ट नीचे क्या है आपका, घुटना, घुटने में एक हड्डी है जिसको नी कैप या आप पटेला बोलते हैं, कितनी, एक। आप घुटने के जस्ट नीचे वाला पार्ट पैर, जिसको लोअर लेग बोलेंगे, एक टीबिया, एक फिबुला। उसके बाद टखने वाला पार्ट, जैसे हाथ की कलाई वैसे पैर की क्या बोलेंगे, कलाई बोलेंगे क्या, ठीक है। तो कितनी होगी, टार्सल, वहां पर आठ थी लेकिन यहां पर सात होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि एक घुटने में चली गई है। उसके बाद मेटाटार्सल, ये नाम याद रखने हैं आपको, मेटाटार्सल का मतलब जहां पर पैर की थली बनती है और उंगलियां वापस। तो अगर कॉक्सल को काउंट करूंगी तो 31 होंगी, अगर कॉक्सल को काउंट नहीं करूंगी तो 30 हैं। तो आप काउंट ही कर लो, तो एक पैर में जब 31 हैं तो दोनों में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 62। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 62। ये रही बच्चों, ये लो, कुछ नहीं है, कॉक्सल, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, अपने आप नामकरण कर लेना इनका। हो गया,
अब सुनो बच्चों, यहाँ पर आओ। मैंने क्या कहा कि एक हाथ में 64 हैं, अलग से लिखो। देखना, सबसे पहला हम कौन सा स्केलेटल सिस्टम पे आ गए थे? अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम, जिसका मतलब क्या था, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना था, जल्दी बोलो। लिम्स पढ़ने थे, और लिम्स में कौन कौन से, हाथ वाले भी और पैर वाले भी, और दूसरी साइड हमें क्या पढ़ना था, गिर्डल। अब ध्यान से सुना है, उनको ही समझ में आएगा। मेंखला, मेंखला क्या थी, दो बच्चों। ऊपर वाली को क्या बोला था, पेक्टोरियल, पेक्टोरियल हिंदी में क्या बोलेंगे, अंश मेंखला। नीचे वाली को क्या बोलेंगे, पैल्विक, हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रोणी मेंखला। अब मुझे जल्दी बताओ कि पेक्टोरियल गिर्डल में कितनी हड्डियां आती हैं? टोटल चार, चार में दो क्या होंगी, स्कैपुला दोनों हाथों की, और दो क्या हो जाएंगी बच्चा, ब्यूटी बोन, जिसको क्लेविकल बोलेंगे। तो दो दो चार, यहां पर क्या आएंगी, कॉक्सल्स, कॉक्सल बोन, ठीक है, कितनी, दो। तो दो दो दो, छह माइनस कर दो, कितनी थी टोटल अपेंडिकुलर में, 126। ये छह हटा दो गिर्डल, टोटल गिर्डल कितने हो गए बच्चा, छह, कितनी बची, 120। तो 120 में से 60 किस में है, हाथ में, और 60 किस में है, पैर में। तो इन दोनों के जोड़ोगे तो 120, छह क्या जोड़ दो, गिर्डल, टोटल कितनी हो गई, 126। पल्ले पड़ा कुछ, टोटल कितनी हो गई, 26। तो अपेंडिकुलर में कितनी होगी, 126। अब मुझे बताओ कि जब अपेंडिकुलर में 126 है, और एक्सियल में कितनी थी, बताओ, इतनी तो उम्मीद कर रही मैं, एक्सियल में कितनी थी, 80 बोन्स। जब दोनों को प्लस करेंगे कितनी आएंगी, 206। तो बताओ हम लोगों में कितनी हड्डियां हैं, 206, 206 हड्डियां हैं, ऐसे रहती हैं आपकी 206 बोन्स, ऐसे रहती हैं आपकी 206 हड्डियां। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो यहां तक? हाँ, अभी वन लाइनर क्वेश्चंस नोट करवाएंगे, अभी करवाए नहीं है वन लाइनर, अभी तो बहुत करवाएंगे वन लाइनर, सब पढ़ाऊंगी मैं। इतना बताओ, इतना पल्ले पड़ा है, हो गया? अगर मैं रैंडमली कभी आपसे पूछ लिया मैंने कि वैमर कहां होती है, क्या बताओगे, नाक के अंदर। मैंने पूछ लिया आपसे जाइगोमेटिक बोन्स कहां होती है, ये मैंडिबल कहां होता है, ये मैक्सिला कहां होता है, ये मैंने पूछ लिया स्टर्नम कहां होता है, यहां मैंने पूछ लिया रेडिस कहां होता है, ये अल्ना कहां है, ये फिर मैंने पूछ लिया कि मेटाटार्सल्स मेटाकार्पल्स कौन सी होती हैं, ये कार्पल कौन सी होती हैं, ये फेलेंजेस कौन सी होती हैं, ये स्कैपुला कौन सा होता है, ये क्लेविकल कौन सा होता है, ये ऐसे आप सारे नाम याद कर सकते हो, ऐसे आप सारे नाम याद कर सकते हो बच्चों। ये क्या है, फ्रंटल, ये क्या है, पेरिएटल, ये क्या है, टेम्पोरल, ये क्या है, ऑसिपिटल, और बीच में स्टेफेनॉइड, उसके नीचे की साइड परपेंडिकुलर निकली हुई कौन सी हड्डी होती है, इथमोइड। क्या आपको समझ में आया, 2206 बोन्स कैसे रहती हैं, ऐसे रहती हैं। एक छोटा सा आप लोगों का बोलूं, टेस्ट लूं, कुछ समझ में आया, वो वाला डायग्राम है क्या अपने पास, लेकर आई हूं क्या वो वाला डायग्राम में, जिसमें सारी की सारी हड्डियां दिखा रखी हैं। अरे वही आपके विनोद, ये रहे विनोद जी, ये लो। अब इसमें आप कुछ भी आपसे याद हो सकता है। देखो, दिखाऊं थोड़ा सा डेमो दिखाऊं, देखे हम क्या, आपने क्या पढ़ा, तुम लोगों को कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ, देखूं। चलो देखना बच्चा, ये क्या है, क्रैनियम, कितनी बोन्स है क्रैनियम में, 8। उसके बाद ये क्या है, फेस, फेस पे कितनी बोन्स थी, 14। उसके बाद गले में यहाँ समवेयर, यहीं पर बना लो, 1 हायोड। उसके बाद दोनों कानों में मिलाकर, कान में दोनों में कितनी, 6। मेरे साथ तुम लोग भी देखते जाओ, ठीक है। ये क्या है बीच में बच्चा, ये स्टर्नम, 1। उसके बाद ये क्या है, रिब्स, ये रिब्स का पिंजरा, कितनी है टोटल,
24. पीछे की साइड क्या आ रहा है आपका? ये बैकबोन. ये क्या है? रीढ़ की हड्डी. कितनी होती है? 26. इसको क्या बोलेंगे? कॉक्सल. ये क्या है? गिर्डल. कौन सा? पेल्विक. इसको क्या बोलूंगी? फीमर. इसको क्या बोलूंगी? पटेला. इस बार तो मुझसे पक्का पटेला है ना, वही वाला. ये क्या है? फीबुला. ये क्या है? टीबिया. टीबिया, ठीक है. ये क्या है यहाँ पर? ये कौन सा पार्ट है? टार्सल वाला पार्ट. आप भी ऐसे लेबल कर लेना है ना. ये कौन सा है? मेटाटार्सल. ये पैर की उंगलियों की क्या है? डिजिट्स. डिजिट्स या फेलेंजेस. हाथ पे आओ. ये क्या है बच्चा? स्कैप्यूला. ये क्या है? क्लेविकल. ये क्या है? ह्यूमरस. ये क्या है यहाँ पर? ये जॉइंट है. जॉइंट को छोड़ दो, ये अभी पढ़ाया नहीं ना मैंने आपको. जॉइंट, जॉइंट भी पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है. ये क्या है? अंगूठे की इधर वाली रेडिस. ये कौन सी हो जाएगी? अल्ना. ये क्या है? कार्पल. कितनी? 8. ये क्या है? मेटा कार्पल. हथेली वाले. कितनी? 5. ये हाथों की कितनी? 14. ये लो. ये नाक के अंदर कौन सी थी? नेजल कैविटी के अंदर वाली कौन सी थी? क्या बोल रहे थे उनको, जल्दी बताओ. अंदर वाली कौन सी थी? नाक के अंदर कौन सी हड्डियां बताई थी? हाँ, लिगामेंट, टेंडल, सब बताएंगे भी, रुक जाओ. अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगी. आप मेरे 5 के 5 आंसर दे दोगे, मैं समझ जाऊंगी कि आपको इतनी क्लास समझ में आ चुकी है. आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. स्टार्ट करूं? हाँ जी, स्टार्ट करूं? 5 क्वेश्चन स्टार्ट करूं? मैम आपकी तरह कैसे याद करें? एक बार घर पे डायग्राम बना लेना इसका, मेरी तरह आपको सारी याद हो जाएंगी, ठीक है. पूछूं क्वेश्चन, इसको हटा दूं विनोद को, वरना तो तुम लोग देख के बता दोगे. चलो, जिसने 5 के 5 क्वेश्चन सही बता दिए, समझ जाना उसको आज की क्लास समझ में आ गई है. उसको आज की क्लास समझ में आ गई है, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना क्वेश्चन मेरा, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, बिगेस्ट फेसियल बोन, आपके फेस पर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी बताई थी मैंने? अब मैं भी तो देखूं, पिछले 3 घंटे से लगी पड़ी मैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के. जल्दी आंसर देना. बिगेस्ट फेसियल बोन, हमारे फेस पर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? हाँ जी, जल्दी आंसर दो. हमारे फेस पर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जल्दी बताओ, आंसर दो, जल्दी बताओ. ओके, चलो आना स्टार्ट हो गया. फीमर. अब बस यहीं पे तुम लोग ना गलत कर देते हो. सारा पढ़ाया और तुम लोगों ने बराबर कर दिया. कह रहा फीमर. फीमर होती है बच्चा लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन. मैंने क्या बोला है कि बिगेस्ट बोन ऑफ फेस, आपके चेहरे पे बड़ी हड्डी कौन सी? ऐसे करके ऐसे सारे याद करवाए थे. तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम इतनी देर से 3 घंटे से लगी हो और लिख रहे हो फीमर, है ना. किसने लिखा ये? चलो आप देखो, यहाँ पर कौन सी थी फेस पर ये सबसे बड़ी बेवकूफों, और ये कौन सी थी? ये मैंडिबल थी, ठीक है. तो सबसे बड़ी फेस पे हड्डी कौन सी होगी? मैंडिबल. अब जिसने सही आंसर दिया वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते. बाकी तो हाय एंजल प्रिया, हाय सोनिया, तुम कहाँ की रहने वाली हो, मैं यूपी से हूँ, तुम कहाँ से हो, वही कर रहे थे, है ना. चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना ध्यान से. वो कौन सी हड्डी है जो यू शेप की है? यू आकार की हड्डी कौन सी बताई थी मैम ने? जल्दी आंसर करो, यू आकार की हड्डी कौन सी थी? हाँ, कर रहे थे ना एंजल प्रिया, हेलो हेलो मधु, आपस में बात कर रहे थे ना, इसलिए तुम यहाँ पर फीमर लिख रहे हो. जल्दी बताओ, यू आकार की हड्डी कौन सी थी? आप देखो, एक लिख रहा है कॉक्सल. तुम भी बेटा एंजल प्रिया को हाय कर रहे थे, है ना. बताओ यू शेप में कौन सी थी? गले की हड्डी नहीं लिखो, नाम लिखो. फिर आज मेरे नाम क्यों याद करवाए तुम लोगों को? गले की हड्डी से बोलना था तो. कौन सी हड्डी है यू आकार की? हायोट. कहाँ होता है हायोट? गले में. अगर मैंने आपकी हायोट हड्डी तोड़ दी ना,
तो आपकी जो टंग है ना वो तो बाहर आ जाएगी, या खाना खाओगे तो साथ में खा जाओगे, ठीक है? चलो ओके, मैंडिबल आंसर आ रहा है, मतलब बहुत पुराना आपके पास क्वेश्चन लेट पहुंचा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि आप में हमारे बॉडी में जो थोरेसिक स्पाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं, थोरेसिक स्पाइंस का नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। थोरेक्स जो आपकी थोरेसिक स्पाइंस होती हैं उनका नंबर कितना होता है, कितनी होती है नंबर में, जल्दी आंसर करो जल्दी। देखो अभी भी कह रहे हैं हाय प्रिया तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे बेटा प्रिया ही काम में आएगी है ना, जल्दी बताओ कितनी होती है नंबर में। एक लिख रहा 12 पेयर्स। ओ उल्लू तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की भी काउंट कर ली क्या साथ में, जब उसकी काउंट करोगे ना तब 12 पेयर्स बनेंगी बेवकूफ। आओ चलो कितनी, 12। ओके लो तुम लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें। चलो जैसे इसका एक लिख रहा 24, क्या मैंने आपको रिप्स पूछा है यहाँ पे 24, कहाँ से आए हो तुम 24 वाले, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो बच्चे होते हैं चाइल्ड में सैक्रम कितनी होती हैं, चाइल्ड में सैक्रम कितनी होती हैं, जल्दी आंसर दो। चाइल्ड में कितनी होती हैं एंड एडल्ट में कितनी होती हैं, एडल्ट में कितनी होती हैं और चाइल्ड में कितनी होती हैं, आंसर करो जल्दी। चौथा क्वेश्चन, इसके बाद एक और, फिर कुछ फैक्ट्स लिखवाऊंगी, वन लाइनर क्वेश्चंस लिखवाऊंगी आपको, अभी खत्म नहीं हुआ है आपका चैप्टर, ठीक है 9 बजे तक खत्म होगा। हाँ जी, चाइल्ड में सैक्रम कितनी होती हैं 5 एंड एडल्ट में कितनी होती हैं 1, एडल्ट में कितनी होती है 1। चलो इसका मतलब आपको चीज समझ में आई। चलो एक और आंसर करूं, एक और क्वेश्चन पूछूं, हाँ चलो एक क्वेश्चन का आंसर और करो जल्दी से, एक क्वेश्चन का आंसर तुम, कौन सा क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों से, चलो तुम बताओ कि वो कौन सी बोन्स हैं जो नोज से चलकर आंखों के पास जाती हैं, मतलब नोज और आंख के बीच में कनेक्ट होती हैं, वो कौन सी बोन्स हैं जो नोज और आंखों के बीच में कनेक्ट होती है, मतलब आंखों के पास यहां से चलकर यहां तक कौन सी ग्लैंड जा रही थी, आंसर करो जल्दी। ग्लैंड नहीं सॉरी बोन, कौन सी बोन थी वो, कौन सी, लैक्रिमल। ओके चलो तो नेक्स्ट लिखना, मतलब यहां से लेकर यहां तक यहां होती है आंखों में, इसको टच करो ना आपको फील होगा यहाँ पे बोन फील होगी, ठीक है? तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चा, लैक्रिमल। ये लो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर, जिसने 5 के 5 क्वेश्चन बताए इसका मतलब उसे ये क्लास समझ में आ रही है। अब जिसने नहीं बताए और जिसके 1-2 सही हैं वो आपस में बात करने में रह गए थे, ठीक है? चलो अब आगे, चलो अब आप कुछ लिखोगे वन लाइनर क्वेश्चंस, या वन लाइनर कुछ आप, क्या कुछ वन लाइनर आप मेरे साथ, ठीक है? चलो अब हम कुछ वन लाइनर नोट करते हैं। चलो आओ यहां पर, जो वन लाइनर का मतलब होता है सीधा सटीक, जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे आते हैं। अगर इतनी रामगाथा किसी को नहीं पढ़नी है तो आ जाओ आप मेरे पास, हर तरीके के बच्चों को पढ़ाने का तरीके है कि नहीं बताओ। चलो आप कुछ की पॉइंट्स नोट करो, ये उन गधे बच्चों के लिए जो नहीं होते लास्ट में उसमें एनसीईआरटी में लिखे हुए होते हैं सार वन लाइनर, वैसे मैं भी गधी थी, मैं भी यही पढ़ती थी पहले, है ना, यही पढ़ के एग्जाम पास किए मैंने बहुत मुश्किल से। चलो एक एक करके सारे लिखना बच्चों, कौन कौन से, वही आपके 4 क्वेश्चंस तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी,
मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी। डायग्राम जब बना रही थी तो बहुत अच्छे से बताया था कि सबसे लंबी कौन सी होनी चाहिए। पहले बताओ कहाँ की होती है? थाई की, ठीक है। और नाम क्या हो गया? FEMUR, फीमर, सबसे लंबी। जस्ट इसका ऑपोजिट कर लो, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी। कहाँ की? कान की। अरे भैया कान में तो तीन होती, तो कौन सी कान की छोटी? मैलियस, इनकस, देन स्टैपिस। कौन सी? स्टेप। वैसे स्टैपिस नहीं होती, स्टैब्स होती है, स्टैब्स, इसको स्टैब्स बोलते हैं। चलो तीन नंबर पर स्मॉलेस्ट होगी थिनेस्ट बोन, सबसे पतली हड्डी कौन सी होगी? एक्सक्यूज मी, ये मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना एक बार। थिनेस्ट बोन कौन सी होनी चाहिए? जल्दी आंसर देना, थिनेस्ट बोन। इसको चार्जिंग पे देना, चार्जर अंदर रखा होगा वहां से। हाँ जी, थिनेस्ट बोन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पतली हड्डी कौन सी लिखूं? जल्दी बताओ। ओके, कहाँ की होती है? पहले बताओ थिनेस्ट बोन होती कहाँ है? पहले आंसर दो, थिनेस्ट बोन होती कहाँ है? लोअर लेग में, पैर के निचले हिस्से में। और कौन सी? नाम बताओ, तुम लोग बताओगे। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ओके, फैबुला, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आपको मिलती है एक इक्लेयर्स टॉफी, है ना। चलो हो गया, चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? हाँ, हमारे बॉडी में वो कौन कौन सी बोन है जो मूवेबल है? मूवेबल का मतलब है जिनमें हल्की फुल्की हलचल हो सकती है। कौन कौन सी हड्डी में हलचल हो सकती है? ये जबड़ा, करो इसको घुमाओ घुमाओ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ये। इससे आपका ये वाला फैट होता ना, ये सारा बर्न हो जाता है। इसको घुमाओ, इस जबड़े को। कौन सा? ऊपर वाला जबड़ा नहीं घूमेगा, कोशिश नहीं करना, टूट जाएगा जबड़ा। नीचे वाला जबड़ा घूम जाएगा, और नीचे वाला जबड़ा बोले तो कौन सा? मैंडिबल। मैंडिबल आपका थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। घुटने की हड्डी को हटाओ, उठाओ, क्या कहते हैं, पेन कॉपी छोड़ दो, घुटने को ऐसे करो, ऐसे घूम जाता ना, बड़ा मजा आता ना घुटने को ऐसे घुमाने में। तो घुटने वाली का नाम क्या है? पटेला। ये दोनों मूवेबल बोन होती हैं। नहीं मिला चार्जर? मैं यहाँ तो नहीं ले आई थी चार्जर, ठीक है। चलो तो ये दोनों क्या होती हैं? मूवेबल। मूवेबल कौन समझ रहे हो? जिनमें ऐसे नहीं है पूरी खिसक जाएंगी अपनी जगह से, हल्की फुल्की जो मूव कर सकती हैं उनको। बच्चा अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपका, मैंने बताया, क्या बताया था मैंने, कि आपकी जो, ध्यान से सुनना, आपका जो बैकबोन है वो चार कर्व में बंटा हुआ है, 1 2 3 4। इन चारों में से पहला कौन सा था बच्चों? जल्दी बताना। पहले को क्या बोल रहे थे? सर्वाइकल। दूसरे को थोरेसिक। तीसरे को लुम्बर। चौथे को लुम्बर, लुम्बर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। चौथा वाला आपका, इसमें दो हड्डियां थी, एक सैक्रम और एक कोक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री कहाँ होती हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री कौन से रीजन में होती हैं? तो लिख लेना कि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री कौन से रीजन में होती हैं। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, 6.3 है, इसको 7000 पहुंचा दो मुझे जल्दी से। लाइक का मतलब है तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे मजबूत कशेरुकी, सबसे मजबूत कौन सी वाली होती है, है ना, कौन सी होंगी? ये होगी, ये होगी, ये होगी। तो एल से जो होती हैं, तो आप बता दोगे कि जो लुम्बर होती हैं, ये वाली स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये क्या होती है? नहीं, सैक्रम नहीं होती बच्चा स्ट्रॉन्ग, सैक्रम नहीं होती है स्ट्रॉन्ग। किसने बता दिया? सैक्रम, सैक्रम सेकंड स्ट्रॉन्ग होगी इनमें से, ठीक है, चलेगा, ये हो गया। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बात करूंगी किसकी? सर्वाइकल वाली वर्टिब्रिस की। सर्वाइकल वाली में कितनी थी बच्चों? 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं उसकी पहली वर्टिब्री और दूसरी का नाम क्या है, इसके नाम पूछ लिए जाते हैं।
इनके नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जो सर्वाइकल की जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसको बोलते हैं एटलस, एटलस। ठीक है, क्या लिखोगे कि सर्वाइकल का जो प्रथम कशेरुकी है उसको हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, एटलस, इसी पे आपकी गर्दन टिकी हुई होती है, ये देखो यहां पर, और इसी से आपकी गर्दन ऐसे ऐसे मूव हो रही है। ठीक है, चलो, क्योंकि यहां पर जॉइंट होता है। और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं एक्सिस, ओ एक्सिस। ओके, चले आप आगे। ये हो गया, ये सारे पॉइंट याद हो गए। अब सेवन नंबर पे पॉइंट देखो आपका क्या है, सात नंबर पे। सात नंबर पे आता है बच्चा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। आपके बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी इनमें से कौन सी, एक्सिस और ये एटलस। बच्चा मजबूत, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो आप बताएंगे हमारा जो जबड़ा है, जबड़े की हड्डियां होती हैं जो बोन्स होती हैं वो मजबूत होती हैं। जबड़े की हड्डियां क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, इजीली नहीं टूटती। नहीं मिला चार्जर, ऐसा हमने कहाँ रख दिया चार्जर, एक सेकेंड रुको, हम बताते हैं कहाँ चार्जर, एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ जी, चलो, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होंगी, जबड़े की। अब जबड़े की छोड़ दो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन सी होनी चाहिए, तो आप बताओगे उसके बाद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। दूसरे स्थान पर स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी फीमर, एफ ई एम यू आर, फीमर। ये लो, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों नौ नंबर पे लिखो हैवीएस्ट बोन। हैवीएस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे हैवी, वजन में हैवी, हैवीएस्ट बोन सबसे भारी हड्डी जो वजन में ज्यादा होगी। फीमर सबसे लंबी है, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि फीमर का वजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फीमर का वजन भी क्या होगा, ज्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोगों में रिब्स कितनी थी। हाँ जी, रिब्स कितने पेयर थे हम लोगों में, ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स थे, और 12 पेयर्स का मतलब टोटल कितनी होगी, 24। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि सांप में, स्नेक्स जो होते हैं, जो सांप होते हैं, उनमें कितनी रिब्स होती हैं, उनमें कितनी पसलियां होती हैं, तो आप बताओगे उनमें होती हैं 200 से 400 पसलियां होती हैं सांप के अंदर, बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सांप में ही होती हैं। तो सांप के अंदर 200 से 400 नंबर में बोली है मैंने, ये पेयर्स नहीं बोला है, ये नंबर में बोली है मैंने। ठीक है, हमारे बॉडी में पेयर्स में लिखा है मैंने 12, सांप के अंदर 200 से 400 होती है। हो गया, चलो, अब मैं आपको बताऊंगी दो और चीजें। देखो कौन सी चीजें, बहुत बार आप इन चीजों से वाकिफ होते हैं, दो नाम सुनते हैं आप, एक है टेंडोन, एक नाम है बच्चा टेंडोन, और दूसरा नाम है लीगामेंट्स। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये अलग से क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा नाम क्या है, लीगामेंट्स। अब ये क्या होते हैं बच्चा, ये होते क्या है, पहले तो ये सुनो, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ने वाले, टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। वो टिश्यूज जो किसी ना किसी चीज को आपस में जोड़ रहे हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और ये दोनों के दोनों होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी उत्तक। कभी आपसे पूछ लें ये क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब ये किसको कनेक्ट करते हैं, किसको जोड़ते हैं, तो वो सुनो बात ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर टेंडोन की बात करती हूँ, तो टेंडोन किसको जोड़ता है, तो टेंडोन जोड़ता है बच्चा एक बोन को दूसरी बोन से,
एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू। कैसे? मान लो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक ऐसे हड्डी है, एक यहीं से आप एक दूसरी हड्डी बनाओ ऐसे, तो यहाँ पर जो बीच में ऐसे जो टिश्यूज की लेयर होगी, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे आप बताओगे? टेंडोन। टेंडोन, ठीक है, ये क्या होगा? टेंडोन। अब कैसे याद करें? देखो बच्चों, इसको आप याद कर सकते हो बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ा है, ठीक है। सोनू कह रहे हैं प्रिया भारती यू आर ग्रेट। प्रिया भारती ने ऐसा क्या कर दिया जब उनको ग्रेट बोल रहे हो? देखो बच्चों, इसको कैसे याद करोगे? शॉर्ट ट्रिक बताऊं, बी टी बी, बी टी बी, बोन को बोन से जोड़ने वाला टेंडो, ऐसे याद कर लो। अब मैं अगर बात करूं लिगामेंट्स, बोलते ना मेरे लिगामेंट्स टूट गए, लिगामेंट्स की सर्जरी होनी है, एक बोन को दूसरी मसल के साथ जोड़ने वाले, ऐसे कैसे? जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो हमारा मांस होता है ना वो हड्डियों के ऊपर लगा हुआ होता है, ऐसे चिपका हुआ होता है, उसको ऐसे उतारते हैं। जैसे आप अगर कभी नॉन वेजिटेरियन में मांस वास कभी आपने कभी काटा हो, उसे उतारा हो तो आपने देखा होगा, ऐसे हड्डी के ऊपर चिपका होता है, ऐसे आप इसको छील के उतारते हैं उसको, ठीक है। ऐसे हमारे बॉडी में हड्डियों के ऊपर हमारा मांस, हमारी पेशियां चिपकी हुई होती हैं। अब जिन टिश्यूज के थ्रू चिपकी हुई होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। और इसको कैसे याद करोगे? एम कैसे याद करोगे? बी एम एल नहीं, एल एम बी, एल एम बी, ऐसे याद कर सकते हो ना, लिगामेंट। ओ भाई ये तो गलत हो गया, बी एम एल बी, हाँ एम एल बी नाम से याद करोगे, ठीक है। कैसे याद करोगे? तो मैं ये तो अपनी अपनी ट्रिक है, आप भी बना लो, तो ऐसे ही मैं तो बता रही हूं, मसल बोन बीच में क्या हो गया? लिगामेंट, ऐसे याद कर लो, ठीक है। हाँ एलबियम या एमएलबी, जैसे भी याद कर लो, आपको याद होना चाहिए। तो ये है क्या? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये संयोजी ऊतक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर दो, प्लीज कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, हो गया। हाँ कैसे भी याद कर लो बच्चा इसको, एमएलबी, आपको जैसे याद रह जाए वैसे याद कर लो, है ना, ये कनेक्टिव टिश्यूज है। ये समझ में आ गया? चलो आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चले हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे को क्या बताना है आपको? अब मुझे बतानी है बीमारियां। भाई हड्डियों के अंदर बीमारियां भी तो पैदा हो जाती हैं, चले डिजीज पर, चलो चलते हैं हम डिजीजेस ऑफ बोन्स, हड्डियों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हड्डियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं? हाँ जी बताइए जरा, आप लोग कौन कौन सी बीमारियों के नाम जानते हैं आप हड्डियों में, बता सकते हैं? बॉटनी की क्लास लो, ठीक है, मैं बॉटनी भी पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट क्लास जब भी यूट्यूब पे लूंगी तो अभी तो ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर रखा है आप लोगों को ग्लैंड्स की क्लास लूंगी, फिर मैं प्लांट क्लासिफिकेशन बॉटनी भी एक दो चैप्टर पढ़ा दूंगी। चलो हड्डियों की बीमारियों पे आ जाए, कौन सी पहली पढ़े? रिकेट्स। चलो बच्चों पहली है आपकी रिकेट्स। देखो एक बात याद रखना, हड्डियों के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है एक तो विटामिन डी और दूसरा कैल्शियम। हमारी हड्डियों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, भरपूर मात्रा में विटामिन डी होना चाहिए। हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है कौन, आप बताएंगे? विटामिन डी, विटामिन डी एंड कैल्शियम। अब मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी विटामिन डी कैसे बनता, क्या बनता, कैसे देता, क्योंकि वो सब विटामिन के चैप्टर की बात है ना। चलो तो क्या होता है रिकेट्स के अंदर, जब बच्चों के अंदर, बेसिकली बच्चों के अंदर ही होती है, चाइल्ड में होती है, मतलब 7-8 साल तक के बच्चे में, जब किसकी कमी हो जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं।
क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर? जब बच्चों की हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन डी आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, ताकत देता है, ठीक है, वजन झेलने की, क्योंकि हड्डियों के ऊपर मांस चिपका हुआ तो मांस में वजन होता है, तो वजन को झेलने की ताकत देता है। तो होता क्या है, अगर किसी बच्चे में विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो उस बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और दूसरा उस बच्चे को दांत भी बहुत लेट आने लग जाते हैं, लेट टीथ। देखा कुछ बच्चों को 12 साल तक दांत टूट गए, एक बार आ गए दांत, दूध के दांत, फिर टूट गए, फिर बेचारे को आ ही नहीं रहे, है ना, ऐसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं रैकेट्स, ठीक है। चलो दूसरी हड्डियों की बीमारी लिखेंगे हम, ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया सेम नाम हिंदी में है ऑस्टियो। देखो ऑस्टियोटर्म किसके लिए यूज में लेते हैं? ऑस्टियोटर्म यूज में लेते हैं हम बोन्स के लिए, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर जब विटामिन डी की कमी बच्चे में हो, उसकी हड्डियां कमजोर हो, तो रिकेट्स। लेकिन ऑस्टियोमलेसिया जो है वो एडल्ट की बीमारी है, एक वयस्क मेल या वयस्क फीमेल में देखी गई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस एडल्ट की भी हड्डियां क्या हो जाएंगी, बोन्स बिकम्स वीक, कमजोर हो जाती हैं, बोन्स कमजोर हो जाती है। लेकिन मेनली कौन सा हड्डी, जनरली ऐसा देखा गया है कि कौन सी हड्डी कमजोर हो जाती है, जो बैकबोन है ना वो भी मुड़ने लग जाती है, रीढ़ की हड्डी में घुमाव आ जाता है। कहने का मतलब है रीढ़ की हड्डी जो है वो बेंड होने लग जाती है, बेंडिंग ऑफ बैकबोन, इसको लिखो बेंडिंग ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में ना बेंड आने लग जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिया। याद रखिएगा, जब बच्चे में विटामिन डी की कमी हुई तो ये, लेकिन जब एडल्ट में हुई विटामिन डी की कमी तो उस एडल्ट में हड्डियां भी कमजोर होंगी, लेकिन साथ साथ में उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बैंड, ऐसे बैंड आने लग जाते हैं, जो कर्व थे ना वो और अंदर गहरे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिया। नेक्स्ट देखो बीमारी कौन सी हो सकती है, तीन नंबर पे आती है बच्चों, कौन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, देखो बच्चों ऑस्टियो का मतलब क्या है, बोन्स हड्डियां, पोरोसिस का मतलब क्या है, पोर्स, और पोर्स का मतलब क्या होता है, छिद्र। आपकी हड्डियां, ये एक हड्डी है बच्चों, ऐसे ये एक हड्डी है, हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, क्या बताऊं, पढ़ा तो चुकी, ठीक है। जब इन हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी से ऐसे हॉल होने लग जाए, छेद होने लग जाए, किसकी डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम होने लग जाती है तब हमारी हड्डियों में हॉल पोर्स हो जाते हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। भाई जब हॉल हो जाएंगे तो आप समझ रहे हैं आरबीसी वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाती हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। अब सुनो दो बीमारियां और सुननी है आपको, कितनी हो गई, ये तीन चार हो गई क्या, ठीक है, अब दो बीमारी और सुनना ध्यान से मेरी। ये बीमारियां जब आप कोई वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं ना, तो जब उसका फिजिकल देते हैं, जैसे अभी यूपीएसआई बिहार एसआई का फिजिकल देंगे ना, वहां पर आपको ये मुकेश विश्वकर्मन, थैंक यू सो मच मुकेश, अगर आपको ऐसा लगता है तो, वैसे ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है तो, जब आप फिजिकल वगैरह देने जाते हैं ना तब आपसे पूछा जाता है इन दोनों बीमारियों के बारे में, ठीक है। तो मैं बात करूं कौन सी बीमारी, देखो बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरा पॉइंट, एक होती है, मैम बहुत ज्यादा हो गया, अरे बस 10 मिनट झेल लो यार, 10 मिनट लास्ट है बस, चलो देखो ये दो बीमारियां हैं बच्चा, एक है बोलेक्स, ठीक है, ये फिजिकल अगर आप देना चाहते हैं, जैसे पुलिस पुलिस में जब जिसमें रनिंग वनिंग दौड़ वोड़ लगाते हैं ना आपको, तब उस टाइम पर ये पूछते हैं तुम्हें बोलेक्स तो नहीं है, नौकनी तो नहीं है, नौकनी नाम सुने, नौकनी, दोनों घुटनों के बीच में स्पेस कम हो जाता है। देखो इस बीमारी में क्या होता है, ध्यान से सुनना,
ये फिजिकल रनिंग वनिंग में बहुत काम आते हैं मैम. भूख लगी है, रुक जाओ मुकेश, बस 10 मिनट 15 मिनट की बात है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा. देखो होता क्या है, जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होने लग जाता है, आपकी हड्डियां पतली होने लग जाती है. ये किसी भी उम्र में हो सकती है, इसका कोई उम्र नहीं है. जब आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तब क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों, जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी हड्डियां पतली होने लग जाती हैं, और हड्डियां पतली हो जाती हैं तो आपके शरीर का जो वजन है, जो आपका वेट है, वो सारा का सारा वेट आपकी फीमर पे आ जाता है. फीमर का मतलब क्या है बच्चा, जांघ की हड्डी. सारा का सारा वजन आपकी जांघ की हड्डी पे आ जाता है, फीमर पे. और जो फीमर है ना, वो ऐसी हो जाती है बच्चा, इंद्रधनुष के आकार की होने लग जाती है ऐसे. तो इसी बीमारी को बोलते हैं बाउलेक्स, इसी को बोलते हैं बाउलेक्स. ठीक है, क्या होता है, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए और हमारी हड्डियां कमजोर हो जाए, तो हमारे शरीर का वजन सारे का सारा किस पे आ जाता है, हमारी फीमर पे आ जाता है. फीमर बोले तो थाई बोन पे आ जाता है, और हमारी फीमर जो है वो ऐसे से होने लग जाती है, ऐसे इंद्रधनुष जैसा बनने लग जाता है ऐसे. तो इसको बोलते हैं बाउलेक्स. ऐसे लोगों को रनिंग वनिंग करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चा. ठीक है, इसलिए फिजिकल वगैरह, पुलिस वगैरह का फिजिकल होता है तो उसमें पहले ही पूछ लिया जाता है तुम्हें ये बीमारी तो नहीं है ना. ठीक है, चलो अब क्या होता है, जब सारा का सारा वजन फीमर पे आ गया, अब बताओ फीमर यहां पर क्या होते हैं, आपके नी होते हैं, यहां पर आपका घुटना है, ये घुटना है. अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना अगला. ठीक है, ऐसे आपकी फीमर हो गई, ऐसे आपके घुटने, एक फीमर दूसरे पैर का फीमर, यहां घुटना यहां घुटना, ये दोनों घुटने हैं. जब फीमर ऐसी होती जाएगी, ऐसी होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी, आपके घुटने क्या होते हो जाएंगे, पास में आते जाएंगे. ये घुटने, ये जो घुटनों के बीच का स्पेस है, ये डिक्रीज होता जाएगा. स्पेस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. और धीरे 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 ऐसे आपकी फीमर ऐसी होती जाएगी, ऐसी होती जाएगी, तो आपके जो घुटने हैं ये आपस में ऐसे जुड़ने लग जाएंगे, इनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा. और इस बीमारी को कहा जाता है नोकनी डिजीज, नोक नी डिजीज. और यही आपसे फिजिकल रनिंग, भाग नहीं पाते हैं ऐसे लोग, दौड़ नहीं लगा पाते हैं, इसको बोलते हैं नोक नी. टीवी में दिखाया ना, जो रेसलर होते हैं या जो अखाड़े वखाड़े में होते हैं, उन सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको बोला जाता है नोक नी डिजीज. समझ में आया मैंने क्या बोला, कि जब आप में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो बच्चा क्या होता है कि आपकी वो आपकी जो फीमर पे सारा प्रेशर पड़ता है, तो फीमर ऐसी होने लग जाती है इंद्रधनुष के जैसी. और फीमर ऐसी होती जाएगी तो घुटने पास में आते जाएंगे. तो फीमर ऐसा होना यही तक है बीमारी, तो बाउलेक्स. और प्रेशर पड़ रहा है और आप वजन आपका बढ़ता जा रहा है, प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो आपके जो घुटने होते हैं वैसे पास आते जाते हैं, घुटनों के बीच में स्पेस कम हो पाता है, लोग प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पोस्चर में खड़े भी नहीं हो पाते हैं. भागना तो दूर की बात होती है, जब वो भागते हैं तो उनके घुटने आपस में टकराते हैं. एक कौन सी मूवी, उसमें दिखाया, मिल्खा सिंह में दिखाया था कि मुझे याद नहीं है, ठीक है उसमें. ठीक है, तो इसको कहते हैं नोकनी डिजीज. इसको क्या कहते हैं, नोकनी डिजीज. तो कितनी बीमारियां बताई मैंने आपको, हाँ जी, कौन कौन सी, रैकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, नोकनी एंड बाउलेक्स, एंड बाउलेक्स, ये डिजीज. शाही कह रहे हैं मैम आप डॉक्टर हो, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ. और टीचर भी क्या है, थोड़ा शायद मिल्खा सिंह में दिखाया है, मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी में, पर लेकिन एक मूवी में दिखाई है ये दोनों डिजीजेस. इतना याद नहीं रहता बच्चा मूवी वूवी. तो बच्चों ये आपकी डिजीजेस ऑफ बोन्स, आप सिर्फ इसके क्वेश्चंस लगाने बाकी हैं. अब मैं ये सोच रही हूं, ट्यूबलाइट मूवी में दिखाया, ऐसी मूवियां कौन देखता है, ट्यूबलाइट मूवी कौन, किसके पास टाइम था जो उसने ट्यूबलाइट देख लिया हो. वीडियो को लाइक करो जल्दी से, 7000 लाइक से कुछ नहीं होगा. अब बताओ मैं कितने बजे से पढ़ा रही हूँ, 5 बजे से, 6, 7, 8, 9 बजने वाला है अप्रोक्स, ना 9:15 हो गया ना. चलो अब बताओ, ये है आपका बोन्स के बारे में सारी बातें.
ये आपका स्केलेटल सिस्टम। मैम लड़कियों में कितनी रिब्स होती है? लड़कियों में भी बराबर होती है, पागल, लड़कियों में कि ज्यादा हो जाएंगी रिब्स, ठीक है। तो ये आपका बोन्स के बारे में स्केलेटल सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ाया? स्केलेटल बोन्स क्या होती हैं, बोन की स्ट्रक्चर पढ़ाई, देन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, देन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, पूरा 206 हड्डियों का मैंने पूरा परीक्षण कर दिया। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ाया ये देखो बच्चों, ये सारे आप तो ये डायग्राम आप खुद बना सकते हो, मुझे लगता है ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। ये देखो हमने स्टार्टिंग में ये डायग्राम लगाया था ना, कुछ लोग डर गए थे इसे देखकर, डरना नहीं था, आप सब बता सकते हो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, सब बता सकते हो। आज रात को तुम्हारे सपने में यही आएगा बेटा, चिंता नहीं करो तुम, यही आएगा आज तुम्हारे सपने में, ठीक है। चलो अब एक बात सुन लो ध्यान से, कुछ चीजें बता दूं तुम लोगों को। ये महासंगम बैच के बारे में जो नहीं जानता है, सबसे पहला तुम लोग वीडियो को लाइक करो और टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मैं बता रही हूं तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, और इस बैच को ज्वाइन कर लो। एक बैच में 12+ कोर्सेज हैं, सोचिए, जीएस स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश वोकैबुलरी, जीएस प्रैक्टिस, रीजनिंग स्पेशल, हिंदी स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, मैथ्स, रीजनिंग, मेंसुरेशन, इकोनॉमिक स्पेशल, और अमाउंट मात्र 1499। लेकिन अगर आपने प्रोमो कोड यूज कर लिया INDIIIndia30, तो सिर्फ इस पे आपको 30% डिस्काउंट लग जाएगा आपका। इस बैच को UPSI वाले, बिहार SI वाले, दिल्ली पुलिस वाले, जो बोलते हैं दिल्ली पुलिस का बैच लाओ, ये दिल्ली पुलिस का बाप है बैच, ठीक है। अगर ये बैच ज्वाइन कर लेना, दिल्ली पुलिस में कुछ नहीं बचने वाला तुम्हारा, अलग से पढ़ना है, उल्लू बनाना होता है, अलग से बैच लाना, ठीक है। बोलोगे तो हम ला देंगे, हमारा क्या बिगड़ रहा भाई। क्या आता दिल्ली पुलिस में? मैथ्स आता, रीजनिंग आता, और कंप्यूटर आता, ये रहा कंप्यूटर स्पेशल, ये रहा मैथ्स स्पेशल, मैथ्स का प्रैक्टिस बैच, GS आता, साइंस आता, ये लो आपका हो गया दिल्ली पुलिस, ठीक है। ये एक साइंस स्पेशल का बैच है, साइंस स्पेशल बैच नंबर 9, जो कल से स्टार्ट होगा, और जिसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगी, एंड फिजिक्स अंकुश सर पढ़ाएंगे। साइंस स्पेशल 8 तक हमारे खत्म हो चुके, 8 चल रहा है, 7 तक खत्म हो चुके हैं। साइंस स्पेशल बैच नंबर 9 है, जिसका अमाउंट 649, लेकिन प्रोमो कोड यूज करो कल सुबह तक, INDIA30, 30% डिस्काउंट, सोचो कितना कम हो जाएगा, ओके। अब यूपी बिहार SI का भी बैच है, ये लो, ये कोई भी बैच पे अप्लाई कर देना, बिहार SI और UPSI को छोड़कर, इस पे नहीं, क्योंकि उनका फी बच्चा, टीचर्स बहुत ज़्यादा है, 1099 अमाउंट है बिहार SI UPSI का, अगर हम ये करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल में चले जाएंगे। ये प्रोमो कोड लगा देना कल दोपहर के 12 बजे तक, कल कौन सी तारीख है, 17 ना, हाँ 17 अगस्त, 12 PM तक आप लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 30% का, ओके। अब बात बची इसकी PDF की, साइंस स्पेशल कल ही तो लाएंगे, वेद प्रकाश कौन पूछ रहा है, अनिल आप पूछ रहे हैं शायद, है ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे लाइव बैचेस पे ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं आप। अब मेरी बात सुनो तुम ध्यान से, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला तुम्हें टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाओ, टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहां से सारे के सारे कोर्सेज आप, सब है, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, सब है, सब कंप्यूटर, हिंदी, सब है बच्चा, सब मूल विधि, सारे बैचेस हैं, सब कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश स्पेशल भी है बच्चा, ठीक है। हाँ चलो ओके, कल 11 बजे से स्टार्ट होगा बैच। अब बच्चों जो जो बच्चा बोल रहा है ना, PDF कहाँ से मिलती है, हाँ यही चीज बतानी थी कि मैम हमें इस स्केलेटल सिस्टम का PDF चाहिए या कोई PDF चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जुड़ा हुआ है, और वहां से आप इसको रिसीव कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है साइंस विद काजल सिहाग, साइंस विद काजल सिहाग, ओके मेरा नाम है काजल सिहाग अगर आप नहीं जानते हैं तो, ओके। और इसी नाम से आप फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन,
कभी भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है आपकी, कोई आपको डाउट आया स्केलेटल सिस्टम में या कोई भी चैप्टर आपने जो यूट्यूब से पढ़ा हुआ हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, काजल सिहाग। वहाँ पर ऐसा नहीं है तुमने तुरंत क्वेश्चन भेजा तुरंत मैं रिप्लाई कर दूँ, इतनी तो मैं फ्री नहीं हूँ ना, लेकिन सैटरडे संडे में रिप्लाई करूँगी आपका, शनिवार इतवार को आपके रिप्लाई मिलेंगे। कोशिश करना ये वाली चीज़ करने का, क्योंकि मैं फेसबुक पेज बहुत कम खोलती हूँ लेकिन इंस्टाग्राम तो मैं खोलती रहती हूँ। ठीक है, चलो हो गया। तो ये पीडीएफ यहाँ से ले लेना, टेलीग्राम लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना। ये बच्चों आज की क्लास। अब आपको ये बता दो कि स्टेट पीसीएस के लिए पीसीएस बैच नंबर 2 ज्वाइन कर लीजिए बच्चा, पीसीएस का बैच है। ठीक है, अब मुझे हाँ, अगर बायोलॉजी और डिटेल में पढ़नी है आपको, नीट वाला जो बच्चा पूछा 12th क्लास वाला बच्चा, आपके लिए बायोलॉजी स्पेशल बैच नंबर 2 है। 3 भी आएगा बहुत जल्दी, बायोलॉजी स्पेशल 2 में एडमिशन ले सकता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यूट्यूब पे पढ़ाती रहूँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, थ्योरी क्लासेस भी करवाऊंगी, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और ये डिसलाइक वाले कौन है, देखो 168 लोग डिसलाइक कर गए, ओ भाई क्या बिगाड़ दिया मैंने उन लोगों का। हाँ, कौन आते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, 168 बहुत ज़्यादा हो गए यार। हाँ, टेंशन हो गई मुझे। हाँ जी, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, 7.2 या 7.3 कर दो, लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती। लैपटॉप में चलती है एप्लीकेशन, आपके पास विंडो 10 होना चाहिए बच्चा, विंडो 10 में चलेगा सिर्फ। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो लाइक, कि जाऊं मैं, ये कौन है 1602, देखो डिसलाइक कर दिया, और भी आगे 202 हो गए, पहले थे या अभी हुए हैं। अभी बेवकूफों लाइक बटन दबाना है, तुम लोगों ने डिसलाइक तो नहीं दबा दिया है, मुझे पता है बहुत सारे हैं यहाँ पे, डिसलाइक नहीं दबाना है। 195 डिसलाइक भी आपके फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, अरे बाप रे, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ाया होगा, नहीं आया होगा, पल्ले नहीं बैठा होगा, तो क्या हो सकता। कोई बात नहीं, तुम लाइक करो तुम डिसलाइक करो, बट हमेशा लाइक वाला रेशियो ऊपर रहे, बहुत रहेगा आपका, 50 गुना ज्यादा रहेगा, 100 गुना ज्यादा रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास जो लूंगी, पहले इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस करवाऊंगी। कल रात में मिले 10 बजे या 8 बजे, देख लूंगी मैं टाइमिंग, मैं नोट कर लूंगी, 8 बजे कोशिश करूंगी। कल नहीं मिल पाऊंगी, कल नहीं, परसों। परसों कौन सी डेट है, आज क्या है, आज है 18 अगस्त को मिलूंगी आप मैं आपसे, और इसी चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर, ठीक है, 18 अगस्त को मिलूंगी रात को 10 बजे, हो सकता है 8 बजे भी आ जाऊं या 10 बजे, तो क्लास लगी हो तब देख लेना, हो गया। चलो, ये बच्चा आज की क्लास, ये सब आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, और ये बेवकूफों को लाइक का बोला वो डिसलाइक करके भाग गए यहाँ पे हैं, तो मैं बताऊंगी बेटा, तो मैं बताऊंगी, हो गया। चलो, आप कोई भी आपका कोई डाउट है कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, हाँ कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी हो, हाँ 18 अगस्त को 8 या 10 बजे आऊंगी, वो आपको इवेंट लगा हुआ होगा वो देख लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इस YouTube को आप सब्सक्राइब कर लो, हमारे टाइम्स को ही नहीं, देखो हमारे 2 सेगमेंट और भी हैं, टाइम्स टीचिंग, उस पर क्लासेस चल रही है, मैं भी क्लास लूंगी उस पर कल या परसों, टाइम्स टीचिंग, उस पर सिर्फ और सिर्फ एस्टेट यूपीटेट ये आपका टीचिंग वाले एग्जाम होते हैं ना, उसके लिए पढ़ाया जाता है, तो ये हमने अलग से चैनल बना दिया है, ये हमारा ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, टाइम्स कोच, टाइम्स टीचिंग, ओह मैंने कोचिंग लिख दिया क्या, टाइम्स टीचिंग, जो बच्चा एस्टेट यूपीटेट या फिर अपना जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचिंग के लिए कर रहा है, इसको ज्वाइन करो, सारी क्लासेज चल रही है वहाँ पर, EVS पैडागोजी सारी क्लासेज चल रही हैं, और एक हमारा टाइम्स अकेडमिक्स है, ये भी अपना ही चैनल है बच्चों, ये भी अपना ही है, इसमें बहुत जल्दी हम अकेडमिक्स की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, 11th 12th की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे 37वीं 8, उसके लिए स्कूल है इनफ, ठीक है, इसको प्लीज़ कर लेना लाइक और सब्सक्राइब, और इस पे वीडियोस हैं चाइल्ड पैडागोजी के, हिंदी के, वो सब देखो यहाँ से। हाँ, बिहार दरोगा के लिए आप महासंगम बैच ज्वाइन कर सकते हैं पूनम, बिल्कुल कर सकते हैं,
चलो तो बायोलॉजी वन वालों, टू वालों, कल क्लास नहीं लूंगी आपके बैच में, आज बहुत हो गया आप लोगों के लिए, इसी को पढ़ लो, परसों मिलूंगी आप लोगों से 6 से 8 में। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक है, आपका मेरा साथ इतना ही था, हम 5 बजे से 9 बजे तक लगातार बने हुए थे। कोई भी आपकी क्वेरी हो स्केलेटल सिस्टम की, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, हमेशा करती हूँ रिप्लाई, कि कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो, सारा इस वीडियो के नीचे डाल देना, ठीक है, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई कर दूंगी। और जो जो बच्चा मुझे थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मेरे छोटे भाई बहनों, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो किसको पढ़ाऊँगी, है ना। चलो यस, अभिषेक कुमार आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं जनरल साइंस के लिए। हाँ, महासंगम ज्वाइन कर लो, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों महासंगम बैच ज्वाइन कर लो, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब ऐड कर रखा है मैंने। चलो तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, आप सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, और बहुत वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस में। और हाँ, आज बिहार SI का फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गया है, 16 अगस्त है, लास्ट डेट 24 सितंबर है, जिस जिसको बिहार SI का फॉर्म सबमिट करना है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सर्वर में इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, तो बाद में आपका फॉर्म ना भी फिल हो, ऐसी भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले जाकर जिस इसको बिहार SI को टारगेट कर रखा है, तुरंत जाकर फॉर्म सबमिट कर दो, आज से ओपन हो चुके हैं, 16 अगस्त है ना, आज से ओपन हो चुके हैं, ये काम कर देना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, और अच्छे से रहो, और इस वीडियो को लाइक नहीं कराए तो वो प्लीज़ लाइक कर दें, डिसलाइक नहीं करना है, लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे की मेहनत है मेरी। और कोई भी कमेंट हो नीचे क्वेरी में टाइप कर देना, किसी भी टाइप का कोई भी है मैं रिप्लाई कर दूंगी, और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलो और खुश रहो, अच्छे से रहो, और पढ़ाई करो, जिस जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत जल्दी आप लोग उसमें सिलेक्शन लो, और आप सब लोग सरकारी नौकरी मिल जाए आप सब लोगों को, क्योंकि इज्जत सिर्फ हमारे इंडिया में, हमारे देश में सरकारी नौकरी वालों की है, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। हमारे घर वाले पूछते हैं कब तक ट्यूशन पढ़ाते रहोगे, नौकरी करोगे कि नहीं करोगे, तो वही बात है, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, अच्छे से रहें, और अपना ध्यान रखें, और अपने पेरेंट्स का, और भी जो भी आपके आसपास के लोग हैं सबका ध्यान रखो। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय।